हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस लेक्चर में हम लोग अक्टूबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइज, पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी अक्टूबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हर एक करंट अफेयर्स को जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उनको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो गाइज, वीडियो में बने रहिए। और मैं आप लोग को बता दूँ कि जो भी लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पेड कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है एग्जामिनेशन की, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस यहां पर समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर वन की न्यूज से। सबसे पहले कवर करेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जीएस पेपर वन से, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है जिसमें जीएस पेपर वन टू थ्री फोर आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले जीएस पेपर वन को कवर करेंगे, फिर पेपर टू को, एंड देन वी विल मूव ऑन टू पेपर थ्री, राइट। तो पहले पेपर वन की पहली न्यूज से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो यहां पर बात हो रही है बाउल म्यूजिक के बारे में। बाउल म्यूजिक जो है वो इसको बोलते हैं गाइस। तीन दिन का ये लंबा फेस्टिवल हम लोग को बाउल सॉन्ग का देखने को मिलता है, जो कि इंडो बांग्ला बाउल म्यूजिक फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंडो बांग्ला बाउल म्यूजिक फेस्टिवल। नाम से जन में आ रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश का ये बाउल म्यूजिक फेस्टिवल है, इस चीज को आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली ये फेस्टिवल ढाका में हुआ था, जब 129th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी बाउल सेंट फकीर लालों शाह की, राइट। तो बाउल सेंट है ये, यानी कि बाउल के साधु थे फकीर लालों शाह, उनकी 129th डेथ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिली थी, और उसी अवसर पर ये बाउल म्यूजिक फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया था, राइट। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। और बाउल म्यूजिक जो है ये फोक म्यूजिक का ही एक फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के वेस्ट बंगाल का यूनिक फोक म्यूजिक है ये, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर बाउल का मतलब होता है एफ्लिक्टेड विद द विंड डिजीज, यानी कि जो विंड, जो पवन हवा जो है उससे प्रभावित या पीड़ित, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं डिजीज, राइट। तो यानी कि जो म्यूजिक जो है वो इस प्रकार का है कि ये हवा में, विंड में जो है वो फैलता जाता है और सभी लोग इस म्यूजिक के एडिक्ट जो है वो बनते जाते हैं, आदि हो जाते हैं इस म्यूजिक के। इतना ज़्यादा इतना डिटेल में याद नहीं रखना है, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बस याद रखो, फैक्चुअल जो कि प्रिलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में। और इसका लिरिक्स और म्यूजिक जो है गाइज ये सोल सर्चिंग है, यानी कि काफ़ी अच्छा जो है वो फील कराता है सुनने में, और ये जो सूफी म्यूजिक का जो जॉनर है उससे आप इस बाउल म्यूजिक को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल सकती है बाउल म्यूजिक में और सूफी म्यूजिक के जॉनर में। और 2005 में यूनेस्को की ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर जो है इस यानी कि इसकी लिस्ट में इस बाउल म्यूजिक को जो है वो शामिल कर लिया गया है, बाउल ट्रेडिशन ऑफ बांग्लादेश के इस बाउल म्यूजिक को, राइट। तो 2005 के अंदर जो है ये शामिल है बाउल ट्रेडिशन ऑफ बांग्लादेश यूनेस्को की ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो बात हो रही है रॉयल बरियल साइट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक से जो है वो कवर करनी है पूरी चीज़ें। ओल्ड एनसीईआरटी, आर एस शर्मा जी इसके ऑथर हैं, करीब लगभग 430 पेज के आई थिंक जो है ये बुक हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये डेफिनेटली आप पढ़िएगा। और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक लौती एक ऐसी बुक है जो काफ़ी है, कि इसको आपने पढ़ लिया, मल्टीपल रिवीजन कर लिया और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लिए तो आपको एक ट्रेंड पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जैनिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडस वैली एम्पायर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ आपको जो है वो थोड़ी इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक आइडिया मिल जाएगा और कवर करनी है। और भी ज़्यादा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को, तो तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपकी पूरी चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो देखो, अब हम बात कर रहे थे चालुक्य डायनेस्टी के रॉयल बरियल साइट के बारे में। तो चालुक्य डायनेस्टी देखो, आप ये मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी का राज रूल हम लोग को देखने को मिलता था, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या पाया गया है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि चालुक्य डायनेस्टी के समय पर बनाए गए थे, और इन टेम्पल्स को एज अ रॉयल बरियल साइट की तरह उपयोग में लिया जाता था। कई सारे इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं कर्नाटका में हुली रीजन पे,
और हुली जो पट्टादा कालू जो रीजन है कर्नाटका का, वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है हुली जैमेना कोल्ला। तो यहाँ पर जो है वो ऐसे इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं कुछ एंशियंट टेम्पल्स में, जहाँ पर ये पता लगा है कि एक समय पर ये टेम्पल जो हुआ करते थे वो रॉयल बरियल साइट की तरह हुआ करते थे। इसका मतलब क्या है, जब राजा जब मर जाते थे या फिर राजा और उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की डेथ होती थी तो उनको इस टेम्पल में गड़ाया जाता था, यानी कि इस टेम्पल के नीचे उनको बरी किया जाता था, गड़ाया जाता था ऐसी पर्सनालिटी को। तो ये रॉयल बरियल साइट की तरह हम लोग को टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जो कि अभी इसकी डिस्कवरी जो है वो हुई है। और ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा कि चालुक्य डायनेस्टी के समय पे जो कर्नाटका में जो कई सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलते हैं, एंशियंट टेम्पल्स जो देखने को मिलते हैं, वो एक समय पे चालुक्य डायनेस्टी के समय पे एज अ बरियल साइट की तरह हुआ करते थे। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 11 टेम्पल्स हैं जिसमें लिंग है, लिंग यानी कि शिवलिंग आप रिलेट कर पा रहे हो, शिवलिंग जो होते हैं शिव जी की जो है वो इस प्रकार की मूर्ति होती है, आपने कई बार देखी होगी शिवलिंग राइट इस प्रकार से, तो उसमें जो है वो स्नेक भी बनाया रहता है और अच्छी काफ़ी ब्यूटीफुल मूर्ति होती है। हालांकि मैंने ये डायग्राम जो है वो परफेक्ट बनाया नहीं है, इस प्रकार की कुछ मूर्ति होती है, थोड़ा तिरछा डायग्राम बन गया मेरा, बट आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये 11 टेम्पल है जिसमें शिवलिंग है और टॉवर है राइट, और जिस जो कि चालुक्य डायनेस्टी के समय पर बनाए गए थे। और इसमें कई सारे ऐसे टेम्पल्स भी हैं जहाँ पर शिवलिंग है बट टॉवर नहीं है राइट। तो ये बताया जा रहा है कि जो लिंग जहाँ पर स्थित है जहाँ पर टॉवर नहीं है वो एज अ बरियल साइट की तरह या फिर रॉयल बरियल साइट की तरह उपयोग में ली जाती थी। और यहाँ पर इवन ये भी बोला जाता है कि विक्रमादित्य 2 के फ्यूनरी कास्केट बियरिंग श्राइन भी हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो मटकी में जो अस्थियाँ बहाई जाती हैं ना, तो वो मटकी के अंदर जो अस्थियाँ जो है वो विक्रमादित्य 2 की यहाँ पर इस मंदिर में रखी गई हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पर सामने आ रही हैं, बट आपको डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं जाना है, आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि अभी रिसेंट जो डिस्कवरी हुई है कि चालुक्य डायनेस्टी के समय पर जो मंदिर हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे, वहाँ पर जो है वो एज अ टेम्पल जो है वो रॉयल बरियल साइट की तरह उपयोग में लिए जाते थे राइट। और पॉपुलर बिलीफ ये भी है कि ये टेम्पल्स जो है गाइस यहाँ पर होली ज्योतिर्लिंग्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि ज्योतिर्लिंग जो है महादेव जी के, तो वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये टेम्पल जो है वो कुछ नहीं थे बट चालुक्यन रॉयल फैमिली के ग्रेव्स हुआ करते थे राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बड़ी खोज, बड़ी डिस्कवरी जो है वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोग को पता लगी है राइट। क्लियर है पूरी चीज़। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सरस आजीविका मेला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है, सरस आजीविका मेला राइट। और इस मेले का ऑब्जेक्टिव ये है कि रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आना। तो देखो आप ये मेले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, आपको इंडिया गेट के सामने ये मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हो फोटो में। तो ये इस मेले में क्या हो रहा है कि जो रूरल एरियाज़ की जो वुमेन्स हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स या फिर उन्होंने अपनी स्किल्स जो है उसको डिस्प्ले किया हुआ है, जिससे कि बायर्स आएँ और वो उनके प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेस करें, जिससे कि उनकी स्किल्स जो है वो अलग अलग जगह तक पहुँचे और साथ ही साथ उनको उनकी इनकम भी जनरेट हो राइट। तो इसका फोकस यही है कि इट विल हेल्प देम टू शोकेस देयर स्किल्स, सेल देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि अपनी स्किल्स को शोकेस करेंगी, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगी और बायर्स के साथ एक बेटर लिंक जो है वो क्रिएट करेंगी, जिससे कि उनको इन फ्यूचर जो है वो इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल पाए और इवन अर्बन कस्टमर्स में उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सके, कि शहरी एरिया के लोग जो हैं वो उनसे आकर प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें। तो ये सरस आजीविका मेला का ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की अब यहाँ पर बात हो रही है, तो 10वीं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हम लोग को अभी रिसेंटली जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत या फिर इसके अंडर, इस इनिशिएटिव के अंडर। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है गाइज ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसमें जो रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारी कंट्री के उसको शोकेस किया जाता है, जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं हमारी कंट्री के सभी को एक साथ शोकेस किया जाता है, अलग अलग जगह से आर्टिस्ट वगैरह यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और फिर अपने अपने आर्ट फॉर्म्स को जो है वो डिस्प्ले करते हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं, क्यूजन होती हैं यानी कि खाना पीना वगैरह, अलग अलग जगह की डिशेज हम लोग को देखने को मिलती है, पेंटिंग स्कल्पचर और आर्ट्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि फोक परफॉर्म किया जाता है, फोक डांस होता है, फोक म्यूजिक होता है, ट्राइबल जो ट्रेडिशंस होते हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है, क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस वगैरह जो होते हैं, जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं उनको डिस्प्ले करते हुए जो है वो ये शोकेस किया जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितना रिच कल्चरल हेरिटेज है
राइट। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत हम लोग को ये देखने को मिलती है, जो कि ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, और इसकी ये 10वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव हम लोग को जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम की बारे में बात करें गई तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 31 अक्टूबर 2016 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का मेजर मकसद यही था कि हमारी कंट्री, जो कि इतनी वास्ट कंट्री है, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, अलग अलग ट्रेडिशंस हमारी कंट्री में है, डाइवर्सिफाइड पीपल हमारी कंट्री में रहते हैं, तो अलग अलग स्टेट से, यूटी के, यूटी से अलग अलग रीजन से लोग बाग इकट्ठा हो और एक दूसरे के साथ अपने बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट करें, रिलेशंस क्रिएट करें, राइट, और एक दूसरे के कल्चर को डिस्प्ले करें, दिखाएं एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, जिससे कि सभी लोग जो है वो यूनिफाइड तरीके से इंडिया में रह सकें, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन हम लोग को इंडिया में देखने को मिलती है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग उनके ट्रेडिशन होते हैं, तो सबको इकट्ठा करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया था 31 अक्टूबर 2016 को। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज़ आ गई है पेपर वन में। अब देखिए हैगिबिस टाइफून की यहाँ पर बात हो रही है, तो हैगिबिस टाइफून आपको नाम याद रखना है, ये टाइफून जो है, ये तूफान जो है वो कहाँ पर आया है, जापान में। पूरी तबाही मचा दी है टाइफून ने, आप देख सकते हैं कि ये कितनी बुरी हालत है जापान की अभी एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिली है, और बताया जा रहा है कि सालों के बाद अब जाकर ये ऐसा कुछ इतना खतरनाक स्ट्रॉम जो है, तूफान जो है वो आया है। तो मेन चीज़ आपको याद रखनी है हैगिबिस टाइफून के बारे में, और ये जापान में आया है, ये वाली चीज़ याद रखिए। जापान के आसपास की लोकेशन जो है वो आप थोड़ा सा देखिए, ये सी ऑफ जापान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट, तो ये यहाँ पर इस एरिया पर इसने जो है वो बहुत बुरी हालत जो है वो कर दी है जापान की, राइट, तो आप फोटो में इसका अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं, बट मेन चीज़ याद रखना हैगिबिस टाइफून। अब नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो अभिजीत बैनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रीमर, तो इन तीनों को जो है ये नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है, और क्यों किया गया है, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, पूरे दुनिया भर की गरीबी को खत्म करने के लिए इन्होंने एक टूल जो है उसको निकाला है, राइट, यानी कि बनाया है, तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है। और गाइज आप पिछले अक्टूबर फर्स्ट और सेकंड वीक के लेक्चर को आप देखिएगा, जहां पर मैंने आपको नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में बताया है, और जितने भी नोबेल प्राइज अभी 2019 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनके भी नाम मैंने इकट्ठे आपको दे चुके हैं, तो आप एक बार प्लीज जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस ट्यूटोरियल को रेफर कर लीजिए, जहां पर आपको पूरी चीज जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे रैमब्रेंट 350th डेथ एनिवर्सरी के बारे में, तो रैमब्रेंट हरमन जून वैन रिन जो है गई, जिनका लाइफ स्पैन 1606 से लेकर 1669 का हम लोग को देखने को मिला था, 1606 में इनकी इनका बर्थ हुआ था और 1669 में इनकी मृत्यु हुई थी, 4th अक्टूबर 1669 में, और इनकी 350th डेथ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिली है अभी 2019 में, और इस समय इंडिया और नीदरलैंड्स ने मिलकर इनकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व कर रही है। देखो ये एक डच पेंटर थे, तो वी कैन से कि नीदरलैंड से ये बिलोंग करते थे, राइट, डच रीजन से ये बिलोंग करते थे, तो नीदरलैंड इनकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रही है तो समझ में आता है हम लोग को, बट इंडिया इनकी डेथ एनिवर्सरी क्यों ऑब्जर्व कर रही है, क्यों दोनों कंट्री जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कल्चर और हेरिटेज जो है उसको शोकेस कर रही हैं इनकी 350th डेथ एनिवर्सरी को। तो देखो ये जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये कौन थे गाइस, तो ये बहुत ही बेहतरीन एक पेंटर थे, डच पेंटर थे, प्रिंट मेकर थे, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजुअल आर्टिस्ट जो है हिस्ट्री ऑफ आर्ट में उस उनका दर्जा इनको मिला हुआ है, यानी कि आर्ट की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजुअल आर्टिस्ट थे ये, राइट, और डच आर्ट की हिस्ट्री में स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो उनमें बहुत ही जाना माना नाम थे ये, बट इंडिया से कैसे ये रिलेटेड थे, तो गाइज रैमब्रेंट जो थे वो मुगल मिनिएचर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे 1650s के अराउंड, यानी कि इनकी डेथ होने से कुछ समय पहले जो है ये मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो है वो बनाना इन्होंने शुरू किया था, मुगल मिनिएचर आर्ट जो है उन्होंने बनाना शुरू किया, और 25 ड्राइंग जो है मिनिएचर पेंटिंग जो है मुगल एम्पायर की वो इनके द्वारा जो है वो जो पेंट की गई थी, बनाई गई थी 1656 से लेकर 1661 के पीरियड में, जब इनका करियर एकदम हाइट पे था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जब ये फेमस हो चुके थे। बट गाइज यहाँ पर ये यूनिक इसलिए बताया जाता है क्योंकि रैमब्रेंट आज तक इंडिया नहीं आए, रैमब्रेंट जो है उन्होंने कभी भी इंडियन ज़मीन पर अपना पाँव नहीं रखा, पैर नहीं रखा, बट देन टू इन्होंने मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो है वो बनाई थी, राइट, और इन्होंने इनकी मिनिएचर पेंटिंग में शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर और दारा सिखों की पेंटिंग जो है वो इंक्लूडेड है, राइट, तो ये वाली चीज़ बस आपको याद रखनी है कि रैमब्रेंट जो थे वो एक बहुत ही जाने माने पेंटर थे और इन्होंने मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो है वो बनाई थी। अब देखो क्वेश्चन में कम, अब देखो इन्होंने मुगल पेंटिंग बनाई है तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रैमब्रेंट जो है वो फलाना शाहजहां की कोर्ट में जो है वो एज अ पेंटर थे, तो ऐसा आ सकता है, तो आपने
आपको अगर आइडिया हो कि अरे यार इन्होंने जो है वो पेंटिंग बनाई थी शाहजहां की, मिनिएचर पेंटिंग, तो आप मे बी उस ऑप्शन को जो है वो टिक कर सकते हो. तो देखो एक ऑप्शन तो करेक्ट है कि इन्होंने शाहजहां की पेंटिंग बनाई थी, बट ये शाहजहां के कोर्ट में मौजूद नहीं थे, राइट? या फिर आप किसी के भी कोर्ट में आप देख सकते हो मौजूद नहीं थे, सिर्फ इन्होंने पेंटिंग बनाई थी, राइट? क्योंकि ये कभी इंडिया की जमीन पर इन्होंने कदम ही नहीं रखा, राइट? तो कहां से ये कोर्ट में होंगे? तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी डिटेल में आपको जानी है, क्योंकि आज की डेट में आप जानते हो कि यूपीएससी थोड़ा सा आपसे डिटेल में जो है वो पूछ रहा है, आपके साथ थोड़ी सी हरकत वो कर रहा है, क्योंकि 2019 के पेपर में ये चीज जो है वो क्लियर हो चुकी है. समझ में आएगी पूरी बातें? अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं अपन. अब 2019 बुकर प्राइज के बारे में बात हो रही है. तो देखो द टेस्टामेंट्स ये बुक है एक गाइस, जिसको लिखी है मार्गरेट एटवुड ने और गर्ल वुमेन अदर्स. तो ये बुक जो है एवारिस्टो के द्वारा लिखी गई है. तो एवारिस्टो और एटवुड को जो है ये इन दोनों बुक के लिए जॉइंटली बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है, 2019 का बुकर प्राइज दिया गया है. तो हालांकि जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको ये नाम वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट जो लोग स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको ये नाम जो है वो याद रखना है. बट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए गाइस ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक के आने की संभावना इसलिए क्योंकि इस साल गाइस ये जो बुकर प्राइज का रूल है उसके खिलाफ जाकर जॉइंटली इस अवार्ड को दिया गया, क्योंकि बुकर अवार्ड ये बोलता है कि ये अवार्ड जो है वो जॉइंटली नहीं दिया जा सकता, राइट? बट रूल्स के खिलाफ जाकर इस अवार्ड को जो है ये दोनों ऑथर को जो है वो मिला है, राइट? 2019 बुकर प्राइज. तो बुकर प्राइज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हर साल ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है. तो जो भी बेस्ट नॉवल लिखते हैं गाइस, और ये नॉवल उनकी इंग्लिश में लिखी जाती है और पब्लिश की जाती है यूके में या फिर आयरलैंड में, तो उस नॉवल को दिया जाता है. तो दो तीन चीज़ें याद रखो कि नॉवल जो है वो एक तो इंग्लिश में होनी चाहिए और नॉवल यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश की गई हो, तो उन पर्टिकुलर जो ऑथर होते हैं उस नॉवल के, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और हर साल ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है. बेस्ट नॉवल का अवार्ड होता है ये बुकर प्राइज. 1969 में लॉन्च किया गया था इस प्राइज को, मैन ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है ये प्राइज, और साथ ही साथ इस प्राइज में £50,000 जो है वो दिए जाते हैं अवार्डी को, राइट? तो ये वाली चीज़ भी आप याद रखिएगा. और क्या ये पहली बार बुकर प्राइज जो है ये जो है वो जॉइंटली दिया गया है? तो नहीं गाइस, पहले भी जॉइंटली दिया गया है. पहली बार दिया गया था 1974 को, और इन दोनों को दिया गया था. आप नाम पढ़ सकते हैं, हालांकि नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. और दूसरी बार 1992 में दिया था माइकल को और बैरी को, राइट? तो ये अवार्ड, तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये पहली बार जॉइंटली अवार्ड नहीं दिया गया है, ये तीसरी बार जो है ये जॉइंटली बुकर प्राइज दिया गया है, और बुकर प्राइज के रूल के खिलाफ जाकर जॉइंटली ये अवार्ड जो है वो दो पर्सनालिटी को दिया गया है. समझ रहे हो बातों को? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. अब बात हो रही है 2019 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में. देखो इस अवार्ड के नाम से ही समझ में आ रहा है, पहली चीज तो हमने देख ली कि यूनेस्को का ये अवार्ड है, दूसरी चीज एशिया पैसिफिक रीजन में ये अवार्ड दिया जाता है, और किनको दिया जाता है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करके इस अवार्ड को उनको दिया जाता है. तो पांच कंट्रीज जो हैं एशिया पैसिफिक रीजन की, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड, तो इनके 16 प्रोजेक्ट्स को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है. और यूनेस्को का जो ये अवार्ड है गाइस, एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो ये रिकॉग्नाइज करता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग सक्सेसफुली जो कल्चरल हेरिटेज की बिल्डिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, तो उसको कंजर्व प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, सक्सेसफुली प्रोटेक्ट करने का काम, राइट, तो उनको इस अवार्ड्स को जो है वो दिया जाता है उनको रिकॉग्नाइज करते हुए. और इंडिया में ये अवार्ड जो है वो किन किन को मिला है? तो देखो गाइस, ये अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन कैटेगरी दिया में अवार्ड मिला है विक्रम साराभाई लाइब्रेरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, इंडिया को, राइट? तो ये चीज आप याद रखिए, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी में, तो ये इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अवार्ड दिया गया. तो आपको देखो इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन का नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है. अब मेरिट का अवार्ड जो है, यानी कि इस कैटेगरी का अवार्ड मिला है मुंबई के अंदर हम लोग को केनिस्थ इलियाहू स्यांगोग हम लोग को देखने को मिलती है, और अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च जो मुंबई में है, तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है. और ऑनरेबल मेंशन जो है ये फ्लोरा फाउंटेन मुंबई इंडिया में हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर दिया गया. तो देखो मैक्सिमम अवार्ड जो है वो मुंबई के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई के कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एफर्ट्स लिए गए थे, और फिर उसके बाद फिर उन प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया. तो बट मेन चीज आप याद रखो ये लोकेशंस के नाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों देखो यहां पर बताया जा रहा है कि दो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं मणिपुर और त्रिपुरा में,
जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, तो इसमें एक ए एस यू के ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है एन एल एफ टी, तो अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कैंगली पैक जो ग्रुप है और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एक दूसरा ग्रुप है त्रिपुरा और मणिपुर के अंदर, इन्होंने डिमांड करी थी कि ये दोनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 15 अक्टूबर 2019 को शट डाउन कर दिया जाएगा पूरी तरह से, यानी कि इन स्टेट को बंद कर दिया जाएगा, यहाँ के जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं, यहाँ पर जितना भी कामकाज होता है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो एक स्ट्राइक रखने की इन्होंने डिमांड जो है वो रेज करी थी इन दो इंसर्जेंट ग्रुप्स ने, ठीक है। और ये दो स्टेट्स जो है गाइस, इन्होंने कहा था कि ये दोनों स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया है अंडर ड्यूरेस, यानी कि जोर जबरदस्ती के दबाव डालकर, प्रेशर डालकर इन दोनों स्टेट्स को इंडियन यूनियन के अंदर शामिल किया गया। आपको याद आ रहा होगा गाइस 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी तब उस समय हम लोग को देखने को मिला था गाइस कि कई सारे ऐसे स्टेट्स थे, कई सारे ऐसे एरियाज थे जो कि इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हैदराबाद का, जिसके बारे में मैंने आपको अभी रिसेंटली पास में ही जो है वो प्रीवियस दो तीन ट्यूटोरियल पहले ही मैंने आपको बताया है कि हैदराबाद जो है गाइस उसको भी हम लोगों ने जो है वो फोर्सफुली जो है ऑपरेशन पोलो वहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था, ऑपरेशन पोलो जिसके थ्रू हम लोगों ने हैदराबाद को अपने कब्जे में जो है अपने इंडियन यूनियन में जो है वो रख लिया था, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम ने मना कर दिया था कि वो इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, राइट। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ और ऐसे कई सारे स्टेट हैं, जैसे कि गोवा की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हुआ, दमन एंड दीव हो गया। तो ये सब जो टेरिटरीज हैं, एरियाज जो हैं जो कि इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको शामिल किया वेरियस टूल से, जैसे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हम लोग को देखने को मिला था, तो यानी कि एक एग्रीमेंट के तहत हम लोगों ने उसको शामिल किया था। तो वैसे ही कई सारी स्टेट्स को एग्रीमेंट के थ्रू शामिल किया गया, जो मान नहीं रहे थे फिर उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला और फिर उनको अपने यूनियन में जो है वो शामिल कराया गया। तो ऐसे ही ये दो इंसर्जेंट ग्रुप्स ये बोल रहे थे कि मणिपुर और त्रिपुरा जो है इस पर दबाव डाला था इंडिया ने, प्रेशर क्रिएट किया था और इंडियन यूनियन के कंट्रोल में जो है या फिर जो इंडिया की टेरिटरी में जो है वो इसको शामिल किया गया इन दो स्टेट्स को। तो ऐसा इन्होंने दोनों ने क्लेम किया और इसी के लिए ये चाह रहे थे कि 15 अक्टूबर 2019 को पूरी तरह से दोनों स्टेट जो है वो शटडाउन हो, यहाँ पर स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की जाए। तो ऐसी चीज़ हम लोग को अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली थी। और एनएलएफटी जो है गाइस, ये इंसर्जेंट ग्रुप जो है इसको बैन किया गया था 1997 में उआपा के थ्रू, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू। इस कानून को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिन लोग जो नए व्यूअर्स हैं मेरे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देखिए मेरे, तो उसमें आपको ये पूरा कानून के बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ पोटा को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को। तो ये दोनों कानून के तहत एनएलएफटी को जो है वो इंडिया ने बैन कर दिया था। तो ये कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि उत्पात मचा रहे थे, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। अब गाइस मणिपुर जो है वो इंडिया के साथ कैसे मर्ज हुई, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, थोड़ा ध्यान देना। तो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हुआ था कि एक पीस नेगोशिएशन किया गया था, जिसमें सभी स्टेट्स जो है गाइस उसने ये पीस नेगोशिएशन किया और सभी स्टेट्स ने कहा कि वो इंडियन यूनियन के साथ जो है वो जुड़ना चाहती हैं। तो सभी स्टेट्स, सभी रूरल्स, राजा वगैरह जो हुआ करते थे, जैसे मैंने अभी आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के बारे में बताया था जम्मू एंड कश्मीर के केस में, तो ऐसे काफ़ी सारे जो रूलर्स वगैरह जो थे गाइस उन्होंने, और कहा जाता है कि ऑलमोस्ट सभी जो स्टेट के जो रूलर्स थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया, जिसका मतलब ये था कि वो स्टेट उनकी जो टेरिटरी जो है गाइस वो एग्री करती है कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहती हैं। तो ये एक बेसिकली पीस नेगोशिएशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिला। और मणिपुर की अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर के अंदर भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन किया था मणिपुर के महाराजा बोधा चंद्र सिंह ने। तो ये नाम भी थोड़ा याद रखना, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि बोधा चंद्र सिंह जो है वो कहाँ के रूलर थे, तो ये महाराजा थे मणिपुर के। तो इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले ही इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसमें इन्होंने अश्योर किया था कि इंटरनल ऑटोनॉमी जो है मणिपुर की वो मेंटेन रहनी चाहिए। और इससे पहले की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो उस समय हुआ ये था कि जून 1948 में पब्लिक प्रेशर के कारण महाराजा ने इलेक्शन कंडक्ट कराए थे मणिपुर में और स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो बन गई थी। तो ये प्रेशर क्रिएट किया गया था, यानी कि उनकी पब्लिक ने, यानी कि मणिपुर की पब्लिक ने जून 1948 में प्रेशर क्रिएट किया गया और मणिपुर के महाराजा ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। अब देखो क्वेश्चन कैन कम कि इंडिया में कौन सी स्टेट ने सबसे पहले जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराए थे, तो ये थी मणिपुर। मणिपुर जो है वो इंडिया की पहली स्टेट बन गई थी जिसने इलेक्शन कंडक्ट कराए थे और ये इलेक्शन हुए थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर, यानी कि 18 साल से ऊपर की उम्र के या अडल्ट पॉपुलेशन के ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं गाइस वो जो है वो इसमें इलेक्शन में भागीदारी बन सकते हैं, यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जो
अपना वोट जो है वो दे सकते हैं. तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी. इसमें देखो 18 साल जो है वो एक्जैक्टली क्लियर नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि इससे पहले जो इलेक्शन की जो एज थी वो 21 ईयर्स हम लोग को देखने को मिली थी, फिर वो बाद में अगर रिड्यूस की गई थी वो 18 साल हुई थी. बट आप इसमें इन जनरल जो है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो कि कोई भी अडल्ट जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही वो वोट दे सकते हैं. और ये मणिपुर पहली स्टेट बन गई थी जहां पर हम लोग को देखने को मिला था कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर, राइट. तो ये महाराजा जो थे मणिपुर के, तो उन्होंने ही ये इलेक्शन जो है वो फिर फाइनली कंडक्ट कराए थे. और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की गई, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिले थे कि मणिपुर जो है वो इंडिया के साथ मर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. तो कुछ लोग बोल रहे थे होनी चाहिए, कुछ लोग नहीं बोलनी चाहिए. तो इस प्रकार का हम लोग को जो है वो थोड़ी अनबनी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गई थी. और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशर क्रिएट किया महाराजा के ऊपर और इनसे मर्जर एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया सेप्टेम्बर 1949 में विदाउट कंसल्टिंग द popularly elected legislative assembly of Manipur, यानी कि मणिपुर की legislative assembly के permission के बिना इंडिया ने pressure create किया महाराजा के ऊपर और मणिपुर को इंडियन यूनियन में जो है वो associate कर लिया, राइट. क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, वहाँ के लोग बाग भी जो है वो काफ़ी सारे लोग बाग नहीं चाह रहे थे. और असेंबली के अंदर भी देखने को मिला था कि काफ़ी सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी जो है वो ये नहीं चाह रहे थे कि मणिपुर इंडिया के साथ जो है वो मर्ज हो जाए. तो उसके बाद फिर फाइनली 1949 में मर्जर एग्रीमेंट को जो है वो साइन करवाया गया महाराजा के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने, और फिर फाइनली मणिपुर को अपने कंट्रोल में जो है वो कर लिया इंडियन यूनियन ने. तो ये पूरी ओवरऑल स्टोरी थी मणिपुर की. इन शॉर्ट आई थिंक आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी. बस ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है और जिसको आप इवन मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं. अब सेम वैसे ही त्रिपुरा जो है वो इंडिया के साथ कैसे मर्ज हुई, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए. तो त्रिपुरा जो थी गाइज वो भी एक प्रिंसली स्टेट थी मर्जर से पहले तक, यानी कि इसका जो मर्जर हुआ था वो 15 नवंबर 1949 पे हुआ था. और इससे पहले त्रिपुरा जो थी वो एज अ प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि यहाँ पर एक किंग हम लोग को देखने को मिलते थे. और इस त्रिपुरा के आखिरी जो राजा थे उनका नाम था वीर विक्रम. और इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, 17 मई 1947 को इनकी मृत्यु हो गई. फिर इनका जो माइनर सन था गाइस, यानी कि अडल्ट नहीं था ये सन, उसमें इतनी समझदारी नहीं थी, जिसका नाम था किरी विक्रम मनी किया, तो इसने जो है वो थ्रोन हासिल किया यानी कि गद्दी पर ये बैठा त्रिपुरा किंगडम की. बट ये रूल नहीं कर पाया क्योंकि ये माइनर था. फिर इनकी जो जो विधवा जो क्वीन थी, यानी कि जो जो किंग की जो बीवी थी, क्वीन जो थी वीर विक्रम की जो वाइफ थी कंचन प्रभा, तो इन्होंने फिर चार्ज लिया कि ये त्रिपुरा के ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो करेंगी, राइट. फिर फाइनली इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल फॉर मर्जर जो है वो त्रिपुरा किंगडम का इंडियन यूनियन के साथ जो है वो साइन कर लिया. तो ये रानी ने जो है वो क्यूइन जो थी गाइस, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है इंस्ट्रूमेंटल फॉर मर्जर जो है वो साइन किया था. तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये जो वीर विक्रम जो थे गाइस, इन्होंने साइन नहीं किया था. क्योंकि यहाँ पर ये आपको ट्रिक पूछा जा सकता है कि जो किंग जो थे त्रिपुरा के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट जो है वो साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो ऐसा नहीं होगा. ये क्वीन ने किया था क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंस होने से पहले ही किंग जो है वो खत्म हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, राइट. तो ये ओवरऑल पूरी चीज़ थी गाइस, मर्जर ऑफ त्रिपुरा और मर्जर ऑफ मणिपुर से रिलेटेड. आई होप कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होंगी. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. दोस्तों बात हो रही है खौन रामलीला के बारे में. तो कल्चरल डिपार्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, उन्होंने कोलैबोरेट किया है थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ और ये ऑर्गेनाइज करने वाले हैं कंट्री की पहली ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस प्रोग्राम जो कि खौन रामलीला की है, वर्ल्ड फेमस खौन रामलीला की. तो यहाँ पर कंट्री की पहली ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस प्रोग्राम हम लोग को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा देखने को मिल रही है और इन्होंने थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है. अब थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ क्यों कोलैबोरेट किया है, क्योंकि खौन रामलीला जो है गाइस ये एक मास्क फॉर्म है रामलीला आर्ट का थाईलैंड में. जब दशहरे में आप गए होंगे, रावण दहन आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जो स्टेज होती है गाइस वहाँ पर रामलीला परफॉर्म की जाती है, राइट. तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी थाईलैंड के अंदर ये खौन रामलीला परफॉर्म की जाती है. बट इसका जो थाईलैंड के अंदर जो डिफरेंस है रामलीला के आर्ट का, वो ये है कि यहाँ पर मास्क पहन के रामलीला परफॉर्म होती है. देखो आप मास्क पहने हुए सभी लोग, जितने भी आप लोग देखेंगे वो मास्क पहनते हैं. और हमारे यहाँ जो रामलीला का परफॉर्मेंस होता है उसमें राम जी जो होते हैं, सीता माता होती है, लक्ष्मण जी जो होते हैं, उनको मतलब यानी कि थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया जाता है. बट यहाँ पर ओवरऑल पूरा मास्क पहन के जो ये रामलीला जो है वो ये आर्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है थाईलैंड के अंदर. और थाईलैंड का जो नेशनल एपिक जो है, यानी कि जो राष्ट्रीय महाकाव्य जो है थाईलैंड का, तो वो है रामाकीन, जो कि ग्लोरी ऑफ राम है. और ये लिया गया है हिंदू महाकाव्य रामायण से, यानी कि हिंदू एपिक रामायण से. और ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी इसका नाम शामिल है खौन रामलीला का,
राइट। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। खोन रामलीला जो कि थाईलैंड के अंदर हम लोग को एक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, एक आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है, रामलीला आर्ट फॉर्म राइट, और ये मास फॉर्म का हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर मास्क पहन के ये रामलीला जो है वो रची जाती है। अब रंगदम मोनेस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है गाइज ये प्लान कर रही है कि ये रंगदम मोनेस्ट्री जो है जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन पूछ ली जा सकती है मैच द फॉलोइंग में। तो लद्दाख की जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है गाइज यहाँ पर ये रंगदम मोनेस्ट्री लोकेटेड है, आप देख सकते हो ये रंगदम मोनेस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इस मोनेस्ट्री को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में डिक्लेयर किया जाएगा राइट। तो ये प्लान कर रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका मेजर मकसद यही है कि यहाँ पर टूरिज्म जो है वो लद्दाख रीजन में एक्सपेंड हो सके, इसके कारण कि यहाँ पर इस मोनेस्ट्री को अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा जो है वो मिल जाएगा, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आकर विजिट करेंगे और लद्दाख रीजन पर टूरिज्म जो है वो बूस्ट होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गाइस ये और भी कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि लद्दाख रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में मौजूद हैं, तो उनको सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट जो है वो बनाने वाली है। और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 जब रद्द हुआ हटा, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सेंट्रल का कंट्रोल या सेंट्रल का गवर्नेंस भी हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो आप ये वाला एग्जांपल भी बेटर तरीके से आर्टिकल 370 में उपयोग कर सकते हैं। अब रंगदम मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करें हम लोग गाइस, तो 18वीं सेंचुरी की ये मोनेस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है, 18वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था इस मोनेस्ट्री को। ये 4031 मीटर की हाइट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, लोकेटेड है, और सूरू वैली भी यहाँ पर है हम लोग को देखने को मिलती है। सूरू वैली भी नाम याद रखिएगा, सूरू नदी जो बहती है गाइस, तो उसी से सूरू वैली जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, सूरू नदी उसी वैली से गुजरती हुई जाती है। और सूरू रिवर जो है ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ जीएस पेपर वन में या फिर प्रिलिम्स में ज्योग्राफी वगैरह में पूछ ली जा सकती है। रंगनम मोनेस्ट्री जो है गाइस एक टिबेटियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है, और ये गैलुकपा सेक्ट जो है उससे बिलोंग करती है राइट। तो ये वाली चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो। बात करेंगे तुलागी आइलैंड के बारे में, तो देखो तुलागी आइलैंड कहाँ पर है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया जो है गाइज उसको आप अपना लैंडमार्क बनाओ, और ऑस्ट्रेलिया से अगर आप थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऊपर बढ़ोगे तो आपको ये तुलागी आइलैंड मिल जाएगी, सोलोमन आइलैंड्स का ही ये पार्ट है ये तुलागी आइलैंड, तो ये सोलोमन आइलैंड का पार्ट है। तुलागी आइलैंड जो है गाइज ये 2 square kilometers पर जो है वो फैला हुआ है, और यहाँ पर 1200 लोग पॉपुलेशन यानी कि देखने को मिलती है, काफ़ी कम पॉपुलेशन है इस आइलैंड में, काफ़ी छोटा आइलैंड है एक तो ये राइट। और ये पहले के समय पर जापान का नेवल बेस हुआ करता था, और वर्ल्ड वॉर टू के समय पर भी इस आइलैंड को बहुत उपयोग में लिया गया था राइट, फाइटिंग पर्पज़ के लिए। अभी ये न्यूज़ में क्यों है गाइज, क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी जो है गाइज उन्होंने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है बीजिंग के साथ, क्योंकि बीजिंग जो है वो पैसिफिक नेशंस और उनके जो अलाइज वगैरह जो हैं उनको रिक्रूट करती जा रही है, तो इसीलिए इस पूरे के पूरे आइलैंड को लीज में देने की यहाँ पर बात हुई है। तो इसलिए टॉपिक न्यूज़ में था, हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट यस इंटरनेशनल रिलेशंस और या फिर मैं बोलूँ पेपर टू की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आप इस आइलैंड वगैरह का उपयोग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन जो है गाइज या फिर पैसिफिक ओशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इंडो पैसिफिक ओशन रीजन जो है, उस पर चाइना जो है वो चाह रही है कि वो अपने जो है वो निगरानी रखे उस रीजन पर, जो है वो मॉनिटरिंग करके रखे, क्योंकि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडियन ओशन रीजन के ऊपर जो है वो कब्जा करने का है, यहाँ पर अपना कंट्रोल करने का है। इसी के लिए ये चाइना जो है वो इसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी हम लोग को देखने को मिल रही है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से भी ये जानी जाती है, BRI इनिशिएटिव राइट। तो इसके थ्रू ये क्या कर रही है कि तीन कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट इसका दूसरा जो स्ट्रेटेजिक जो विजन जो है इसका वो ये है कि इन पूरे एरियाज पर जो है ये अपना कंट्रोल जो है वो कर सके चाइना, तो इसीलिए ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, और इसीलिए ये तुलागी आइलैंड जो है वो न्यूज़ में भी था। बट मेन चीज़ आपको पेपर वन के हिसाब से तुलागी आइलैंड की जो है वो लोकेशन पता होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि पहले के समय पर ये एज अ जापानीज नेवल बेस की तरह भी हम लोग को देखने को मिला था। दोस्तों अभी इस न्यूज़ की बात करें तो देखो रिसेंटली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में मौजूद है, यहाँ पर हमारे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर गए थे अमित शाह जी, इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया था एक इंटरनेशनल सेमिनार का, जहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी के एम्परर स्कंद गुप्ता जी के बारे में बातचीत हुई थी। तो इनको एज अ सेंट्रल पिलर की तरह रखा गया और उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया, और इसी समय यहाँ पर स्कंद गुप्ता जी के जब ग्रेटनेस के बारे में बात की जा रही थी कि उन्होंने जितने हिस्ट्री के अंदर इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, तो उसी पर जो है वो अमित शाह जी ने कहा कि हिस्ट्री जो थी वो अनफेयर थी गुप्ता पीरियड के रूलर्स के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो गुप्ता रूलर्स के बारे में आपको बहुत ही माइनर चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। और इसलिए अभी न्यूज़ भी देखने को मिली थी कि अमित शाह जी ने कहा था कि हिस्ट्री जो है वो चेंज होने वाली है, कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आने वाली है। और हालांकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो मेरा एक दोस्त है, काफ़ी अच्छा दोस्त है,
वो भी यहाँ पर एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट करने वाला है, और मे बी वो बहुत ही जल्दी एक ऐसी चीज़ लेकर आएगा जो कि बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में रिवील जो है वो करने वाली है. हालांकि आई विल नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट क्योंकि उसने मना किया है अभी, बाकी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा. फिर मैं आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा कि उसने क्या नई चीज़ जो है वो लेकर आई है, क्या नई डिस्कवरी करी है. राइट, चलो एनीवेज आपको मेन चीज़ एग्जामिनेशन के लिए जानने की क्या ज़रूरत है कि गुप्ता पीरियड जो है गाइस ये गोल्डन एरा माना जाता था हिस्ट्री में. आपने पढ़ा होगा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में भी इसका जिक्र है कभी कभी. हालांकि मेडिवल में इतना ज़्यादा नहीं है, एंशियंट में ज़्यादा होता है क्योंकि गुप्ता पीरियड जो है वो एंशियंट के तौर पर ही हम लोग को देखने को मिलता है. क्योंकि मेडिवल जो शुरू होती है वो 700 to 800 AD से जो है वो शुरू हो जाती है, और फिर ये फाइनली 1707 तक जाती है जब औरंगजेब की डेथ हुई थी. फिर उसके बाद फिर मॉडर्न इंडियन चालू हो जाती है. तो ये गुप्ता पीरियड जो है वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एरा था, और ये गोल्डन एरा जो है वो माना जाता था क्योंकि, और साथ ही साथ यहाँ पर स्कंद गुप्ता विक्रमादित्य जी की अगर हम लोग बात करें तो जो स्कंद गुप्ता जो थे गाइस इनको सेवियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. तो दिस क्वेश्चन में ऑल्सो कम कि सेवियर ऑफ इंडिया जो है वो किसको माना जाता है एंशियंट इंडिया का, और अगर ऑप्शन है स्कंद गुप्ता तो आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि इन्होंने हुंस के इन्वेजन से इंडिया को बचाया था. हुन जो थे गाइस वो नॉर्थ वेस्ट एरिया से इंडिया को इंडिया पे कब्जा करने आने वाले थे, तो उसी समय इन्होंने हुन के इन्वेजन से इंडिया को बचाया था. राइट, बैटल किया था, बैटल रेज करा था, वॉर लड़ा था हुंस के अगेंस्ट, और हुन को जो है वो वहाँ से खदेड़ निकाला था. और देखो इन्होंने इनका जो इन्होंने गद्दी जो है वो संभाली थी 455 AD में, और इनका रूल जो था वो 467 AD तक का था. तो 12 साल का इनका रूल था. इन्होंने हुन को डिफीट किया, और साथ ही साथ इन्होंने पुष्यामित्रास को भी डिफीट किया था, और स्कंद गुप्त की जो एबिलिटी थी गाइस रूल करने की तो उसी के तौर पर इनको विक्रम आदित्य का टाइटल भी मिला था. और फिर फाइनली ये टाइटल जो है वो आने वाले समय पर भी, यानी कि मेडिवल इंडिया में भी काफ़ी सारे रूलर्स ने ये विक्रम आदित्य टाइटल जो है वो फिर रखना शुरू किया था. राइट, और जूनागढ़ का एक पत्थर है गाइस, एक रॉक है जूनागढ़ का जहाँ पर इंस्क्रिप्शन है जो अशोकन और रुद्रामन जो है, अशोका और रुद्रामन, तो इनका इंस्क्रिप्शन हम लोग को यहाँ पर इन रूलर्स का इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है. राइट, और इसमें यहाँ पर स्कंद गुप्ता के जो गवर्नर थे प्राणदत्त, तो यहाँ पर भी इनके ऑर्डर्स के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है. और स्कंद गुप्त ने अपॉइंट किए थे अपने जितनी भी प्रोविंसेस हैं गाइस वहाँ पर गवर्नर्स को, और उनमें से एक गवर्नर जो थे वो यही थे प्राणदत्त. राइट, तो इन्होंने पूरे ऑर्डर्स के बारे में यहाँ पर हम लोग को अशोकन और रुद्रमन इंस्क्रिप्शन में जो है वो देखने को मिल जाता है. राइट, तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा. और प्राणदत्त जो है वो गवर्नर थे सौराष्ट्र के. हालांकि इतना डिटेल में नहीं आना है आपको, बस बेसिक बेसिक चीज़ें बस याद रखो आप, ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जो है वो मेंशन, इतना डिटेल में जो है वो नहीं आता है. बट ये चीज़ याद रखना कि स्कंद गुप्त ने जो है वो 5 तरीके के गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किए थे. एक था आर्चर टाइप, दूसरा किंग और क्वीन टाइप, छत्र टाइप, लायन स्लेयर टाइप और हॉर्समैन टाइप. तो ये 5 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो थे वो स्कंद गुप्त ने इशू किए थे. तो ये डेफिनेटली याद रखना, ये चीज़ पूछ ली जा सकती है. और जो सिल्वर कॉइन जो थे गाइस स्कंद गुप्त पीरियड के, वो 4 तरह के हम लोग को देखने को मिलते थे. यानी कि स्कंद गुप्त जो थे उन्होंने 4 अलग तरह के सिल्वर कॉइन्स भी सामने रखे थे. गरुदा टाइप थे, बुल टाइप था, अल्तार टाइप था और मध्य देशा टाइप भी हम लोग को देखने को मिला था. तो ये 4 प्रकार के सिल्वर कॉइन्स और 5 प्रकार के गोल्ड कॉइन्स जो है वो हम लोग को स्कंद गुप्त पीरियड में देखने को मिले थे. और लास्ट ग्रेट रूलर थे ये गुप्ता डायनेस्टी के, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. अब माउंट पैकेटू के बारे में यहाँ पर बात हो रही है गाइस, तो देखो अब ये शैतान आदमी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो अक्सर ये अलग अलग तरीके से दिखता रहता है न्यूज़ में. तो ये माउंट पैकेटू में घोड़ा चला रहा है अपना. तो माउंट पैकेटू जो है गाइस, इसको चंगबाई जो है वो चाइनीज में बोला जाता है इस माउंटेन को, और ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, और पिछले 1000 सालों से भी ज़्यादा हो चुका है जब ये इरप्ट हुआ था. यानी कि काफ़ी समय हो गया इसको इरप्ट हुए, तो आप कह सकते हो कि एक डेड वॉल्केनो हम लोग को देखने को मिल रहा है. और देखो वॉल्केनो जो होते हैं वो कम्प्लीटली कभी भी डेड नहीं होते हैं, तो ये चीज़ आपने ज्योग्राफी में देखा होगा. इनके चांसेस होते हैं कि ये शायद जो है वो फिर से इरप्ट हो सकते हैं, बट ये जब जैसे इतना लंबा स्पैन हो गया तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही मतलब डेड टाइप का वॉल्केनो है. ये मुश्किल ही है कि और जो है वो इरप्ट हो, बट ये होगा जब इरप्ट तब ये बहुत ही खतरनाक होगा. तो ये भी कई सारी रिसर्च के थ्रू देखने को मिल जाता है. बट आपको याद रखना है कि माउंट पैकेटू जो है ये बेसिकली एक वॉल्केनिक माउंटेन है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो कोरिया जो है, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चाइना, तो इसकी बॉर्डर पर हम लोग को देखने को मिलता है. और इसकी हाइट जो है वो 9000 फीट की है, और ये कोरियन पेनिनसुला की हाइएस्ट पीक जो है वो मानी जाती है. तो कोरियन पेनिनसुला का हाइएस्ट पीक जो है वो माउंट पैकेटू हम लोग को देखने को मिलता है. और साउथ कोरिया का अगर आप नेशनल एंथम सुने तो गाइस इसमें इस माउंटेन का जिक्र भी किया गया है, माउंट पैकेटू का. राइट, अब बात हो रही है माउंट किलिमंजारो के बारे में. तो ये भी एक डोरमेंट वॉल्केनो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी डेड टाइप का वॉल्केनो है ये, बहुत ही कम बार जो है ये आग उगलता है.
और ये तंजानिया के अंदर हम लोग को माउंटेन देखने को मिलता है. आप अफ्रीका में देखोगे तो आपको तंजानिया मैप में दिख जाएगी कंट्री. और यहाँ पर अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन जो है उसको बोला जाता है, और 16,100 की फीट है, फीट का है ये, यानी कि इतनी ऊंचाई का है ये. अगर बेस लेवल से अगर हम लोग इसकी बात करें और सी लेवल से हम लोग इस माउंटेन को नापें तो ये 19,341 फीट का ये माउंटेन माउंट किलिमंजारो हम लोग को देखने को मिलता है. तो अब याद रखना माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है और तंजानिया में हम लोग को देखने को मिलता है. एक डोरमेंट वॉल्केनो है ये और हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, राइट. और अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ने इस माउंटेन को स्केल किया था, यानी कि एक दिव्यांगजन पर्सन जो थे गाइस वो इस माउंटेन पे चढ़ गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में था. अब शिरुई लिली फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है गाइस. तो ये मणिपुर में ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है. आप ये नाम याद रखिएगा इस फेस्टिवल का, शिरुई लिली फेस्टिवल. तो शिरुई लिली फेस्टिवल जो है, ये लिली का फूल आप देख रहे हो, तो ये हर साल जो है वो मनाया जाता है. 5 दिन का ये फेस्टिवल होता है गाइस, जो कि उखरुल डिस्ट्रिक्ट जो है गाइस वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है. यहाँ पर अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है जो स्टेट फ्लावर जो है गाइस शिरुई लिली नाम की, तो ये एंडेंजर्ड स्टेट फ्लावर है. तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि इस फ्लावर जो है उसको प्रोटेक्ट करो. और यहाँ पर उखरुल डिस्ट्रिक्ट जो है गाइस उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है कि यहाँ पर मणिपुर के अंदर जो है टूरिज्म को एक्सपेंड करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कि सब लोग जो है वो उखरुल डिस्ट्रिक्ट में आए. तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है इस फेस्टिवल का, कि सभी लोग इस फेस्टिवल को देख रहे हैं, यानी कि बाहर से टूरिस्ट जो है वो इस फेस्टिवल को देखने यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में आए, राइट. बट मेन चीज़ ये होती है कि इस जो स्टेट फ्लावर जो है गाइस मणिपुर का, उसको प्रोटेक्ट करने पर फोकस किया जाता है. और ये फेस्टिवल जो है ये पहले के समय पे लोकल्स के द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता था, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो लोकलाइट्स रहते थे वही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे 2016 तक. उसके बाद 2017 में स्टेट गवर्नमेंट जो है गाइस उन्होंने डिक्लेयर किया कि शिरुई लिली फेस्टिवल जो है ये स्टेट लेवल पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा. और स्टेट फ्लावर जो है मणिपुर का, ये हम लोग को शिरुई लिली देखने को मिलता है. और ये इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम, हम लोग को इसका साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है. और शिरुई हिल्स जो है ये उखरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में हम लोग को देखने को मिलती है. तो ये भी याद रखना, शिरुई एक हिल है जो कि मणिपुर में है. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है. क्या पता शिरुई लिली फेस्टिवल के बारे में ना पूछें बट हिल के बारे में पूछ लें, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस ऑल्सो, क्योंकि हिल्स वगैरह से रिलेटेड भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली यूपीएससी में. तो देखो हमारा जीएस पेपर 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग जीएस पेपर 2 की न्यूज को डिस्कस करेंगे. दोस्तों जीएस पेपर 2 की पहली न्यूज पे बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये 3 स्टेट हैं गाइस जहां पर सबसे ज्यादा एचआईवी के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, और सबसे टॉप नंबर पर मिजोरम. तो एचआईवी एड्स के केसेस जो है वो हर दिन, बताया जाता है कि लगभग 9 पॉजिटिव केसेस जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं मिजोरम में हर दिन, पर डे 9 पॉजिटिव केसेस. और मिजोरम जो कि वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हमारी कंट्री की, और यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो एचआईवी एड्स का है पॉपुलेशन में. तो एचआईवी एड्स का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो एचआईवी एड्स का ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा. और बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा रिस्क में है 25 साल से लेकर 34 साल के लोग, सबसे ज्यादा रिस्क में जिनको एचआईवी एड्स होने के चांसेस होते हैं. इसके अलावा सेकेंड रिस्क जो एज ग्रुप है वो है 35 to 49 ईयर्स, और थर्ड रिस्क एज ग्रुप है वो 15 to 24 ईयर्स. तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप जो है गाइस वो 25 to 34 ईयर्स के बीच में हम लोग को देखने को मिलते हैं. और एचआईवी कैसे फैलता है गाइस पर्सन टू पर्सन, तो ये बॉडीली फ्लूड के थ्रू फैलता है. जैसे कि अगर कोई एचआईवी एड्स पर्सन है तो उसका ब्लड जो है वो नॉन एचआईवी एड्स पर्सन पर ट्रांसफर कराया जाए तो नॉन एचआईवी एड्स पर्सन को भी एचआईवी हो जाएगा, यानी कि ब्लड ट्रांसफर के थ्रू जो है वो एचआईवी फैलता है. साथ ही साथ सीमन, वेजिनल सीक्रीशन, एनल फ्लूइड्स और ब्रेस्ट मिल्क, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण एचआईवी एड्स जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होते हैं. दोस्तों अब इस न्यूज़ की बात करें तो देखो आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन का रोल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बनाने के लिए. बट यहाँ पर इस रिपोर्ट में पाया गया है कि जो बच्चे जो कुपोषित होते हैं, जो माल न्यूट्रिशन स्टेट में हम लोग को देखने को मिलते हैं, माल नरिश चिल्ड्रन जो होते हैं गाइज, तो जिनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जिनके कारण उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो होती है वो खराब हो जाती है समय के अनुसार, और लॉन्ग लाइफ तक जो है वो फिर सफ़र करते हैं. तो जो छोटे बच्चे होते हैं गाइस, देखो बच्चों की डाइट जो होती है वो बहुत ही सोच समझ के प्रिपेयर की जाती है. बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है गाइस वो न्यूट्रिशियस फूड खिलाया जाता है उनकी इनिशियल स्टेज में, जिससे कि उनकी बॉडी जो हो और उनका मेंटल स्टेट जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए. समझ रहे हो आप बातों को? तो इसलिए न्यूट्रिशन जो है वो छोटे बच्चों की डाइट में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है. और इसमें ये पाया गया है कि जो एजुकेटेड मदर जो होती हैं वो अपने बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल का ख्याल जो है वो बहुत अच्छे से रखती हैं. और यहाँ पर जो ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे
जिसने 120,000 बच्चों का सर्वे कंडक्ट किया 2016 और 18 के बीच में, जहां पर वेरियस फैक्टर्स को स्टडी किया गया, जिसमें पाया गया कि जो बच्चों की जो मदर होती हैं और अगर वो अनएजुकेटेड हैं तो उसका असर बच्चों की डाइट पे पड़ता है, क्योंकि अनएजुकेटेड मदर जो होती हैं गाइस वो बच्चों को यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से पोषण जो है वो नहीं दे पाती, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड जो है वो नहीं प्रोवाइड करा पाती हैं एज कम्पेयर टू एजुकेटेड मदर, बिकॉज एजुकेटेड मदर को पता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और किस प्रकार से बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी और उसका मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके। तो ये एक स्टडी के थ्रू पता लगा, जहां पर फूड कंजम्पशन, एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा, माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मार्कर्स जैसे फैक्टर्स को मेजर किया गया, और फिर फाइनली स्टडी किया गया और स्टडी में यही पता लगा कि जो हायर लेवल ऑफ स्कूलिंग जो होती है मदर के अंदर गाइस, ये चिल्ड्रन की डाइट का रिफ्लेक्शन इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जितनी अच्छी मदर जो होंगी वो एजुकेटेड होंगी उतना ही ख्याल वो अच्छे से अपनी बेबी का जो है वो रखेंगी, राइट। तो ये एक स्टडी के थ्रू सामने आया था जिसके बारे में जनरली आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। गाइस अब इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, इस स्कीम के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो लोग नए व्यूअर्स हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल रेफर कीजिएगा इस स्कीम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये और एग्जामिनेशन में आने की इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है गाइस, ये ओडिशा में काम नहीं कर रही है। उसका रीज़न बताया गया है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें पता लगा कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं गाइस जिनको राइस नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के थ्रू जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसमें फेयर प्राइस शॉप हम लोग को देखने को मिलती है, जो या फिर जिसको राशन शॉप भी हम लोग बोलते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं गाइस, जिनको सस्ते रेट में इस राशन शॉप से जो है वो सामान मिल जाता है, जिसमें NFSA 2030 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के थ्रू बताया गया था कि ₹3 पर केजी के हिसाब से इनको राइस दिया जाएगा, राइट, बिलो पॉवर्टी लाइन होल्डर को या फिर राशन कार्ड होल्डर्स को, तो और ₹2 पर केजी के हिसाब से इनको वीट दिया जाएगा और ₹1 पर केजी के हिसाब से इनको ग्रेन्स दिए जाएंगे। तो ये इस NFSA 2013 के थ्रू जो है वो हम लोग को देखने को मिला था। इसमें ये भी बोला गया था कुछ समय बाद कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो राइस बांटा जाता है, जो लोगों को दिया जाता है, वो राइस जो होगा वो फोर्टिफाइड राइस होगा। तो ये अभी रीसेंट करंट अफेयर्स की ही न्यूज़ है कि फोर्टिफाइड राइस के बारे में आपको पढ़ाया भी था वो राइस क्या होते हैं। देखो, जो नॉर्मल जो राइस होता है उसमें सिर्फ मात्र कार्बोहाइड्रेट होता है, बट जो फोर्टिफाइड जो राइस होता है गाइस, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अलग से ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए उसको फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस बोला जाता है, राइट। तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी याद रखना। तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जो हमने जानी, और आपको पता ही है गाइस कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू और फेयर प्राइस शॉप जो है या फिर राशन शॉप है उसके थ्रू जो गरीब लोग जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं गाइस, उनको काफ़ी सस्ते रेट में जो है वो राशन दिया जाता है। और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में आप जानते हो गाइस, इसमें क्या होता था कि पहले के समय पर राशन, जैसे कि मान लो कि एक ये गली है, ये एक मोहल्ला है और यहाँ पर एक राशन शॉप है, तो पहले के समय पर ऐसा हुआ करता था, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मोहल्ले होते हैं, तो क्या होता था कि हर एक बिलो पॉवर्टी लाइन होल्डर को बता दिया जाता था कि आपको एक स्पेसिफिक राशन शॉप से या फेयर प्राइस शॉप से ही आपको अपने राशन को कलेक्ट करना है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बस्ती में रहने वाले ये इंडिविजुअल हैं और इनके राशन कार्ड में लिखा हुआ है कि इनको एक फलाना शॉप से ही राशन परचेज करना है, तो ये दूसरी जगह पर जाकर राशन परचेज नहीं कर सकते, ना इनको दूसरी जगह पर जाकर अपना राशन जो है वो नहीं मिलने वाला, राइट, ग्रॉसरी वगैरह जो है वो नहीं मिलने वाली। और ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो इसी बैरियर को ख़त्म कर देता है। इस वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ही ये है, हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो कहीं पर भी जाकर किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अपना राशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग को वन नेशन वन राशन कार्ड की देखने को मिलती है, स्कीम की देखने को मिलती है, जिसमें स्पेशली फोकस किया गया है लेबर वर्कर्स के ऊपर, कि जो लेबर्स होते हैं गाइस वो इंटर स्टेट ट्रैवल करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए, राइट। तो दूसरे स्टेट में जाकर उनको फिर ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू ये फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडाइज रेट में ग्रेन्स नहीं मिल पाते, और इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं और फिर वो फाइनली पॉवर्टी के जाल में जो है वो फंस जाते हैं, राइट, गरीबी के जाल में फिर वो फंसते रहते हैं, क्योंकि उनको सस्ते रेट में सब्सिडाइज रेट में खाना नहीं मिल पाता, फिर माल न्यूट्रिशन और एक्सवाइजी जैसी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। समझ में आ रही है आपको पूरी बातें?
तो देखो ओडिशा में यही चीज हुई थी. ओडिशा में देखो मैं बताना नहीं चाह रहा था आपको वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में, बट अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैंने आपको पूरा डिटेल में सोचा कि बता ही दूं एक बार. तो फ्लो फ्लो में मैंने आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी है. हमने 45 राइस के बारे में देखा, हालांकि ये न्यूज उतनी बड़ी नहीं थी. इस न्यूज में सिर्फ ये बताया गया है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो राशन दिए जाते हैं, राइस दिए जाते हैं, वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपने आधार को लिंक नहीं किया है पीडीएस के साथ, राइट. तो लिंकअप नहीं किया, तो यह नॉन सीडिंग ऑफ आधार के कारण ही ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है. हालांकि दिस टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, और मेन चीज आप लोग के लिए ध्यान में रखने वाली है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, 45 राइस की. 45 राइस क्या होता है, जो कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया. और ये सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया था फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में कंडक्ट किया गया था ओडिशा चैप्टर ऑफ नेशनल राइट टू फूड कैंपेन के द्वारा, जो कि एक इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, और इंडिविजुअल्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है. ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल का एक इनफॉर्मल नेटवर्क है जो कि राइट टू फूड इश्यूज के ऊपर जो है वो काम करता है. तो ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी इन जनरल अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि ये सर्वे किसने कंडक्ट कराया था. हालांकि नॉट इंपॉर्टेंट, बट मेन चीज़ आपके लिए काम की थी ये स्कीम और 45 राइस, ठीक है. दोस्तों अब इस न्यूज में बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली रिलीज की है एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो कि हमारे जनरल इलेक्शन 2019 के ऊपर बेस्ड है. तो देखो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो फिर से री इलेक्ट हो गई, आपको पता होगा इसके बारे में, राइट. तो अभी जो इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में हमारी मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में से कितना वोटर टर्न आउट रहा, यानी कि कितने लोगों ने जो है वो वोटिंग दी है, वो यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, मेल ने कितना पार्टिसिपेट किया है, फीमेल ने कितना पार्टिसिपेट किया है, तो उसका एक स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू हम लोग देखेंगे जो कि आप मेंस एग्जामिनेशन में जो है वो अच्छे से इसको लिख सकते हो, उपयोग कर सकते हो. तो देखो गाइस पोलिंग परसेंटेज जो है वो 67.4% बताया जा रहा है, जो कि हाईएस्ट एवर टर्नआउट है लोकसभा इलेक्शंस में. तो लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो टर्नआउट रहा है, यानी कि वोटर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो हम लोग को 2019 के इलेक्शन में देखने को मिला है. और नेशनल टर्नआउट अमंग वुमेन लीड इलेक्टर्स की बात करें, यानी कि महिलाओं ने जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट किया है, जो वोटिंग दी है महिलाओं ने, तो वो भी मार्जिनली हम लोग को देखने को मिली है. ओवरऑल अगर पूरे नेशन की अगर हम लोग बात करें तो हल्का फुल्का ही देखने को मिला, बट देन टू वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मेल इलेक्टर्स जो है वो इसमें 67% सामने आए हैं और फीमेल इलेक्टर्स भी 67.18% सामने आई हैं. तो आप कह सकते हो कि एक अच्छा यानी कि वुमेन जो एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो फोकस करते आ रहे हैं, कई सारी स्कीम्स आ रही हैं वुमेन को एम्पावर करने की, वो कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है कि वुमेन को भी जो है वो अब सामने बढ़कर हमारी इलेक्शन प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, राइट, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं. तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को मेंशन कर सकते हो. बट गाइज यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिली है कि ऑल ओवर हमारी जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहाँ पर वुमेन का टर्नआउट मैन के टर्नआउट से काफ़ी ज़्यादा रहा है. यानी कि यहाँ पर जो मेल जो थे गाइज उन्होंने कम वोट दिया है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. तो इन पर्टिकुलर 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वुमेन का जो वोटिंग पार्टिसिपेशन जो है वो मेल से काफ़ी ज़्यादा है. तो काफ़ी शानदार चीज़ ये हम लोग को देखने को मिली है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, वेरियस स्कीम्स निकाल रहे हैं, वो सक्सेसफुली जो है वो हम लोग को अब रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है. और स्टेट वाइज टर्नआउट की अगर हम लोग बात करें कि हर एक स्टेट वाइज में कितना कितना टर्नआउट रहा है, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा टर्नआउट हम लोग को देखने को मिलेगी. सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप के जो लोग हैं गाइज वो सामने आकर इन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारी इलेक्शन जो प्रोसीजर में या फिर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में. और इसके अलावा फिर नागालैंड में हम लोग को देखने को मिला, लक्षद्वीप और नागालैंड जो है गाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज टर्नआउट, वोटर्स टर्नआउट हम लोग को देखने को मिला. उसके अलावा सबसे लोएस्ट जो था वो जम्मू एंड कश्मीर में सामने आया, 44.97%. हालांकि फिगर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टेट वगैरह आप अगर याद रख पाओ तो याद रखिएगा. और पोस्टल बैलेट्स की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पोस्टल बैलेट्स जो है वो आए थे लगभग 28 लाख, जिनमें से मात्र 22.8 लाख जो है गाइस वो वैलिड पाए गए, बाकी 5 लाख से ज़्यादा पोस्टल बैलेट्स को रिजेक्ट कर दिया. पोस्टल बैलेट के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन किया है, बट इन जनरल मैं आपको बता दूं तो ये होता क्या है. तो देखो गाइस जैसे कि जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे, और अगर आपका सपना है कि इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो सिलेक्ट करना, इंडियन फॉरेन सर्विस की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, जब आप दूसरी कंट्री में जाकर हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी कंट्री में इंडियन एम्बेसी में आप बैठेंगे, राइट. तो आप एज अ इंडियन फॉरेन सर्विसेज की पद पर या इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर की पद पर आप देखने को मिलेंगे. तो उस समय क्या होगा, आप किसी दूसरी कंट्री में आप सर्व कर रहे होंगे, तो उस समय देखो ये आपका राइट है मतलब वोटिंग देना,
तो आप वहां पर दूसरी कंट्री में भी यानी कि आप पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट जो है गाइस वो रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी कि आपको जिस भी पार्टी को वोट देना है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव को आपको वोट देना है, तो आप दूसरी कंट्री में बैठकर भी वोट दे सकते हैं। तो इसकी मतलब इसमें जैसे आप हैं, आपकी वाइफ हैं, वो भी दे सकती हैं, जो भी आपके साथ गए हैं, मतलब यानी कि आप और आपकी वाइफ स्पाउस के लिए ही ये एलिजिबल होता है। बाकी पोस्टल बैलेट के बारे में मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में काफ़ी डिटेल में बताया था, तो उसको आप देखिएगा। ऐसे ही हमारे जो बॉर्डर में तैनात जो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं गाइस, ब्रेव सोल्जर्स, तो वो भी पोस्टल बैलेट्स के थ्रू अपना वोट जो है वो दे सकते हैं। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक बार ज़रूर देखिएगा। और फाइनल वोट शेयर जो है गाइस नेशनल पार्टीज का, इनमें आप जानते हैं कि बीजेपी जो है वो रीइलेक्ट हो गई है, तो सबसे ज़्यादा वोट जो है बीजेपी को मिला है, 37.76% वोट वैलिड वोट्स, और फिर कांग्रेस को 19.7%, तृणमूल कांग्रेस को 4.11%, बहुजन समाज पार्टी को 3.67%, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 1.77% और नेशनल कांग्रेस पार्टी को 1.4% और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 0.59%। तो ये जो नेशनल पार्टीज जो है गाइस उनको इस प्रकार से वोट जो है वो मिले हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा थोड़ी सी आप इनके बारे में, ठीक है। तो इस न्यूज़ की बात करें तो बताया जा रहा है कि इंडिया ने ज्वाइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को। ये 15 वर्ल्ड लीडिंग सिटी नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन का लीग हम लोग को देखने को मिलता है, और जो कि काम करती है स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो एथिकल पर्पज़ के लिए किया जाए, उस पर ये काम करती है। तो ईजी तरीके से मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे कि गाइज हमारे यहाँ स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात चल रही है आज की डेट में, ना ही सिर्फ हमारे यहाँ, पूरी दुनिया भर में स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, सिटीज़ को स्मार्टर बनाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है, ऐसे ही कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ऐसे ही प्रोग्राम्स हैं जो कि फोकस कर रहे हैं कि हर चीज़ को डिजिटलाइज करने के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग जो है वो हर जगह किया जा रहा है, राइट। तो देखो, सब चीज़ को डिजिटलाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं, तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे कि कहा जाता है कि पब्लिक वाईफाई जो होता है वो अनसेफ होता है, बिल्कुल भी अनसेफ होता है। जैसे कि आपको कभी भी, जैसे अगर कोई आपको इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना है, या फिर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करना, बड़ा या छोटा छोड़ो, यानी कि आपको अपनी बैंकिंग का उपयोग करना है, या फिर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर करना है, या फिर अगर आपके मोबाइल में काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटाज हैं, राइट, या फिर आपके मोबाइल में आपने यूज़र आईडीज, पासवर्ड जो है वो सेव करके रखें कहीं किसी नोट में या फिर कहीं ऐसी जगह पर, तो गाइस आप कभी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट मत होना, चाहे वो गवर्नमेंट का पब्लिक वाईफाई हो या फिर किसी प्राइवेट रेस्टोरेंट का, सीसीडी का, या एक्सवाईजी किसी का भी पब्लिक वाईफाई हो, तो आप उसको उससे कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे हैकर्स होते हैं गाइस वो पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, और इनका काम ये होता है कि पब्लिक वाईफाई में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनका डेटा ये चुरा लें। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से स्मार्ट सिटीज़ के बेटर रेगुलेशन पर्पस के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए, और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग एथिकल पर्पस के लिए ही किया जाए, और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज़ को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये अलायंस जो है वो क्रिएट किया गया था, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस अलायंस को इस्टेब्लिश किया गया था जून 2019 में, जब जापान ओसाका में हम लोग को G20 समिट देखने को मिली थी, तो उस समय इस अलायंस को सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था कि जितनी भी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं पूरी दुनिया भर की, और जो स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट जो है वो बेटर तरीके से हो, उसका उसके ऊपर बेटर रेगुलेशन, बेटर गवर्नमेंट का गवर्नेंस हो, राइट, और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग एथिकल पर्पज़ के लिए ही हो, तो इस पर ये फोकस करती हैं, टारगेट करती हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो इसका एम यही है कि प्रमोट किया जाए कि स्मार्ट सिटीज़ टेक्नोलॉजी का उपयोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से और एथिकल पर्पस के लिए ही किया जाए, राइट, और इसमें ग्लोबल लेवल पर रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़, नॉर्म्स जो हैं वो बनाए जाएँ, इस्टेब्लिश किए जाएँ, जिससे कि पब्लिक स्पेसेस में जितने भी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, और जो भी लोग जो उपयोग कर रहे हैं पब्लिक वाईफाई का या पब्लिक सर्विसेज का, फैसिलिटीज़ का, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का, तो उनको कोई भी नुकसान ना हो, इस पर ये टारगेट करती हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए है गाइस क्योंकि स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी जो हम लोग आज की रेट में देख रहे हैं गाइस, जिसके काफ़ी सारे प्रोज हैं, जिसमें ट्रैफिक कंजेशन को डिक्रीज़ किया जा सकता है, यहाँ पर भी ट्रैफिक है तो स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के थ्रू बेटर ट्रैफिक का रेगुलेशन किया जा सकता है। बट यहीं अगर आप देखो गाइस कि अगर कोई हैकर है जिसने, जैसे कि आपने मेरे बहुत समय पहले की बात है, आपने एक धूम मूवी देखी होगी जॉन अब्राहम की, जिसमें वो जो ट्रैफिक सिग्नल है उसके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी कर देते हैं, तो वो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो आपस में मतलब ऐसे हो जाते हैं कि वो सभी जो ट्रैफिक जो है वो कंजेस्टेड हो जाती है, जिससे कि वो आसानी से चोरी कर पाएँ, पुलिस वगैरह को भगा पाएँ, राइट, या पुलिस वगैरह का माइंड डिस्टर्ब कर पाएँ कि वो कहीं और, पुलिस कहीं और इन्वॉल्व हो जाए,
और वो आराम से लूट कर लें. तो आपने देखा होगा ना ऐसा. तो ऐसी चीज़ जो है वो कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स जो है वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज का गलत उपयोग कर रहे हैं, राइट. तो इस पर इसके स्मार्ट सिटीज़ के काफ़ी सारे फायदे भी हैं तो काफ़ी सारे इसके नुकसान भी है. स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी का उपयोग क्राइम को कॉम्बैक करने के लिए किया जा सकता है. हर जगह सीसीटीवी लगाया जा रहा है जिससे कि कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल को तुरंत पकड़ा जा सके, राइट. और इसमें नेचुरल डिजास्टर के समय पर भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सके, राइट, स्मार्ट सिटीज़ के थ्रू. और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने में भी स्मार्ट सिटीज़ जो है वो काफ़ी हेल्प करती हैं. तो स्मार्ट सिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं. तो इसमें बेटर टेक्नोलॉजी हो तो उसके लिए ये अलायंस बनाया गया, एक तो टेक्नोलॉजी के लिए. देखो दूसरी चीज़ तो ये है गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का रोल दूसरा है, बट एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज़ का रोल भी दूसरा है कि अगर किसी कंट्री के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी शानदार है, जिससे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं, तो क्या होता है कि वो अपने जो इस फोरम में वो अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको शेयर करते हैं, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ भी या दूसरे मेंबर्स भी उसको अडॉप्ट कर सके और अप्लाई कर सके अपनी पर्टिकुलर कंट्री में, राइट. दूसरा जो है गाइस, बिना प्रॉपर गवर्नेंस के क्या हो सकता है गाइस कि हम लोग को देखने को मिल सकता है कि ऐसी चीज़ें जो है वो रिस्क में आ सकती हैं. जो मैंने भी आपको पब्लिक वाईफाई का बताया कि लोगों की जो प्रिवेसी है, सिक्योरिटी वगैरह जो है वो रिस्क में आ सकती है काफ़ी ज़्यादा, और ऐसा हो रहा है हम लोग देख रहे हैं. और इसमें टू इंश्योर डेटा कलेक्टेड इन पब्लिक प्लेसेज यूज सेफली एंड एथिकली, पब्लिक प्लेसेज में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि जनरली भी आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है गाइज वो जो पब्लिक वाईफाई का जो राउटर होता है उस पर सेव हो जाती है, जैसे कि वो डिवाइस जो है वो कौन सी है, किस इंडिविजुअल की डिवाइस है, उसका उस डिवाइस की कुछ जो डेटाज वगैरह होते हैं, फिगर वगैरह होता है. इतना मैं बिल्कुल आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप इन जनरल याद रखो जब भी आप, जैसे कि अगर अपने घर में भी आपके वाईफाई होगा तो वाईफाई के, जैसे कि मेरे पास है अभी अभी मैंने एयरटेल से शिफ्ट कर लिया है, मेरे पास जियो जो वाईफाई जो लग रहा है आजकल, गीगा बोलते हैं उसको, तो वो किया है. तो उसकी एप्लीकेशन पर जाकर मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कौन सी डिवाइसेज जो है वो मेरे वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है, और उस पर मैं डिवाइस पे क्लिक करूँगा तो उसके कुछ कुछ नंबर्स भी मेरे पास आ जाते हैं. वो नंबर्स जो है वो हैकर्स वगैरह अपने अलग तरीके से उसका उपयोग कर लेते हैं उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, राइट. तो ऐसी चीज़ें होती हैं. तो ये जो डेटा जो कलेक्ट होता है पब्लिक प्लेसेस में, तो ये इंश्योर किया जाए कि डेटा जो है वो सेफ तरीके से उपयोग हो और उसका एथिकल उपयोग हो. तो ये तो सिर्फ मैंने एक पब्लिक वाईफाई की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे ऐसे डेटाज होते हैं, जैसे कि आप कहीं पर जाते हो किसी ऑफिस वगैरह में जाते हो तो आप जो रजिस्ट्रार में उनकी काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हो, तो आज की डेट में लोग आप किसी ऑफिस में जाते हो तो आपकी फ़ोटो भी खींची जाती है, आपका डेटा वगैरह लिया जाता है कुछ कुछ चीज़ें, तो आपकी फ़ोटो हो गई, आपके जो पर्सनल डेटाज हो गए, तो ये डेटा का कहीं गलत उपयोग ना हो तो इस पर भी फोकस किया जाता है. जैसे कि अभी आधार को लेकर काफ़ी इशू चला था कि हर जगह जो आधार को लिंक किया जा रहा है वो डेंजरस भी हो सकता है लोगों की प्राइवेसी, लोगों की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है इन पास्ट, राइट. तो ये जो जितने भी डेटा जो कलेक्ट किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही है, डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से लोगों को हार्म ना हो, सिटीजन्स को हार्म ना हो, तो इसके लिए ये अलायंस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिएट किया गया है कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए जाएँ, इंटरनेशनल पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस जो है वो बनाए जाएँ, जिससे कि किसी भी प्रकार का रिस्क जो है वो लोगों तक ना पहुँचे. समझ में आ रही है आपको पूरी बात है. तो ये है G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस. तो ये गाइस इसका उपयोग आप काफ़ी सारी जगह पे कर सकते हो, इवन जीएस पेपर 3 में भी आप इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हो इस टॉपिक का. दोस्तों पहली प्री स्कूल करिकुलम जो है वो निकाल दिया है, रिलीज कर दिया है NCERT ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने. और इसमें ये एम किया गया है कि जो 3 से 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं गाइस, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन जिनको दी जाती है, तो इसमें जो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं जो जिनको पढ़ाया जाता है नर्सरी में, प्री नर्सरी में, राइट, इनके लिए आंगनवाड़ीज होती हैं, मॉन्टेसरी स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल्स, किंडरगार्टन जो होते हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ये इनको उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा, जो उनकी मदर लैंग्वेज होगी उसमें उनको पढ़ाया जाएगा. तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सामने आई है, NCERT ने ये प्री स्कूल करिकुलम जो है वो रिलीज़ किया है. और इसमें फोकस ये रखा गया है कि जो पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ाई होगी, स्टडी की जाएगी, वो खेल खेल के की करवाई जाएगी, राइट, जिससे कि बच्चे को स्ट्रेस ना हो, उसको रोट लर्निंग नहीं करवाई जाएगी, उसके टेस्ट वगैरह नहीं लिए जाएंगे, एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होगा, राइट. तो उसको खिलाया जाएगा, यानी कि गेम्स वगैरह के थ्रू जो है वो उनको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, राइट. तो ये हमारे समय पर नहीं था ऐसा कुछ, यहाँ हमारे समय में तो भैया आप जानते ही हो पर कैसी है हालत होती थी, स्कूल वगैरह में भगते थे बच्चे बेचारे स्कूल जाने से, कि गेम्स का जो पीरियड होता था वो एक ही पीरियड होता था, बाकी में तो टीचर आती थी पढ़ाने लगती थी, मज़ा नहीं आता था. चलो एनीवेज, और अभी जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी गाइस, इसी ने ही रिकमेंड किया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है गाइस वो एक्सटेंड किया जाएगा प्री स्कूल से, यानी कि पहले जो हुआ करता था क्लास 1 से राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लगाया जाता था, अब उसको प्री स्कूल से जो है वो कंडक्ट करने की बात की गई थी, राइट.
तो 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल, तो वो भी इंक्लूड किया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, और इसी के थ्रू NCERT ने ये प्री स्कूल करिकुलम जो है वो रिलीज किया है राइट. तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है जिसके बारे में आपको पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए या फिर इस ड्राफ्ट के बारे में थोड़ा पढ़िए, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अभी थोड़े कुछ दिनों पहले ही इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक पिछले महीने की बात है. दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है फास्ट टैग्स के बारे में. तो फास्ट टैग जो है गाइज एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी RFIT जो है इसका उपयोग करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का, कैशलेस पेमेंट्स के लिए. जैसे कि हम लोग टोल टैक्स जो भरते हैं गाइस, यानी कि आप कभी बाय रोड जो है वो हाईवे पे गए होंगे तो आपको पता होगा कि अलग अलग जगह पर टोल टैक्स जो है वो लिए जाते हैं. तो आप रुकते हो, यहाँ पर रुकने के बाद फिर जो इंडिविजुअल जो है उसको आप पैसे देते हो, फिर वो गेट खोलता है आपको पर्ची देता है राइट. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक तो ये कैश वाला सिनेरियो होता है और ये ऑटो पास होता है जहाँ पर लगता है फास्ट टैग. तो इस फास्ट टैग में क्या होता है गाइस कि आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर एक QR कोड लगा रहता है, इस प्रकार का फास्ट टैग लगा रहता है राइट. तो उसको स्कैन कर लेता है ये डिवाइस, यहाँ पर जो टोल नाके पे लगा रहता है तो ये डिवाइस उसको स्कैन कर लेता है और फिर ये गेट अपने आप खुल जाता है. और स्कैन करने के बाद जो इंडिविजुअल होते हैं जिनकी गाड़ी होती है गाइस और जिनका इस फास्ट टैग के साथ जिनका अकाउंट लिंक होता है, तो उनके अकाउंट से जो है वो पैसे कट जाते हैं, यानी कि टोल कट जाता है और ऑटोमेटिकली, और उनको जो है वो एक SMS आ जाता है कि उनका टोल जो है वो कट गया है या उनके अकाउंट से कुछ पैसा जो है वो डिडक्ट हुआ है इस टोल में और उनकी गाड़ी इस टोल से जो है वो निकली है. तो ये व्हीकल को ट्रैक करने के लिए भी उपयोगी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि कहाँ पर इनकी व्हीकल जा रही है, कहाँ कहाँ पर राइट. तो ये फास्टैग जो होते हैं गाइज ये बैंक से लिंक होते हैं और SMS और डेट और टाइम के साथ और जहाँ पर ये ट्रांजेक्शन हुआ है ये व्हीकल के ओनर को जो है वो मिल जाता है. और आज की डेट में जितनी भी नई गाड़ियाँ उठती हैं गाइज शोरूम से, तो उसमें फास्टैग जो है वो लगाया जाता है. पिछले साल ही मैंने अपनी एक कार जो है वो परचेज करी, पिछले साल ही है हुंडई की. तो वहाँ पर मेरे पैसे जो है वो बिल में काट दिए थे इन्होंने फास्टैग के लिए, बट अभी तक फास्टैग नहीं दिया है. तो अब याद आया तो मैं आज उनको फ़ोन करूँगा और जाकर अपना फास्टैग ले लूँगा राइट. तो जितनी भी नई गाड़ी है उसमें फास्टैग जो है वो लगता है और ये फास्टैग की टेक्नोलॉजी, आई होप कि आपको क्लियर है ये वाली चीज़ें, और पहले भी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. और फास्टैग जो है गाइज ये नेशनल GDP जो लॉस होता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो कि IAS एस्पिरेंट को पता होना चाहिए. तो देखो गाइज गाड़ियां जो लाइन से खड़ी रहती हैं गाइज, तो ये उनका इंजन ऑन होता है, उनके AC चल रहे होते हैं राइट. तो उनको ये खड़े रहने के लिए कितना पेट्रोल जो है वो लॉस होता है खड़े रहने में राइट. लंबी लंबी लाइनें लगती हैं टोल नाके पे, आप जानते हो. तो उनको जो है वो खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, स्मूथली जो है वो अपनी कार से जो है वो जाएंगे, 2 सेकंड का ब्रेक लगाएंगे और फिर ये जैसे ही गेट खुल जाएगा वो तुरंत निकल जाएंगे. तो उनको वेट करने की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी. यहाँ पर कभी कभी चेंजेस के लिए लड़ाई होती है और कभी कभी तो ये जो टोल जो कलेक्ट कर रहे होते हैं जो एम्प्लॉई, उनकी जान को भी खतरा बन जाता है. कई सारे ऐसे गुंडे यहाँ से गुजरते हैं जो कि उनको मार देते हैं और गोली वोली चला देते हैं. तो ऐसे केसेस भी कई बार सामने आए हैं राइट. तो ऐसी चीज़ें भी नहीं होगी और ये काफ़ी शानदार चीज़ होगी और उसमें प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो टोल टैक्स जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे राइट. तो इससे जो स्टेट जो है उसकी रेवेन्यू भी जो है वो इंक्रीज़ होगी, प्लस साथ ही साथ जो GDP नेशनल GDP का लॉस जो है जो कि फ्यूल वगैरह जो बर्न होता है उसके कारण जो है वो रिड्यूस हो जाएगा राइट. कि जो फ्यूल वगैरह का लॉसेज नहीं होगा टोल प्लाजाज वगैरह में, तो ये वाली चीज़ भी. अब इसमें आप सोचोगे कि इसमें नेशनल GDP का लॉस कैसे हुआ. तो गाइज जो हम लोग फ्यूल को इम्पोर्ट कराते हैं और जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसमें से कुछ फ्यूल जो है वो बचना शुरू हो जाए तो फ़ायदा तो गवर्नमेंट का ही होगा, कि हम जो इम्पोर्ट कराते हैं उस पर काफ़ी सारी ड्यूटीज़ वगैरह पे करनी पड़ती है, आप जानते ही उसके बारे में इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो कितनी ज़्यादा लगती है. तो इसीलिए नेशनल GDP जो है उसमें भी फ़ायदा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. और यूनियन गवर्नमेंट जो है गाइज ये सभी स्टेट से अपील कर रही है कि ये इस फास्टैग टेक्नोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट करें और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के अंडर जो है ये सिस्टम पूरा का पूरा मतलब हम लोग को देखने को मिलेगा. तो ये वाली चीज़ भी आप याद रखिएगा. इसके अलावा एक स्कीम है वन नेशन वन फास्टैग स्कीम, तो ये वाली चीज़ भी याद रखिएगा. आज की डेट में वन नेशन वन राशन कार्ड हम लोग को देखने को मिला है. और इसके अलावा एक और अभी कुछ समय पहले आया था कि वन नेशन वन इलेक्शन करके हम लोग को एक चीज़ देखने को मिली थी जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी राइट. और बाकी ये वन नेशन वन फास्टैग स्कीम भी हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसका उद्घाटन जो है वो कर दिया है इस स्कीम का. ये वाली स्कीम का नाम भी आप याद रखिएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि फास्टैग जो होंगे वो सभी व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी किए जा रहे हैं और सभी नेशनल हाईवेज के लिए 1 दिसंबर से सभी व्हीकल के अंदर फास्टैग जो है वो लगे होना मैंडेटरी है. तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर बताई जा रही है. और इसीलिए मैंने अभी आपको बोला था कि मैं अभी फ़ोन करूँगा अपने जो हुंडई का जो डीलर है उसको और बोलूंगा कि भाई तुमने पैसे काटे थे, मेरा फास्टैग कहाँ है, दो मेरा फास्टैग.
चलो अब ये हो गया, आई थिंक आपको क्लियर पूरी चीज़ है, फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी क्या होती है, हमने पूरी चीज़ समझ ली है, स्कीम को भी देख लिया। अब बात हो रही है नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। तो गवर्नमेंट जो है गाइज, इन्होंने सेलेक्ट किए हैं 25 मेंबर्स नेशनल मेडिकल कमीशन के, और ये मेंबर जो है वो जो सेलेक्ट किए जा रहे हैं गाइज कमीशन के द्वारा, तो ये रिप्लेस करेंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स को, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री की, और जो कि लॉटरीज वगैरह निकाल कर, लॉट्स वगैरह निकाल कर जो है ये मेंबर्स को जो है वो अपॉइंट करती थी। तो अब इस नेशनल मेडिकल काउंसिल हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो है वो ऑलरेडी पास हो चुका है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल में, जिनको नहीं पता है वो इस बिल के बारे में थोड़ा पढ़िएगा अच्छे से डिटेल में, राइट। तो आप ये याद रखना कि एक नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो है जो कि पास हो गया है, जिसने रिप्लेस किया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। पहले के समय पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के 100 से ज़्यादा मेंबर्स हुआ करते थे, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर मात्र 25 मेंबर ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहले MCI का काउंसिल टेन्योर 5 साल का हुआ करता था, इसका नेशनल मेडिकल कमीशन का टेन्योर मात्र 4 सालों का है, और पार्ट टाइम मेंबर जो है इनका टेन्योर 2 सालों का है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो है गाइस, ये लॉट्स जो है वो ड्रॉ करती थी, यानी कि लॉटरी वगैरह निकलती थी, फिर उनके मेंबर्स वगैरह जो है वो सामने आते थे। और इसके मेंबर में हम लोग को नेशनल मेडिकल काउंसिल के 10 वाइस चांसलर देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टेट्स के, 9 मेंबर इसके स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के होते हैं, और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं अलग अलग ऑटोनोमस बोर्ड्स के। और इसका अपॉइंटमेंट जो होता था वो 70% इलेक्टेड होता था, और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है ये नॉमिनेशन के थ्रू किया जाता है, राइट। और इसका कोरम की अगर हम लोग बात करें, यानी कि मिनिमम मेंबर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इस पर्टिकुलर काउंसिल में, इस मीटिंग में, तो ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा इसके जो मेंबर्स हुआ करते थे उनमें से 15 मेंबर्स का इसका कोरम हुआ करता था, अब इसमें बताया जा रहा है कि 25 जो मेंबर्स हैं उनमें से 13 मेंबर्स का इसका कोरम माना जाएगा, यानी कि अगर 13 मेंबर्स अगर अवेलेबल हैं तो वो काउंसिल जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह जो है वो ले पाएंगे, राइट। और इसकी मीटिंग जो होती है गाइस ये साल में एक बार हुआ करती थी, अब ये हर क्वार्टर में इसकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, हर 4 महीने में इसकी मीटिंग जो है वो हुआ करेगी, जिससे कि बेटर तरीके से जो मेडिकल जो एरियाज़ हैं हमारी कंट्री का, जो एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिकल फील्ड का, उसको बेटर तरीके से रेगुलेट किया जा सके, राइट। तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा, इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए नेशनल मेडिकल, अच्छा ये आ ही गया यार, मैं समझा ही देता हूँ आपको, ये बिल जो है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये बिल जो है गाइस वो पास हो गया था अभी रिसेंटली 2019 में ही, और ये एक कानून बन गया है जो कि जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो सेटअप किया गया है, जिसमें 25 मेंबर होंगे, और ये 25 मेंबर जो है गाइस वो सेलेक्ट कर लिए हैं गवर्नमेंट ने, और ये मेंबर जो है गाइस ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए हैं, और ये एक कमेटी के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, और ये कमेटी हम लोग को यहाँ पर, मैंने आपको बताया ना कि कमीशन जो है ये सेलेक्ट करती है इन मेंबर्स को, तो ये कमेटी जो है इस मेंबर को सेलेक्ट करती है, और इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं एक चेयरपर्सन होते हैं, और इसके अलावा सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, यानी कि सीनियर डॉक्टर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, एकेडमिक फील्ड्स के जो लोग होंगे जिनमें बताया जा रहा है कि एटलीस्ट जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, इसमें 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होंगे और 14 पार्ट टाइम मेंबर्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। और इसके एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स होंगे गाइस, जिसमें इंक्लूडेड होंगे जो प्रेसिडेंट होते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड्स के, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, जो डायरेक्टर जनरल जो होंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, वो यहाँ पर होंगे, और बताया जा रहा है कि एम्स के डायरेक्टर भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और भी कई सारे लोग इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे इस कमेटी में, जो कि ये मेंबर्स को जो है वो सेलेक्ट करती है, राइट। तो यही चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके जो पार्ट टाइम मेंबर्स जो होंगे गाइस, इसमें बताया जा रहा है कि जो मैनेजमेंट की फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, लॉ की फील्ड के एक्सपर्ट, मेडिकल एथिक्स फील्ड के एक्सपर्ट्स, और काफ़ी सारी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनको और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नॉमिनीज भी यहाँ पर शामिल होंगे। नेशनल मेडिकल काउंसिल के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें गाइस, जो मैंने भी आपको बताया कि जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है हमारी, या फिर ओवरऑल जो ओवरऑल हमारी कंट्री के अंदर मेडिकल का जो रेगुलेशन होता है वो नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा, स्पेशली मेडिकल इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर बात की जाती है। ये गाइडलाइंस वगैरह जो है वो फ्रेम करेगी, बताएगी कि जो जितनी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, राइट, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये बता रही है कि उनमें से 50% जो सीट्स होंगी उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, कॉलेज की, तो उसकी फीस जो है वो डिटरमाइन करेगी नेशनल मेडिकल कमीशन। और इसी को लेकर ये कंट्रोवर्सी में भी काफ़ी ज़्यादा आया था कि जो 50% फीस है गाइस वो तो डिटरमाइन कर रही है नेशनल मेडिकल कमीशन, बट जो रिमेनिंग 50% फीस है तो वो प्राइवेट कॉलेज अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि 10 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से अगर इन्हें नेशनल मेडिकल कमीशन ने किसी कॉलेज की फीस जो है वो डिसाइड कर ली, कितनों के लिए, 50% बच्चों के लिए, और प्राइवेट
यानी कि जो नॉर्मल जो कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है, उसने डिसाइड करी 20 लाख रुपए फीस। तो 50% बच्चे जो होंगे वो 10 लाख भरेंगे और 50% बच्चे 20 लाख भरेंगे, सेम फैसिलिटीज के लिए, सेम एमिनिटीज के लिए, सब कुछ चीज़ों के लिए। तो इसमें से आप बोल रहे हो कि 50% बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है और 50% को इसका नुकसान हो रहा है, राइट? तो ये तो पक्षपात हो गया, राइट? डिस्क्रिमिनेशन हो गया 50% बच्चों के लिए। तो ये वाली चीज भी हम लोग को यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में देखने को मिली थी। अब आप देखिए, आपका काम यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, जिससे कि आपको इसके बारे में और थोड़ी जानकारी जो है वो मिल सके, ठीक है? जिसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है, कई बार इस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसमें एक नई चीज आई है, वो है डार्क ग्रे लिस्ट। हमने अभी तक बात करी थी ग्रे लिस्ट के बारे में और ब्लैक लिस्ट के बारे में, कि FATF के द्वारा अगर किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो यानी कि इसके ऊपर वार्निंग हो जाती है, इसके ऊपर निगरानी रखी जाती है, इसके जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको देखती है FATF, राइट? और कोई भी कंट्री अगर ब्लैक लिस्ट में चली जाती है तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि उस कंट्री को वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देती, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लोन नहीं देती, कोई जो बड़ी बड़ी MNCs जो होती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती, अलग अलग कंट्रीज जो होती हैं वो, यानी कि दूसरी ऑल ओवर कंट्रीज पूरी दुनिया भर में, तो वो उस जो भी कंट्री FATF की ब्लैक लिस्ट में चली जाती है तो उसके साथ कोई बेटर बायलेटरल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन नहीं करती, बेटर डील नहीं करती, राइट? तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए गए थे इंडिया ने, और कई सारी कंट्रीज ने, हम लोग को देखने को मिलती हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे कि पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म को फाइनेंस करता है, राइट? टेररिस्ट को फाइनेंसिंग ऑफर करता है। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी, और मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिली। और उसके बाद FATF ने इनके ट्रांजेक्शन वगैरह जो है उस पर निगरानी रखी, तब FATF को भी क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो वाकई में टेररिज्म को प्रमोट करने पर काम कर रहा है, टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है, राइट? तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिली। फिर FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, तो ग्रे लिस्ट में डालने के बाद जो है वो पाकिस्तान को बोला गया कि फलाना टाइम पर आप जो अपने जितने भी जो FATF के द्वारा दिए गए जो नॉर्म्स थे उसको फुलफिल कर लो, बट वो फुलफिल नहीं कर पाया। फिर FATF ने बोला कि तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो पाकिस्तान ने कुछ नॉर्म्स को फुलफिल किया, बट अब सामने आ रहा है कि इनको ये डार्क ग्रे लिस्ट में जो है वो रखा जाएगा पाकिस्तान को FATF के द्वारा। तो डार्क ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जो FATF रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, एक ऐसी स्टेज होती है जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बीच की होती है। यानी कि ग्रे लिस्ट के अंदर कई सारे इनके ऊपर सैंक्शन जो है वो लगा दिए जाते हैं और इनको मौका दिया जाता है कि आप कुछ समय के बाद, फलाना पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जो भी पीरियड डिसाइड करती है FATF, कि इतने पीरियड के बाद जो है वो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके ट्रांजेक्शन में उसको आप फुलफिल कर लो, प्रोविजन को जो है वो क्लियर कर लो, राइट? जो भी नॉर्म्स वगैरह जो ये देती है उसको आप सही कर लो, तब आपको जो है वो ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये जो ग्रे लिस्ट का जो पॉइंट होता है, ये बेसिकली एक तरह से ये होता है कि आप सुधर जाओ, और ब्लैक लिस्ट का मतलब कि सभी कंट्री के को जो है वो बोल दिया जाता है कि इसके साथ जो है वो किसी प्रकार की डील ना किया जाए, और उसके ऊपर सैंक्शन वगैरह लगा दिए जाते हैं। और इसमें ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक और इस प्रकार के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन्स ऑफर वगैरह करते हैं, तो वो ऐसी कंट्री जो कि ब्लैक लिस्ट में होती है FATF की, उसको लोन्स वगैरह भी नहीं देते हैं, राइट? तो यहां पर इसके बीच में एक लिस्ट आती है, वो है ग्रे लिस्ट, जहां पर ये बोला जाता है कि इसको वार्निंग दी जाती है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इशू की जाती है, इसका मतलब इसके ऊपर है, और इसको एक लास्ट चांस दिया जाता है कि भाई सुधर जाओ वरना तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और तुम्हारी इकोनॉमी एक तरह से समझ लो कि बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि देखो गाइज, आज की डेट में जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं, हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ जो है वो बायलेटरल रिलेशन बना रही है, एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रेड कर रही है, जिसके कारण वो अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज कर पा रही है। तो ये पूरा जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड हम लोग को देखने को मिलता है, एक दूसरी कंट्री जो है वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बट अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में चली जाएगी तो दूसरी जो रेप्यूटेड कंट्रीज जो है या फिर कोई रेप्यूटेड MNCs कंपनीज वगैरह जो है वो उस कंट्री के साथ डील नहीं करेगी किसी भी प्रकार की। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत ही ईजी हम लोग ग्राउंड लेवल पर एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि मान लो कि आपकी एक कोई कंपनी, बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, आपका कोई कस्टमर जो है गाइज वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, राइट? जिसके साथ आप डील करते हो, आप उसको क्रेडिट वगैरह देते हो, तो अगर आपको पता लग जाए कि आपका कोई कस्टमर जो है वो बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप देखना उसके साथ आप रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करोगे। जैसे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, नशे वगैरह करने लगता है, तो आप उसको समझाओगे, पहले वार्निंग दोगे भाई मत कर ये सब चीज़ें, बट अगर वो प्रोलॉन्ग तरीके से नशे कर रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो धीरे से आप उससे कट लोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी इमेज पर भी खतरा क्रिएट करेगा। तो वैसे ही होता है गाइस कि कोई बड़ी कंपनी जो होती है जो किसी मतलब जो ऐसी कंट्री के साथ काम कर रही होती है, ट्रांजैक्शंस कर रही होती है जो FATF की ब्लैक लिस्ट में होती है, तो FATF के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उस कंपनी
पर जाकर जो है वो जो है खटखटाते हैं और उस कंपनी के मालिक से पूछते हैं कि आप क्यों उससे के साथ काम कर रहे हो, जरा अपनी डिटेल बताओ. तो देखो आप कभी नहीं चाहोगे, जैसे कि आप इसको वापस लोकल लेवल पे समझो, तो अगर आपका कोई कस्टमर है, अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको आप क्रेडिट वगैरह दे रहे हो, तो क्या होगा, एक दिन पुलिस आपके ऑफिस में आएगी और कोई नहीं चाहता कि पुलिस उनके दफ्तर पर आए, क्योंकि पुलिस आएगी तो आपका टाइम वेस्ट करेगी, आपसे पूछताछ करेगी, आपको पूरी चीज़ उनको बतानी पड़ेगी, कोऑपरेट करना पड़ेगा, राइट. तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका कोई बिजनेस डील जो है वो बर्बाद हो रही है, उसका टाइम जो है वो आप नहीं दे पा रहे हो, राइट. तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कोई इस पचेड़े में पढ़ना नहीं चाहता, समझ रहे हो, ईजी तरीके से लेम लैंग्वेज में समझो आप, कि कोई इस पचेड़े में पढ़ना नहीं चाहता. ऐसी बड़ी बड़ी एमएनसी जो होती हैं वो एफएटीएफ के पचेड़े में नहीं पढ़ना चाहती, वो नहीं चाहती कि एफएटीएफ जो है वो उनके ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड करें, नोट करें, राइट. तो उस कंपनी की इमेज के ऊपर भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए भी कई सारी एमएनसीज वगैरह इनके साथ ऐसी कंट्री के साथ कोई डील नहीं करती. और आपस में कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि सभी कंट्री आज की डेट में जो है वो पीस चाहती है, राइट, कि काउंटर टेररिज्म की प्रैक्टिस चाहती है, कि टेररिज्म जो है वो दूर रहे, राइट, उनसे. और अगर कोई कंट्री ऐसी कंट्री के साथ जो है वो अपने कनेक्शन बिल्डअप करेगी जो कि एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में है, जो टेररिस्ट को फाइनेंस ऑफर कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंटरनेशनल फोरम वगैरह में इस कंट्री की छवि भी जो है वो ख़त्म होगी, कि यार ये तो ऐसी कंट्री का लाए है जो टेररिस्ट वगैरह को जो है वो फाइनेंस ऑफर करती है. तो इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसी कंट्री की जो है वो छवि, इमेज जो है वो ख़राब होती है, ख़त्म होती है. सॉरी यार, ग्लास गिर गया मेरा. चलो एनीवेज, तो ये हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातों को. तो ये डार्क ग्रे का मतलब होता है कि उसको एक एक्स्ट्रा वार्निंग दी जाती है, उसको थोड़ा चांस दिया जाता है कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे और तुम्हारे लिए खतरा है. तो पाकिस्तान जो है गाइस, ये अभी तक तो ग्रे लिस्ट में था, इसको वार्निंग दी गई थी कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, बट एफएटीएफ ने बोला है कि अब इसको ये डार्क ग्रे लिस्ट में जो है वो डालने वाले हैं, ठीक है. और अगर डार्क ग्रे लिस्ट में चली जाएगी, फिर फर्दर ये ब्लैक लिस्ट में चली जाएगी, तो उस कंट्री के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ लोन लेना और दूसरी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने में, राइट. तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी याद में रखनी है. और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए थे पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और भी काफ़ी सारे नेशंस हैं, जैसे कि यूएसए तक ने, यूके तक ने और फ्रांस तक ने, कि ये जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और टेररिस्ट को फाइनेंस करती है, राइट, टेररिज्म को फाइनेंस ऑफर करती है ये, राइट. तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी. आई होप कि आपको क्लियर है पूरी चीज़ें ओवरऑल. गई जब बात हो रही है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में, तो याद रखिएगा हर साल 14 अक्टूबर को ये दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे. और 2019 को भी ये ऑब्जर्व किया गया. और किन किन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो मेंबर्स होते हैं आईईसी के, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के, आईएसओ के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के, और आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो ये पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे को. और इस दिन गई श्रद्धांजलि दी जाती है उन लोगों के, उन हजारों पूरी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को श्रद्धांजलि दी जाती है, ट्रिब्यूट दिया जाता है कि उन्होंने वॉलेंट्री टेक्निकल एग्रीमेंट्स जो है वो डेवलप किए हैं और पब्लिश किया है इंटरनेशनल या फिर नेशनल स्टैंडर्ड्स को. तो देखो गाइस, ये है क्या, इजी तरीके समझो, जैसे कि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन है, तो गाइस ये मोबाइल फ़ोन मार्केट में कब निकल रहा है, जब किसी एक्सपर्ट ने पूरी तरह से इसको क्लैरिफाई किया और इसके ऊपर सर्टिफिकेशन दिया कि ये मोबाइल फ़ोन जो है वो खतरा नहीं बनेगा लोगों, लोग अगर इस मोबाइल फ़ोन को उपयोग करेंगे तो. तो ये मोबाइल फ़ोन का स्टैंडर्ड है, राइट, यानी कि एक कॉमन स्टैंडर्ड होता है जिसमें काफ़ी सारे जो फॉल्ट्स वगैरह होते हैं उसको चेक किया जाता है कि कहीं किसी कंज्यूमर के पास ये मोबाइल फ़ोन जाएगा तो कहीं ये फट ना जाए, राइट, कहीं इसमें ऐसे कोई रेडिएशन ना निकले जो कि कंज्यूमर की हेल्थ को नुकसान पहुँचाए, एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाए, राइट. तो ये पूरी चीज़ जो है वो सर्टिफाई की जाती है, फिर सर्टिफिकेशन जो है वो निकाला जाता है. तो ये पूरी चीज़ जो है वो करती हैं कुछ एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया भर की, तो उन्हीं को ही श्रद्धांजलि दी जाती है कि वो कुछ टेक्निकल एग्रीमेंट्स करते हैं और पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल या फिर नेशनल स्टैंडर्ड्स को, राइट. तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है. तो इसी के तौर पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं. इसमें मेजर एम यही होता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए रेगुलेटर्स के अमंग, इंडस्ट्री के अमंग और कंज्यूमर के अमंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, की स्टैंडर्डाइजेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो कितना ज़्यादा है, राइट. क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है, यानी कि रेगुलेटर्स जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये पूरी चीज़ रेगुलेट करती है पब्लिक की सेफ्टी वगैरह के लिए, तो ये भी फोकस करें कि ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो कि मतलब लूपहोल्स निकाल पाएँ, देख पाएँ कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी जो प्रोडक्ट है, डिवाइस जो है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो स्टैंडर्डाइज डिवाइस है तो नहीं है, सर्टिफाइड है कि नहीं है, राइट, कि जिससे कि पब्लिक को, कंज्यूमर को जो है वो नुकसान ना पहुंचे. सेम विथ कंज्यूमर ऑल्सो, कंज्यूमर के बीच में भी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, इसलिए कंज्यूमर को बोला जाता है कि आप जो हेलमेट खरीदें तो आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट खरीदें,
राइट। तो ऐसी चीज खरीदें, ब्रांडेड चीजें खरीदें थोड़ी आप। अब आप नॉन ब्रांडेड चीजें खरीदोगे या फिर ऐसी चीजें खरीदोगे लो क्वालिटी की, स्पेसिफिकली अगर हम लोग डिवाइस की बात करें, आप कपड़ों में मत बोलना, आपकी नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। बट अगर आप चाइना के मोबाइल लेते हो तो वो चाइना का मोबाइल अगर फट जाएगा तो उसमें नुकसान जो होगा वो किसका होगा, जो उस मोबाइल को यूज कर रहा है। क्योंकि गाइस देखो, चाइना के मोबाइल जो होते हैं वो बिना बिल के बिकते हैं मार्केट में, आप इस बात को भी जानते हो, राइट। तो उसके ऊपर फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे कि आप कौन सी कंपनी से खरीद रहे हो, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक कंपनी वगैरह नहीं होती है चाइना के मोबाइल्स वगैरह की। कई बार ऐसे मोबाइल्स भी बिकते हैं मार्केट में, जैसे कि अगर आप मुंबई से बिलोंग करते होगे या फिर दिल्ली से बिलोंग करते होगे, स्पेसिफिकली अगर मैं मुंबई की बात करूं और दादर स्टेशन की मुंबई के, तो दादर स्टेशन के बाहर मैंने पर्सनली देखा है कि ठेले के ऊपर मोबाइल बिकते हैं और आईफोन 10 वगैरह ठेले के ऊपर बिकते हैं, राइट। बट इस मोबाइल के बिल नहीं देते वो, क्योंकि ये कॉपीड मोबाइल होते हैं और इस मोबाइल का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसमें इवन IMEI नंबर वगैरह जो होते हैं ये भी प्रॉपर नहीं होते हैं, राइट। फेक IMEI नंबर होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसमें अगर इस मोबाइल के साथ कुछ होता है या फिर इस मोबाइल में जो आप डेटा डालोगे वो डेटा चोरी हो जाएगा, किसी हैकर के पास चला जाएगा, तो आप उसका क्लेम नहीं कर पाओगे, आप उस कंपनी पे क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आईफोन पे आप क्लेम, एप्पल पे क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एप्पल का तो डिवाइस है ही नहीं, वो तो एक कॉपी डिवाइस है। तो बोलते हैं कि कोरियन डिवाइस है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं। तो ये बेसिकली बात की जाती है यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की, समझ रहे हो पूरी बातों को। और पहला वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन डे ऑब्जर्व किया गया था 1970 में, और 14 अक्टूबर याद रखिएगा, इस दिन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। कायाकल्प अवार्ड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है गाइस, इन्होंने कायाकल्प अवार्ड जो है ये दिया है पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज को उनके हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटाइजेशन और हाइजीन के लिए। जो पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स जो होते हैं गाइस, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके, उनको रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने सेंटर्स में हाई स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन किए सैनिटेशन और हाइजीन के, यानी कि साफ सफाई जो है वो उन्होंने वहाँ पर रखी है। और कायाकल्प अवार्ड जो है गाइस ये लॉन्च किया गया था 2015 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये स्वच्छ भारत अभियान का ही एक पार्ट है जिसमें फोकस किया जाता है कि जितनी भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उन वहाँ पर सैनिटेशन और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएँ, राइट। हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएँ, जैसे कि वहाँ पर साफ सफाई, और साफ सफाई की ज़रूरत होती है गाइस, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, और हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि लोगों को इंजेक्शन लगते हैं, उनका ब्लड वगैरह जो है वो निकलता है, राइट। तो अगर प्रॉपर वहाँ पर डस्टबिन नहीं है, प्रॉपर सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं है, राइट, साफ सफाई की, प्रॉपर एक कर्मचारी नहीं है जो साफ सफाई करता रहे रेगुलर बेसिस पर, तब वहाँ पर डिजीज़ जो है वो बहुत जल्दी फैलेगी और इवन विजिटर्स को भी डिजीज़ लग जाएगी। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए कायाकल्प अवार्ड जो है वो सामने आया, और इसने फोकस किया कि जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, सेंटर्स वगैरह जो हैं, वहाँ पर बेहतर सैनिटेशन और हाइजीन फैसिलिटीज़ जो है वो मेंटेन रहे। और ये अवार्ड से जो है वो मोटिवेट किया जाता है कि सभी हेल्थ केयर जो सेंटर्स वगैरह हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है वो साफ सफाई रखें, जिससे कि उनको भी ये अवार्ड जो है वो दिया जाए, राइट। और ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि एक क्लीननेस का कल्चर जो है वो डेवलप करें हमारी कंट्री के अंदर। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ये अवार्ड देती है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इसके बारे में, कायाकल्प अवार्ड के बारे में। अब बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो हर साल ये इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, और ये बताया जाता है कि जो कंट्रीज जो होती हैं उनको 0 to 100 पॉइंट्स की स्केल में जो है वो रैंक करती है। यानी कि अगर किसी कंट्री को 0 मिला है तो इसका मतलब उसका स्कोर जो है वो बेस्ट है, यानी कि वहाँ पर हंगर नहीं है, और किसी कंट्री को 100 मिला है तो ये वर्स्ट है। तो देखो, हम लोग बोलते हैं कि किसी को 98% मिले, बट यहाँ पर ये 98% का हम लोग बोलते हैं ना 98% मतलब अच्छा कि बहुत बढ़िया मिला, बट यहाँ पर 98% का मतलब जो है वो उल्टा है, 98 का स्कोर जो है वो उल्टा है, राइट, कि 98 यानी कि सबसे ख़राब, तो 0 यानी कि सबसे बेस्ट, 98 या फिर 100 यानी कि सबसे वाहियात वर्स्ट, राइट। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी याद रखिएगा, किसी कंट्री का स्कोर अगर 0 है या नियर टू 0 है, यानी कि वहाँ पर हंगर जो है वो नहीं है, यानी कि वहाँ पर भूखमरी से लोग जो है वो नहीं मर रहे हैं, वहाँ पर लोग जो है उनको प्रॉपर टाइम पर खाना मिल रहा है, राइट। और किसी कंट्री जो है वो 100 है या नियर 100 है, यानी कि ये समझ लो आप कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो हंगर से पीड़ित हैं, उनको खाने पीने का सामान जो है वो नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये मेजर करती है कुछ इस प्रकार से, ये इंडेक्स हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें 10 से कम का मतलब ये है, यानी कि 10 पॉइंट से कम का मतलब है कि वहाँ पर लो हंगर है, राइट, यानी कि इतना हंगर नहीं है, वहाँ पर लोग बाग जो है वो सही तरीके से रह रहे हैं, उनको प्रॉपर फूड वगैरह मिल रहा है। 20 से 34.9 का स्कोर जो है वहाँ पर सीरियस हंगर का स्कोर आ जाता है, कि यार यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लोग खाने से पीड़ित हैं,
35 to 49.9 का स्कोर जो है वो ये बोलता है अलार्मिंग है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जाए, जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल हेल्प ली जाए, नेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ वगैरह बेहतर बनाई जाए, बेहतर स्कीम्स जो है वो निकाली जाए जिससे कि लोगों को खाना मिल जाए। 50 या उससे ज़्यादा का स्कोर मतलब ये समझ लो कि अब हालत ख़राब है, इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करना है, नहीं तो लोगों की मृत्यु होती जाएगी और हो ही रही है। यानी कि इन कंट्री में, जिस कंट्री के अंदर 50 से ज़्यादा का स्कोर है वहाँ पर भूखमरी के कारण लोग जो है वो मर रहे हैं। इवन 35 to 49 के अंदर भी हम लोग को यही चीज़ देखने को मिलती है, राइट। इसके स्कोर्स जो होते हैं ये एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो इसके स्कोर जो निकाले जाते हैं ना अलग अलग कंट्री के, जो मैंने अभी आपको स्कोर्स बताए पूरे, तो ये स्कोर निकलते हैं एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। और ये फॉर्मूला के अंदर तीन डायमेंशन होते हैं हंगर के, उसको कैप्चर किया जाता है, जैसे कि एक इनसफिशियंट कैलोरी कैलोरिक इनटेक कि एक इंडिविजुअल जो है उसको नॉर्मल हर दिन जो है वो 2100 कैलोरी की आवश्यकता है प्रॉपर जीने के लिए, बट उसको 2100 कैलोरी की जगह हर दिन जो है वो 1100-1200 या उससे कम कैलोरी मिल रही है, तो आपको इनसफिशियंट कैलोरी जो है वो मिल रही है हर दिन, राइट। तो ये एक तरीका होता है निकालने का स्कोर। दूसरा चाइल्ड अंडर नरिशमेंट की, जो बच्चे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के वो बच्चे जो है वो कितने अंडर नरिश हैं, राइट। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, कुपोषण की प्रॉब्लम वहाँ पे कंट्री के अंदर बच्चों में कितनी है, राइट, तो उसको मेजर किया जाता है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी, किसी कंट्री के अंदर कितने बच्चे जो है वो मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, राइट, तो ये भी एक फैक्टर है। और इसमें चार कंपोनेंट्स इंडिकेटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं मेजर करने के लिए। एक अंडर नरिशमेंट जो होता है वो आप इससे रिलेट कर सकते हो इनसफिशियंट कैलोरिक इनटेक से, कि एक इंडिविजुअल है जिसको प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए, उसको प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिल रहा है, राइट। और इसमें दूसरी चीज़ भी ये भी आती है अंडर नरिशमेंट के अंदर कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। जैसे कि इसको ईजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, एक टर्म आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है हिडन हंगर का। ये टर्म याद रखना आप, हिडन हंगर का, HIDDEN, हिडन हंगर, राइट, HUNGER। तो ये हिडन हंगर का टर्म जो है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और ये चीज़ आप मेंस में भी उपयोग करेंगे। देखो इसको इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है गाइस वो दिखने में काफ़ी मोटा लगता है, राइट, बट आपने देखा होगा कि एक इंडिविजुअल दिखने में काफ़ी मोटा है बट उसको काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, काफ़ी सारी डिजीज़ हैं। उसकी वजह क्या है गाइस, क्योंकि ये जो खाना खा रहा है वो हेल्दी फूड नहीं खा रहा है, वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहा है, वो पिज्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पास्ता खा रहा है, राइट, और वो मोटा हो गया है। और इसकी बॉडी को चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर मिनरल्स चाहिए, जो कि वो इंटेक नहीं कर रहा है, राइट, और ये फालतू की चीज़ें खा रहा है, इसलिए ये मोटा तो हो गया है बट ये फिर भी अंडर नरिश्ड है। अब देखो कभी भी हम सोचते हैं कि कोई इंडिविजुअल कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन किसी को है, तो कुपोषित वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, वो एक पतले दुबले इंसान की पिक्चर बन जाती है जिसकी हड्डियाँ दिख रही है, रिब्स दिख रही है जिसकी, राइट, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक मोटा इंसान भी अंडर नरिश हो सकता है, क्योंकि ये मोटा इंसान जो है गाइस ये फैट ले रहा है, फैट को कंज्यूम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर रहा है, प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स को कंज्यूम नहीं कर रहा, अपनी बैलेंस डाइट जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा है, राइट, जिसके कारण उसको डिजीज़ हो रही है, बीमारियाँ हो रही है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होता है गाइस उसके कारण हमारी कई सारी बीमारियाँ जो है वो चली जाती हैं। और इसलिए तो एक कहावत भी है कि मोटापा जो है वो बीमारियों की जड़ है, वो इसीलिए है। और ये हिडन हंगर टर्म का आप उपयोग करेंगे इस चीज़ में कि एक अंडर नरिशमेंट में हर एक पतला इंसान जिसकी रिब्स दिख रही हैं वही अंडर नरिश, माल न्यूट्रिशन वाला बंदा नहीं होता, कुपोषित बंदा नहीं होता। एक मोटा बंदा भी कुपोषित हो सकता है, माल न्यूट्रिशन उसको हो सकता है, राइट, उसकी वजह ये है हिडन हंगर की, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आई है। चाइल्ड वास्टिंग की अगर हम लोग बात करें, चाइल्ड वास्टिंग का मतलब लो वेट फॉर हाइट। एक इंडिविजुअल जो है जिसकी हाइट जो है वो अच्छी है, नॉर्मल है, बट उसका वेट जो है वो काफ़ी कम है, तो ये चाइल्ड वास्टिंग में आ जाता है। वैसे ही चाइल्ड स्टंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो लो हाइट फॉर एज। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट जो होती है वो कम होती है उनकी एज के कंपैरेटिव। जैसे कि आपने सुपर 30 नाम की एक मूवी देखी होगी, अभी रिसेंटली आई थी, आनंद सर के ऊपर बेस्ड ये मूवी थी, और आप जानते होंगे वो सुपर 30 जो बैच चलाया करते थे IIT में, बच्चों को जो है वो दाखिला दिलवाया करते थे फ्री में पढ़ाकर, जो गरीब बच्चे हैं उनको, राइट। तो ये जो उनके ऊपर बेस्ड ये मूवी थी, इसमें एक सीन था जिसमें ऋतिक रोशन एक बच्चे को बोलते हैं कि कितने साल के हो तुम, तो लग नहीं रहे, तो वो बोलता है कि जब दो टाइम का खाना एक टाइम, यानी कि एक टाइम अगर खाना खाएंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब ही ऐसा उनमें आ रहा है कि ये चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि एक इंडिविजुअल की हाइट जो है वो कम हो गई है, क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, उसको प्रॉपर नरिश फूड जो है वो नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये एक फैक्टर है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी, 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की जब मृत्यु हो जाती है तो ये चाइल्ड मॉर्टेलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और ये कुछ स्कोर्स हैं, ये तीन डायमेंशन हैं जिनके ऊपर बेस जो है वो स्कोर्स जो है वो बनाए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं, राइट, इस रिपोर्ट के लिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के लिए। इस रिपोर्ट में क्या पाया गया, तो पहले हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे फिर इंडियन लेवल पे देखेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पर ये बताया गया कि क्लाइमेट चेंज जो है गाइस इसके कारण से काफ़ी सारे पूरी दुनिया भर में लोग जो है वो अफेक्टेड हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण
बहुत मुसीबत जो है वो डेवलप होती जा रही है, कई सारी फसलें जो है वो ख़राब होती जा रही हैं, जिसके कारण से फूड सप्लाई जो है वो नहीं मेंटेन हो पा रही है, जिसके कारण से पॉपुलेशन जो है वो फीड नहीं कर पा रही है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सामने आई है। हंगर को रिड्यूस करने में प्रोग्रेस तो यहाँ पर सामने है ही है, ये वाली चीज़ बताई जा रही है कि हंगर को रिड्यूस करने पर काफ़ी कुछ काम जो है वो चल रहा है ग्लोबल लेवल पर। और मल्टीपल कंट्रीज जो है जहाँ पर हायर हंगर लेवल जो है गाइज वो 2010 में जितना था, और अप्रॉक्सीमेटली 45 कंट्रीज़ जो है गाइज़ ये फेल हो गई हैं लो हंगर लेवल को अचीव करने के लिए, जो कि टारगेट है कि 2030 तक जो है वो हंगर लेवल को जो है वो कम करना है। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक टारगेट हम लोग को हंगर को रिड्यूस करने से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो ये बताया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 45 कंट्री इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हंगर लेवल तो ऑल ओवर रिड्यूस हो रहा है, बट कई सारे ऐसे रीजन पर हंगर लेवल जो है वो रिड्यूस नहीं भी हो पा रहा है। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर सामने आई है। 117 कंट्रीज जो है गाइस उसकी रैंकिंग हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे कि 2019 में 117 कंट्रीज को रैंक किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक 102 बताई जा रही है। और उससे पहले 2018 में 119 कंट्री को रैंक किया गया था, फिर 2017 में भी 119 कंट्री को, फिर 118 को 2016 में, इस प्रकार से। तो ऐसे ही जो 117 कंट्रीज़ को जो है वो रैंक प्रोवाइड की गई है, एनालाइज किया गया है 117 कंट्रीज़ को, जिनमें से बताया जा रहा है कि 43 जो है गाइज वहाँ पर सीरियस लेवल ऑफ हंगर है। सीरियस लेवल ऑफ हंगर मतलब हमने बात करी कि यहाँ पर 20 से 34.9 का इनका पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिला है, जहाँ पर सीरियस लेवल ऑफ हंगर है, राइट। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज जो है, यानी कि अफ्रीका की जो सेंट्रल कंट्रीज़ जो है गाइज़, यहाँ पर काफ़ी बुरी हालत है, यहाँ पर एक्सट्रीमली हंगर स्टेज हम लोग को देखने को मिलती है, लेवल देखने को मिलता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है गाइज़ ये रिकमेंड करता है कि मतलब कैसे हंगर को रिड्यूस करना है। तो ना ही सिर्फ इसने स्कोर्स बताया, ना ही सिर्फ इसने रैंकिंग ऑफर करी, बल्कि ये भी बताया है कि कैसे आप हंगर लेवल को रिड्यूस कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हो। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन कौन लोग जो है जिनको हंगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उनको फिर फूड वगैरह ऑफर किया जाए सब्सिडाइज रेट वगैरह में। जैसे कि इंडिया में चलता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट में जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के थ्रू ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, राशन प्रोवाइड किया जाता है। और वैसे ही इसमें जो बिल्कुल ही वल्नरेबल कैटेगरी के ग्रुप्स हैं तो उनको पहले आप आइडेंटिफाई करो, फिर उनको प्रॉपर फूड वगैरह ऑफर करो, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि डिजास्टर के रिस्पॉन्स जो है वो तैयार करो, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, मैनमेड डिजास्टर होता है, जिसमें से कई सारे लोग जो होते हैं गाइस वो पीड़ित हो जाते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर फ्लड आ गई तो पूरी फसलें जो है वो खत्म हो गई, यानी कि बाढ़ आई तो पूरी फसल खराब हो गई, राइट, एक पर्टिकुलर रीजन की। तो बाढ़ जहाँ पर आती है, फसलें खराब हो जाती है, तो ये सरकार जो है वो उस रीजन पर लोगों तक खाना पहुँचाए, तो इसकी फैसिलिटी आप तैयार करके रखो, डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम जो है वो तैयार करके रखो। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करो, राइट, जैसे वही चीज़ की इनइक्वालिटी यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर वल्नरेबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो इनइक्वालिटी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप इनइक्वालिटी को मैनेज करो, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक्शंस लो, राइट। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण भी काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है कि पॉपुलेशन जो है उसको फूड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड हम लोग नोटिस कर रहे हैं, राइट। आपने अगर नोटिस किया होगा पिछले 5 सालों में काफ़ी सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं एज कम्पेयर टू, जैसे कि अगर आपका बर्थ 90s में समथिंग हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि इनिशियल ईयर्स आपके बर्थ के कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ करता था, राइट। बट धीरे धीरे करके 2005, 2006, 2007 के बाद से बहुत तेज़ी से नेचुरल डिजास्टर्स हम लोग नोटिस करते आ रहे हैं, हर साल कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ हम लोग को डिजास्टर से रिलेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिल ही रही है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डिकेड्स की अगर हम लोग बात करें तो नहीं मिलती थी, राइट। तो ये क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी वजह बताई गई है, तो इसको भी आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, इवन पेपर 3 में भी आप इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अब इंडिया की बात करें तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो 102 थी, आप देख सकते हो ये इंडिया की रैंक जो है वो 102 है, राइट, ये आप देख सकते हो ये। और इसकी अगर हम लोग बात करें गाइस तो 117 कंट्रीज़ जो हैं जिनकी रैंकिंग ऑफर की गई थी, जिनको एनालाइज़ किया गया था, और इंडिया का स्कोर इसमें 30.3 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। 30.3 का स्कोर मतलब यहाँ पर सीरियस हंगर हम लोग को इंडिया में देखने को मिल रही है, जिसको जल्दी से जल्दी जो है वो टैकल करने की आवश्यकता है। और ये बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया, नाइजर और कैमरून, तो ये कुछ कंट्री है जिन्होंने इंडिया से भी बेहतर परफॉर्म किया है, और इवन हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसने भी इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऑल्सो। पाकिस्तान की रैंक 94 है, बांग्लादेश की 88 है, और इंडिया की 102 है। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू अस, तो इसलिए इंडिया को भी फोकस करना पड़ेगा हंगर लेवल को कम करने के लिए। चाइल्ड वास्टिंग का रेट जो है गाइस ये 4.3% बढ़ा है पिछले 9 सालों में,
और 90% बच्चे जो है गाइस जिनकी उम्र 6 से लेकर 23 मंथ के बीच में हम लोग को देखने को मिल रही है, 6 से लेकर 23 मंथ, राइट। तो ये मंथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये ईयर्स नहीं है। तो 90% बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से लेकर 23 मंथ की है, तो इनको इवन मिनिमम रिक्वायर्ड फूड भी नहीं मिल पाता। यानी कि ऐसे बच्चे देखो 6 महीने तक तो बोलते हैं कि मदर जो है, माँ का दूध जो है वो अनिवार्य होता है, जो छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ मदर मिल्क जो है वो पिए, राइट, ब्रेस्ट फीडिंग करे, राइट। और इवन एक एक साल तक बोला जाता है, बट 6 महीने तो बिल्कुल ही मैंडेटरी है। उसके बाद बच्चों को थोड़ा सॉलिड फूड वगैरह दिया जाता है, बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 से लेकर 23 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनको मिनिमम रिक्वायर्ड फूड भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए तो बचपन से ही बच्चे जो है वो माल नरिश्ड की कैटेगरी में चले जाते हैं, फिर वो उनका फिजिकल और मेंटल स्टेज जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है, तो मेंटली और फिजिकली वो वीक रहते हैं उनकी प्रोलॉन्ग लाइफ के लिए, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि स्टंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्टंटिंग जो होती है बच्चों में 5 साल से कम की उम्र के, तो इसमें थोड़ी सी हम लोग को गिरावट देखने को मिली, बहुत ही हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है। 2019 में 37.9% है ये, और 2010 में ये 42% था, तो बहुत ही हल्की सी गिरावट, आप यानी ना के बराबर कह सकते हो आप इसको। इवन स्वच्छ भारत कैंपेन के बावजूद भी ओपन डेफिकेशन आज की रेट में भी प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। तो देखो गाइस, ओपन डेफिकेशन में सिर्फ जो है हम लोग देखते हैं कि जो बाहर खेतों में जो लोग चले जाते हैं वो ही सिर्फ इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, बल्कि हम लोग ओपन डेफिकेशन का मतलब ये भी है कि आप जो पी वगैरह करते हैं ना लोग बाग आजू बाजू जो है वो पेशाब करते रहते हैं रोड के साइड में वगैरह, तो ये भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसलिए ये इंटरनेशनली और या फिर मैं बोलूँ कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें ये भी पाया गया है कि स्वच्छ भारत कैंपेन के थ्रू ओपन डेफिकेशन आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। और ओपन डेफिकेशन के कारण कितने डिजीज़ जो है वो डेवलप होती हैं, राइट, कितनी सारी डिजीज़ हम लोग को देखने को मिलती हैं, बढ़ती हैं, और उस डिजीज़ के कारण काफ़ी सारे लोगों की हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, एंड आई थिंक आपको पूरी चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे कुर्द्स के बारे में। तो देखो, जैसे ही कुर्द आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक एथनिक ग्रुप है जो कि टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तो ये पर्टिकुलर कंट्रीज़ में जो है ये फैले हुए हैं, राइट। सबसे ज़्यादा ये हम लोग को टर्की और ये ईरान के एरिया पे और इराक के एरिया पे भी देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है ये। 75-100% इनकी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर इस एरिया पर है, बाकी अलग अलग एरियाज पर भी ये फैले हुआ है। तो जितना भी आपको ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है पूरा, तो यहाँ यहाँ पर कुर्द की पॉपुलेशन है। और गाइस, ये दुनिया की लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है। स्टेटलेस का मतलब होता है कि इनके पास कोई भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, राइट, किसी भी कंट्री की इनके पास सिटीजनशिप नहीं है, ये एज अ रेफ्यूजी रह रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनमें से एक गोल ये भी है कि 2030 तक स्टेटलेसनेस को ना 2025 तक स्टेटलेसनेस को जो है वो रिड्यूस करना है। और आई बिलोंग करके एक आई बिलोंग करके कैंपेन है जिसका टारगेट ये है कि पूरी दुनिया भर में से 2024 तक स्टेटलेसनेस को जो है वो पूरी तरह से फिनिश करना है। और आई बिलोंग कैंपेन को इंडिया भी सपोर्ट करती है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। तो अब देखो, इसके बारे में बात करते हैं कुर्द के बारे में। तो कुर्द जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया भर की लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है ये। बताया जाता है कि 25 मिलियन से 35 मिलियन इनकी पॉपुलेशन जो है वो ये हम लोग को देखने को मिलती है। और 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, और ये 25 से 30 मिलियन की इनकी पॉपुलेशन है। 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन जो होता है वो 1 करोड़ होता है। यहाँ पे 25 की बात हो रही है, तो 2.5 से लेकर 3.5 करोड़ लोग जो है गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रहते हैं, राइट, और ये स्टेटलेस कैटेगरी में, इनके पास कोई भी सिटीजनशिप नहीं है। तो अभी ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गाइस इनके ऊपर अटैक कर रही है, इन कुर्द पीपल के ऊपर अटैक कर रही है टर्की। अब ये क्यों अटैक कर रही है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक एक करके बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो गाइस, ये ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये कुर्दिश पीपल की जो मेजोरिटी है आज की डेट में, ये सुन्नी मुस्लिम की है, और ये कई सारे अलग फेथ को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि सूफिज़म को और भी कई सारी प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करते हैं ये। और कुर्द पीपल जो है गाइस, ये हिस्ट्री में इनका काफ़ी ऊंचा नाम है आर्मी के मैटर्स पर, राइट, क्योंकि ये फियरलेस फाइटर की तरह जो है वो काम करते हैं, और कई सारी आर्मीज़ में ये एनरोल थे, राइट, मेडिवल पीरियड में भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो काफ़ी समय से हिस्टोरिकली ये जो है वो एज अ फाइटर की तरह काम करते हैं, राइट। और मेडिवल वॉरियर जो है एक सलादीन, राइट, जो कि अयुबिद डायनेस्टी के फाउंडर थे, जिन्होंने रिप्लेस किया था फातिमिद्स को इजिप्ट के अंदर। और इसने ऑलमोस्ट जो मिडिल ईस्ट एरिया जो है गाइज, उसके हर एक पार्ट में जो है वो रूल किया था 12th और 13th सेंचुरी में फातिमिद्स ने, राइट। तो ये कुर्दिश एथनिसिटी का ही बिलोंग
करता था, यानी कुर्दिश एथनिसिटी से ही बिलोंग करता था. तो जो सेंट्रल एशिया रीजन है गाइस, यहाँ पर ही है हम लोग को देखने को मिलते हैं कुर्दिश लोग, राइट. और इवन मेडिवल इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि अयुबिद डायनेस्टी को जिसने फाउंड किया था सलादिन ने, तो उसको जिसने रिप्लेस किया था फतमिद्स को, राइट. तो इसने रूल किया था, फतमिद जो है ये कुर्दिश एथनिसिटी से ही बिलोंग करता है. तो ये याद रखिएगा, बस इतना डिटेल में नहीं आएगा ये मेडिवल, जो सेंट्रल वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसका इतना डिटेल में नहीं आता मेडिवल वगैरह का, बट फिर भी आपको चीज़ें जो है उससे रिलेटेड याद रखिएगा, राइट. अब देखो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है गाइस, इसने ऑर्डर किया है यूएसए ट्रूप को कि यूएसए ट्रूप जो है, यानी कि यूएसए के जो सोल्जर जो है, जो कि सीरिया, नॉर्थ सीरिया बॉर्डर पर उपस्थित हैं, तो उनको बोल दिया है कि आप वहाँ से हट जाइए. उसकी वजह यह है कि टर्की जो है ये एक ऑफेंसिव जो मिशन जो है वो लॉन्च करने वाली है कुर्दिश के अगेंस्ट. ये टर्की जो है वो कुर्दिश को एनिमी मानती है, दुश्मन मानती है, और फिर ये इस पर अटैक करने वाली है. तो इसलिए ये पूरा ओवरऑल मामला जो है वो अभी न्यूज़ में था कुर्द्स को लेकर. और टर्की इनको क्यों मारना चाहती है, तो देखो गाइस टर्की के दो गोल्स हैं, राइट, दो मेन गोल, ये चीज़ याद रखिएगा. इस रीजन पर आपको देखो ये टर्की दिखाई दे रही है, टर्की, तो ये टर्की के दो मेजर गोल्स हैं. एक तो देखो आप टर्की में काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है, जैसे हमने आपको बताया था कि टर्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही है, फिर ईरान वगैरह में हम लोग को देखना, देखो बहुत सारे कुर्दिश जो है वो टर्की के अंदर है, आप देख सकते हो. तो ये टर्की के दो मेन गोल हैं कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया जो है, अब आप देखो मैप से समझो इस चीज़ को, ये सीरिया जो है इसका ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्ट सीरिया, राइट. तो यहाँ से ये कुर्दिश जो मिलिटिया जो है, यानी कुर्दिश पॉपुलेशन जो है उसको भगाना चाहती है. ये पहला इसका ये जो गोल है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कुर्द जो है, एक तो ये एनिमीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनिमी है टर्की के, तो ये उनको यहाँ से हटाना चाहती है क्योंकि टर्की को लगता है कि ये खतरा है कुर्दिश पीपल यहाँ पर, इस रीजन पर, टर्की के लिए स्पेशली, राइट. और साथ ही साथ इसका दूसरा एम ये है कि ये सीरिया के अंदर एक स्पेस क्रिएट करना चाहती है. अब देखो आप, ये सीरिया रीजन है, यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करना चाहती है जहाँ पर जो ये टर्की के अंदर 2 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज रह रहे हैं उनको ये पनाह दे सके. तो कई सारे जो सीरिया छोड़कर जो लोग जो है वो टर्की में आकर बस गए थे, तो ये सोच रही है कि यहाँ पर इस एरिया पर थोड़ा स्पेस ये क्रिएट कर दे, जिससे कि यहाँ पर ये जो 2 मिलियन लोग जो टर्की के अंदर सेटल्ड हैं वो यहाँ पर आकर रह सकें वापस अपने सीरिया में. क्योंकि जो रेफ्यूजीज यहाँ पर हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि सीरियन गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो काफ़ी बर्डन आ रहा है इन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों को पालने के लिए, उनको सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, खाना पीना प्रोवाइड कराने, तो उसके ऊपर बर्डन आ रहा है. तो इसने सोचा कि इन 2 मिलियन लोगों को जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा सीरिया में, क्योंकि इसको यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करनी है. और यहाँ पर इन सीरियंस को शिफ्ट करने के लिए इसको जो ये कुर्द जो है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा. तो इसलिए टर्की जो है गाइस ये एक ऑफेंसिव एक्शन जो है ये, या फिर ऑफेंसिव मिशन जो है वो लॉन्च करने वाली है कुर्दिश के अगेंस्ट, राइट. तो ये इसलिए ये पूरा ओवरऑल टॉपिक न्यूज़ में था. और कर्द से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर इस रीजन पर ये कुर्दिश पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि सुन्नी मुस्लिम है और जो टर्की की दुश्मन है, राइट, एनिमी है. अब देखिए, नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट सर्वे इंडिया 2015 टू 2019 हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ब्लाइंडनेस जो है, अंधापन जो है गाइस, वो सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लोग 80 साल या उससे ऊपर की उम्र के होते हैं, यानी कि 80 प्लस ईयर्स की उम्र के लोगों में ब्लाइंडनेस जो है वो सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई की गई है, राइट. और इसमें बताया जा रहा है कि जो अनट्रीटेड कैटरैक्ट हैं, ये कॉज है ब्लाइंडनेस का, कि कैटरैक्ट जो होता है ना, मोतियाबिंद जो हो जाता है कैटरैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ओल्ड एज में जो अक्सर जो है वो नॉर्मल है ये, कि जो इंसान जब बुजुर्ग होता है तो वो कैटरैक्ट को ऑपरेशन कराता है. उसमें क्या होता है कि उनके आईलेंस जो है होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनका आईलेंस जो होता है वो फॉगी हो जाता है, तो उनको दिखना कम हो जाता है, यानी कि धुंधला धुंधला दिखने लगता है, और फिर धीरे करके उनको ब्लाइंडनेस हो जाती है. तो जो कैटरैक्ट जो होता है, जो मोतियाबिंद जो होता है, जो ट्रीट नहीं होता, अनट्रीटेड होता है, तो ये मेन कॉज बताया जा रहा है ब्लाइंडनेस का. और दूसरा कॉज जो है वो सीवियर विजुअल इंपेयरमेंट है, राइट. और इसके अलावा दूसरा कॉज एक और है बताया जा रहा है, वो है कॉर्नियल ओपेसिटी कैटरैक्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन. जब कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन होता है उसमें उसकी सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन आया था, तो वो भी एक फैक्टर है, कॉज है ब्लाइंडनेस का. तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है. तो ये स्पेशली याद रखिएगा कि ये सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि 80 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में ब्लाइंडनेस जो है वो सबसे ज़्यादा है, राइट. और इसमें अगर स्टेट वाइज की बात करें तो आप देख सकते हो कि सबसे कम जो है वो जो एज जो है 50 या उससे ज़्यादा की उम्र के जो एज है उन लोगों में सबसे कम ब्लाइंडनेस जो है वो कौन सी स्टेट में है, और फिर सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है. तो आप ये एक बार चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, हालांकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. अब वर्ल्ड फूड डे की अगर हम लोग बात करें तो 16 अक्टूबर को ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. इस दिन अवेयरनेस रेस की जाती है अबाउट इशूज़ ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भुखमरी
के बारे में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है वर्ल्ड फूड डे के दिन, और इसको एस्टेब्लिश किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नवंबर 1979 में. जो यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टेब्लिश किया था कि 16 अक्टूबर हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ वर्ल्ड फूड डे. और 2019 की थीम है अवर एक्शन आर अवर फ्यूचर हेल्दी डाइट्स फॉर ए हैशटैग जीरो हंगर वर्ल्ड. राइट, हेल्दी डाइट्स फॉर अ हैशटैग जीरो हंगर वर्ल्ड, तो ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि ध्यान में रखिएगा. अब देखिए गाइस, अयोध्या के अंदर एक डिस्प्यूटेड साइट है बाबरी मस्जिद, आप जानते हैं इसके बारे में अभी केस भी जो है वो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. बट हालांकि हम लोग इसके बारे में, केस के बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे. राइट, बट मेनली हम लोग बात करेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में. तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऑफर किया है कि अपने क्लेम को जो है वो ड्रॉप कर देंगी, जो डिस्प्यूटेड टेंपल मॉस्क साइट जो चल रही है बाबरी मस्जिद को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है रामलला मंदिर और बाबरी मस्जिद का अयोध्या के अंदर. तो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो अपना क्लेम रखा था सामने, तो बोल रहे हैं कि अपने क्लेम को वो हटा देंगी. राइट, और ये ऑब्जेक्शन जो है गाइस, नो ऑब्जेक्शन जो है वो दे देंगी इस ज़मीन को, कि अगर गवर्नमेंट इस ज़मीन को रामलला टेंपल के लिए लेती है तो उसमें वक्फ बोर्ड जो है वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी. राइट, तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर सामने आई. और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन पैनल जो है, उन्होंने कहा है कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो है ये कहना है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी अगर गवर्नमेंट रामलला टेंपल के लिए ये ज़मीन जो है वो ले लेती है. तो देखो, हालांकि इस पे हम लोग को डिस्प्यूट्स पे नहीं बढ़ना है अभी, और जो ये पूरा जो केस है बाबरी मस्जिद का अयोध्या का, वो आने वाले समय में एक अच्छा आर्टिकल आएगा, तो मैं आपको पूरा फिर से दोबारा से क्लियर कर दूंगा. हालांकि प्रीवियस ट्यूटोरियल में ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट फिर भी अभी क्योंकि देखो हाइप पे चल रही है पूरी ओवरऑल चीज़ बाबरी मस्जिद को लेकर, तो आने वाले समय में आपको उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा. बट अभी के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो क्या है, या फिर वक्फ क्या है, इस चीज़ को आप समझो गाइस. तो वक्फ का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, कि जो प्रॉपर्टी दी जाती है भगवान के नाम पर और रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, ये होता है वक्फ. और लीगल टर्म्स की बात करें गाइस, तो जो लीगल टर्म्स में कहा जाता है कि परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज बाय मुस्लिम लॉ एज पायस रिलीजियस और चैरिटेबल. ऐसी जमीन, ऐसी लैंड जो कि सिर्फ भगवान यानी कि मुस्लिम इस्लाम धर्म के अंदर, मुस्लिम लॉ के अंदर चैरिटेबल रिलीजियस या पवित्र पायस पर्पस के लिए उपयोग में ली जाती है, तो उसको वक्फ जो है वो बोला जाता है. क्या बोला जाता है? वक्फ बोला जाता है. याद रखना कि वक्फ जो है वो प्रॉपर्टी बोली जाती है. अब ये क्या है? वक्फ है. राइट, तो ये पूरी ओवरऑल वक्फ है जो कि जो यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, तो मस्जिद जो है वो रिलीजियस पर्पस के लिए बनाई गई है, तो इसलिए ये वक्फ है. तो वक्फ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इस्लाम धर्म के अंदर रिलीजियस पर्पस के लिए उपयोग में ली जाती हो, तो उसको वक्फ बोलते हैं. और वक्फ कैसे क्रिएट की जाती है गाइस? तो ये एक डीड या फिर एक इंस्ट्रूमेंट, आप कह सकते हो एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है ये क्रिएट की जाती है, या फिर एक प्रॉपर्टी जहां पर वक्फ जो है गाइस उसको बनाया जाता है जब वो प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए लंबे समय के लिए उपयोग में की गई हो. जैसे कि लंबे समय पर एक प्रॉपर्टी को मस्जिद के तौर पर बना दिया लंबे समय तक, सालों तक. राइट, तब ये फिर वक्फ में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है. इसमें ये भी बोला गया है कि यहाँ पर जो वक्फ जो होता है गाइस, इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है, यानी कि जहाँ पर जो मुस्लिम एजुकेशन के लिए हम लोग बोलते हैं ना मदरसाज वगैरह जहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है, तो वो भी एज अ वक्फ की तरह उपयोग में ली जा सकती है. ग्रेवयार्ड जहाँ पर दफनाया जाता है डेड बॉडीज़ को, तो वो उस पर्पस के लिए भी, मॉस्क मस्जिद के लिए भी, शेल्टर होम पर्पस के लिए भी, तो ये सब चीज़ों को वक्फ की तरह जो है वो उपयोग में लिया जा सकता है. और अगर कोई इंडिविजुअल वक्फ को क्रिएट करता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर एक प्रॉपर्टी दी मस्जिद बनाने के लिए, तो आपने अगर वो प्रॉपर्टी दी मस्जिद बनाने के लिए, तब क्या होगा गाइस कि फिर आप उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते. एक बार आपने वक्फ क्रिएट कर दिया फिर वो वापस नहीं लिया जा सकता. राइट, और वक्फ जो होगी गाइस ये कंटिन्यू चलेगी, यानी कि अगर एक जगह आपने खोल दिया है कोई मस्जिद वगैरह, तो वो कंटिन्यू ही वहां पर हम लोग को देखने को मिलेगी. और एक नॉन मुस्लिम भी वक्फ को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं एज अ हिंदू वक्फ को क्रिएट कर सकता हूँ, बट मुझे जो है वो इस्लाम धर्म को मानना ज़रूरी है, कि मैं इस्लाम धर्म को मानूंगा तभी होगा. अगर मैं इस्लाम धर्म में बिलीव नहीं रखता हूँ, मानता नहीं हूँ, तो फिर मैं वक्फ जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता. राइट, समझ रहे हो आप इस बातों को? तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है. और ऑब्जेक्टिव जो होता है वक्फ को क्रिएट करने का, वो इस्लामिक पर्पस के लिए ही होना चाहिए. राइट, कि इस्लाम के लिए ही वो यूज़ हो, इस्लामिक पर्पस के लिए ही वो यूज़ हो वक्फ. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू वक्फ क्रिएट किए जा सकते हैं. अब वक्फ कैसे गवर्न करते हैं गाइस? तो ये गवर्न होता है वक्फ एक्ट 1995 के थ्रू. इसमें एक सर्वे कमिश्नर होते हैं गाइज, ये इस कानून के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पर पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो लिस्ट की जाती है जो कि वक्फ डिक्लेयर की गई हो.
राइट, और फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, वहाँ पर देखा जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सिर्फ इस्लामिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा रहा है या फिर उसको दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। अब अगर इस्लामिक पर्पस के अलावा दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा तो वो एज अ वक्फ नहीं होगी, फिर उसको हटा दिया जाएगा वक्फ की लिस्ट से, राइट। तो ये एक पूरा एक सर्वे कमिश्नर होते हैं, वो पूरा ओवरऑल सर्वे करते हैं, और वक्फ जो होती है वो मैनेज की जाती है मुतावाली के द्वारा, राइट, जो कि सुपरवाइजर की तरह एक्ट करते हैं। और ये बिल्कुल ट्रस्ट की तरह ही होता है, जैसे कि एक ट्रस्ट होता है ना, जो कि जैसे कि फ्री में बच्चों को खाना खिलाता है, एक ट्रस्ट होता है जो कि वेरियस काम वगैरह करते हैं। जैसे कि आप शिरडी में जाओगे तो शिरडी साईं ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर खाना मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, राइट। तो ये बिल्कुल ट्रस्ट की तरह ही होता है, जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में जो ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया जाता है बिल्कुल वैसे ही होता है ये, बट ये वक्फ एक्ट 1995 में हम लोग को देखने को मिलता है, इस कानून में देखने को मिलता है। और वक्फ एक ट्रस्ट जो है गाइस, अगर वो एस्टेब्लिश हो गया तो वो डिसॉल्व किया जा सकता है बोर्ड के द्वारा, बट वक्फ जो है वो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आपने किसी जगह पर किसी प्रॉपर्टी पे एक ट्रस्ट जो है वो बना दिया, एक वहाँ पर एक सेवा करने के लिए एक या फिर वो एक वृद्ध आश्रम जो है वो किसी ट्रस्ट ने बना दिया, तो वो कोई ट्रस्ट जो है वो इस वृद्ध आश्रम को डिसेबल भी कर सकती है। बट अगर किसी ने वक्फ बना दिया बट वो वक्फ जो होगा वो डिसेबल नहीं होगा, राइट। तो ये वाली चीज़ बस एक छोटा सा डिफरेंस है ट्रस्ट में और वक्फ में, बाकी ऑल ओवर सेम चीज़ हम लोग को इसी प्रकार से देखने को मिलती है। और एक वक्फ बोर्ड होते हैं गाइस, तो ये ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं जिनके पास पावर होती है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की, प्रॉपर्टी को होल्ड करने की, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की। तो आप ये भी याद रखिएगा, वक्फ जो है गाइस, जो वक्फ बोर्ड जो होता है, जो वक्फ को मैनेज करते हैं, ये वक्फ को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, राइट। और इनको कोर्ट में भी लाया जा सकता है, जैसे कि अभी हम लोग को सुन्नी वक्फ बोर्ड देखने को मिला है, जो कि जो ये रामलाला अयोध्या के अंदर जो डिस्प्यूट है रामलाला टेंपल और बाबरी मस्जिद का, तो इसको लेकर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला था, राइट। तो ये ओवरऑल पूरी चीज़ थी इससे रिलेटेड, बाकी डिस्प्यूट के बारे में मत पूछिएगा, बाद में मैं आपको इसके बारे में समराइज करूंगा पूरी ओवरऑल चीज़, जब कोई अच्छा आर्टिकल एडिटोरियल हम लोग को देखने को मिलेगा तब, राइट। और वक्फ के कंपोजिशन की बात करें, कौन कौन होते हैं इसमें, तो एक चेयरपर्सन होते हैं, एक या दो नॉमिनीज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, मुस्लिम लेजिस्लेटर के और पार्लियामेंटेरियंस के, और मुस्लिम मेंबर्स भी हम लोग को स्टेट बार काउंसिल के देखने को मिल सकते हैं, जो कि एज अ नॉमिनी की तरह होते हैं। और इसमें स्कॉलर्स जो होते हैं इस्लामिक थियोलॉजी के या मुतावालीज जो होते हैं वक्फ वगैरह के, तो वो भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, बट इसमें ये एक कंडीशन है कि उनकी एनुअल इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। तो जिस इंडिविजुअल की एनुअल इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा की होगी, वो एज अ नॉमिनी की तरह हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, या फिर इस वक्फ बोर्ड के मेंबर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। इस वक्फ बोर्ड के पावर और फंक्शंस आप जानते ही हैं गाइस, समझ ही गए होंगे कि पूरी जो वक्फ जो होती है, यानी कि मस्जिद जो होती है और जो भी इस्लामिक धर्म के लिए जो प्रॉपर्टी उपयोग में ली जाती है, तो उसको एडमिनिस्टर करना उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, राइट। अगर कोई उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई केस लगता है कोर्ट वगैरह में, तो फिर सामने आकर उस कोर्ट को कोर्ट के अंदर केस में जो है वो उसको अपील करना, अपना जो पक्ष जो है वो रखना, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और सैंक्शन जो होता है गाइज, ये नहीं दिया जा सकता जब एटलीस्ट 2/3 जो मेंबर्स होते हैं वक्फ के, उस बोर्ड के 2/3 मेंबर अगर वोट नहीं देंगे फेवर में, तब तक कोई सैंक्शन जो है वो नहीं जारी किया जा सकता। वक्फ जो है गाइज, वो डिसीजन जब ही देगी जब एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स की मंजूरी होगी उस बोर्ड में, राइट। तभी ये अपना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो बढ़ा सकती है। तो ये वोटिंग के ऊपर होता है, उसमें 2/3 की वोटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, बस ये वाली चीज़ और याद रखिए। अब गाइज, वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करें, तो देखो ये ट्राइफेड के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और इसको ट्राइफेड ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। और यहाँ पर 18 इंटर्न्स, जिनको कहा जा रहा है मिनिस्टर्स इंटर्न्स, तो ये कुछ रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट्स ऑफ सोशल वर्क या फिर सोशल सर्विस ऑफ द कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ से ये इंटर्न्स वगैरह जो है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और ये वहाँ के इंटर्न्स जो है वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में, वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। इन इंटर्न्स का काम क्या होगा गाइस, कि ये ट्राइबल पॉपुलेशन को हेल्प करेंगे उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए और एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो खुद ब खुद जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं या फिर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अपने मार्केट में बेच सकें और वो पैसा जो है वो कमा सकें। और इन पर्टिकुलर इंटर्न का काम ये होगा कि ये ऐसे टूल्स और टेक्निक्स बनाएं जिनसे कि उनका जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन जो है वो जितने भी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसको वो मार्केट में आसानी से बेच सकें और उनको प्रमोशन मिल सके उनके प्रोडक्ट्स का, कि वो मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है वो बिक सकें। तो इस पर जो है वो फोकस बेसिकली किया जाता है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू। जितनी भी ट्राइफेड एक्टिविटीज होती है गाइस, अब देखो ट्राइफेड का काम होता है कि ट्राइबल पीपल को बेटर बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कराना, कि उनको इनकम जनरेशन जो है वो
प्रोवाइड कराना, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, तो ये सब काम होते हैं ट्राइफेड के. तो ट्राइफेड की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा इन इंटर्न्स के द्वारा. अब देखिए, वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव की बात करें तो इसका एम है, इसका मेन मकसद है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं उसको प्रमोट किया जाए, जिससे कि जो ट्राइबल गैदरर्स होते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो गैदर करते हैं, और जो आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं वो जो फॉरेस्ट के अंदर स्थित जो कई सारी चीज़ें होती हैं उससे वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो मार्केट में बिक सकें, उसका प्रमोशन हो सके. तो इसका ये मेजर इनिशिएटिव है वनधन विकास केंद्र का, और इसमें मेन फोकस किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर कि उनको कुछ इनकम जनरेशन मिल सके उनको, या फिर उनको बेनिफिट मिल सके जिससे कि वो अपने लाइवलीहुड जो है उसको बेटर बना सकें. और इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें गाइस, तो इसमें बताया जाता है कि जो शेयर है ट्राइबल्स का जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वैल्यू चेन में, तो इसको 20% से 60% तक बढ़ाने की बात की जा रही है इस इनिशिएटिव के थ्रू, और ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, और इसका एक नोडल डिपार्टमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है सेंट्रल लेवल पर, और ट्राइफेड जो है वो ये एक नोडल एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल पर ऑपरेट करती है, काम करती है, राइट. तो ये वाली चीज़ कुछ चीज़ें हैं वो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव के बारे में और वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, कि ट्राइबल पीपल को प्रमोट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए कि वो अपनी लाइवलीहुड जो है वो बेटर कर पाएँ, इनकम जनरेट कर पाएँ, तो इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया और ये इनिशिएटिव वन धन विकास केंद्र का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट. दोस्तों, बात हो रही है फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम के बारे में. तो देखो, ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है आज की डेट में फोकस किया जा रहा है कि लोग बाग जो है वो सही खाना खाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाएं, जो हाइजीन जो है वो मेंटेन करें, खाना जो है वो उनका गंदा नहीं होना चाहिए, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट. तो ये पूरी चीज़ जो है जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, राइट. ये स्कीम जो है वो सपोर्ट करेगी सभी स्मॉल और मीडियम स्केल फूड बिजनेसेस को कि वो फूड सेफ्टी लॉस के साथ कंप्लाई कर सकें, उस नॉर्म्स को फॉलो कर सकें, राइट. लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है इनका बन सके, हाइजीन रेटिंग मेंटेन कर सकें, और इनके जो ऑफिशियल्स जो एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है उनको ट्रेनिंग वगैरह मिल सके कि कैसे फूड बिजनेस जो है उसको बेटर बनाना है, राइट. जैसे कि लोग बाग को जो है वो हेल्थ से रिलेटेड इशू ना हो, और इसके स्ट्रेंथन फूड सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने के अलावा ये स्कीम जो है गाइस नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफर करेगी युवाओं को, राइट. तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर सामने आ रही है. और ईट राइट मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इसको लॉन्च किया गया था FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका मेजर मकसद यही है कि जो खाना जो है गाइस उसमें अगले 3 सालों में सॉल्ट और शुगर और ऑयल के कंजम्पशन को 30% तक रिड्यूस करना है, कि जो डेली इनटेक जो होता है, फूड जो इनटेक होता है लोगों का, उसमें 30% रिडक्शन अगले 3 सालों में ऑयल सॉल्ट एंड शुगर का करने की यहाँ पर बात हुई है इस ईट राइट मूवमेंट इनिशिएटिव के थ्रू. इसका मेजर एम ये है कि सिटीजन्स को एंगेज किया जाए कि वो अपनी हेल्थ वगैरह को इम्प्रूव करें और वो राइट फूड चॉइस जो है उसको डेवलप करें, कि वो जो भी खाना खाएं वो सही खाना खाएं, वो इससे रिलेटेड लोगों को जो है वो एम्पावर किया जा रहा है उनको, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है उनके बीच में. इसमें हम लोग को दो चीज़ और देखने को मिली, ईट राइट झोला और एक और चीज़ ईट राइट जैकेट. तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ये दोनों ही इनिशिएटिव, और इसमें रीयूजेबल क्लॉथ बैग जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ईट राइट झोला के बारे में. तो देखो गाइस, सब्जी खरीदने के लिए जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वो अक्सर अपने साथ जो है वो क्लॉथ बैग जो है वो लेकर नहीं जाते, मार्केट से जो है वो प्लास्टिक बैग्स लेकर घर पर आ जाते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग्स वगैरह के लिए, राइट. तो यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस करने की बात की गई है, यहाँ पर रीयूजेबल क्लोथ बैग की यहाँ पर बात हो रही है कि लोग अगर अपने घर से निकलें तो वो अपना झोला जो है वो साथ में लेकर जाएं, या फिर मार्केट में उनको झोला जो है वो मिल जाए रेंटल बेसिस के ऊपर, राइट. तो ये प्लास्टिक बैग को रिड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है ईट राइट झोला का ये रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने. तो हालांकि देखो गाइस, आप में से भी कई सारे लोग होंगे गाइस जो कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में जो मेरे फादर हैं, मैं तो ज़्यादा नहीं हूँ, फादर ही आते हैं सब्जी वगैरह खरीदने, पता नहीं उनको शौक है इस टाइप से, और क्योंकि वो वहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता, तो इसलिए वो बोलते हैं तू मत जा मैं ही जाऊँगा, तो वो घर से जो है वो कपड़े का झोला लेकर निकलते हैं, राइट. तो ऐसे ही सबको करना चाहिए प्लास्टिक वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, कि मार्केट से प्लास्टिक ना लें, सब्जी मंडी से डायरेक्टली हम लोग अपना झोला लेकर जाएँ और उसी पे सब्जी जो है वो कलेक्ट करके घर लेके आएँ. और आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोग ये झोला वाली प्रैक्टिस जो है वो करते हैं. इसके अलावा ईट राइट जैकेट की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो जो फील्ड स्टाफ्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए जैकेट्स वगैरह जो है वो यूज़ करने की बात की गई है. इस जैकेट्स के अंदर उनके ये स्मार्ट डिज़ाइन है इस जैकेट का, उसके अंदर जो उनके टैबलेट्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं,
और QR कोड भी होता है इस जैकेट वगैरह में, तो ऐसे फीचर्स इस जैकेट में हम लोग को देखने को मिलेंगे। जो भी फील्ड स्टाफ्स वगैरह होते हैं जो ड्यूटीज़ वगैरह में जो होते हैं उनके लिए ये जैकेट्स रखने की यहाँ पर बात की गई है। तो ये एक नई प्रकार की जैकेट भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है कि फील्ड स्टाफ जो होते हैं वो एक अपना ऐसा जैकेट रखें जिसमें वो सभी चीज़ें जो है वो अपनी रख पाएँ, जितने भी उनके डिवाइसेज हैं वो सब कुछ यहाँ पर रख पाएँ, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सामने आई है। तो ये हो गई इससे रिलेटेड फूड सेफ्टी, मित्रा स्कीम हमने देखा, ईट राइट झोला इनिशिएटिव, ईट राइट जैकेट देखा और ईट राइट मूवमेंट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट फॉर 2019 के बारे में। तो UNICEF ने रिलीज करी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019 को, जहां पर कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है और यहां पर बताया गया है कि कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है हाईएस्ट बर्डन ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 और लोएस्ट बर्डन ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 की कैटेगरी में, कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम की है उनकी डेथ हो रही है, और कौन सी कंट्री है जहां पर कम से कम बच्चों की डेथ हो रही है जो बच्चे 5 साल से कम की उम्र के हैं, राइट। और रिपोर्ट जो है गाइस ये एनालाइज कर रही है ग्लोबल स्टेट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ विज अविज माल न्यूट्रीशन ओबिसिटी एनीमिया और भी कई सारे हेल्थ इश्यूज को। तो इस रिपोर्ट में जो बच्चे जो है वो कौन सी कंट्री में कहाँ कहाँ पर बच्चे माल न्यूट्रीशन की स्टेज में है, ओबिसिटी में है, एनीमिया में है, और कौन से बच्चे को कौन से अदर इश्यूज हैं, तो वो पूरी चीज़ें भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में एनालाइज की गई है। पहले ग्लोबल सिनेरियो की बात करेंगे पूरी दुनिया भर में क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, फिर इंडिया परस्पेक्टिव से बात करेंगे। पूरी दुनिया भर में से 3 में से 1 बच्चे जो है जिनकी उम्र 5 साल से कम की उम्र की है और जिनमें करीब 200 मिलियन बच्चे हैं पूरी दुनिया भर में, ये या तो अंडरनरिश्ड हैं या फिर ओवरवेट हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सामने आई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस चीज़ के कारण अंडरनरिशमेंट के कारण बच्चों का ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो पुअर ब्रेन डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिला है। वीक लर्निंग हम लोग को देखने को मिली है कि बच्चे अपने मेंटल स्टेटस को संभाल नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, वीक लर्निंग सामने आई है। और लो इम्यूनिटीज़ हैं बच्चों में, जल्दी से जल्दी उनको डिजीज़ हो रही है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रीशन या अंडरनरिशमेंट। इसके अलावा इन्फेक्शन इंक्रीज होता जा रहा है और कई सारे केसेस में डेथ भी हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि 3 गुना ज़्यादा बर्डन जो है 3x बर्डन जो है वो माल न्यूट्रिशन का हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें अंडर न्यूट्रिशन, हिडन हंगर और ओवरवेट जैसे फैक्टर्स जो है वो 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में नजर आए हैं। अब देखो हिडन हंगर के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो ये यहाँ पर आ गया टर्म, तो ये टर्म अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। तो ये कुछ वजह है जिसके कारण से माल न्यूट्रिशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इंडिया स्पेसिफिक की बात करें कि इंडिया में क्या स्थिति है, तो इंडिया में बताया जा रहा है कि हर दूसरा बच्चा ये किसी ना किसी माल न्यूट्रिशन के फॉर्म से अफेक्टेड है। और आज की डेट में जो छोटे बच्चे हैं जो कि आदी हो गए हैं बर्गर के, पिज्ज़ा के, चिप्स के, तो वो मोटे होते जा रहे हैं, फैट होता जा रहा है, तो उनको देख के आपको लगेगा हेल्दी बच्चा है बट वो अंडर नरिश्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर हिडन हंगर चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, ओबेसिटी ओवरवेट वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। 35% इंडियन बच्चे जो हैं ये स्टंटिंग से सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। स्टंटिंग क्या है, वास्टिंग क्या है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा होगा आपको। तो और वास्टिंग के कारण 17% बच्चे सफर कर रहे हैं, अंडरवेट के कारण 33% बच्चे और ओवरवेट के कारण 2% बच्चे सफर कर रहे हैं। और साउथ एशिया कंट्री में इंडिया जो है गाइस ये इसकी बहुत बुरी हालत है, और इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उसमें भी इंडिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमने देखा था कि इंडिया की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, राइट। और हाईएस्ट बर्डन डेथ जो है बच्चों में वो 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में देखने को मिल रहा है, जहां पर 2018 में 8 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम की है उनकी मृत्यु हुई, 8 लाख से ज़्यादा बच्चों की, राइट। और 5 बच्चों में से 1 बच्चे जो हैं अंडर 5 एज के, राइट, तो इनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी पाई गई है और सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स 20 स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिली है, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सामने आई है। और हर दूसरी वुमेन जो है, हर दूसरी महिला जो है गाइस हमारी कंट्री में, उनको एनेमिक की प्रॉब्लम है, एनीमिया वाली प्रॉब्लम है, और इसके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उनके जो बच्चे होते हैं यानी कि उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनमें भी ये प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। और 10 बच्चों में से 1 बच्चे जो है ये प्री डायबिटिक हैं, और पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज जो है ये फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि पुअर डाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन देखिए ग्लोबल हंगर में भी सामने आए और यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स हैं गाइस, तो पोषण अभियान हमारी गवर्नमेंट का हम लोग को देखने को मिला है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसके थ्रू बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो इम्प्रूव करने पर फोकस किया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम हम लोग देख रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एनीमिया की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। 6x6x6 स्ट्रेटजी हमारे इंडिया में है, जहाँ पर जो 6 टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप्स
को आइडेंटिफाई करना, 6 इंटरवेंशंस और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि एनीमिया की टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस कर रहा है, कि एनीमिया की टेस्टिंग हो, बेनिफिशरी को जो है वो वल्नरेबल ग्रुप्स को जो है वो सेलेक्ट किया जाए, उनको एनीमिया का इलाज करवाया जाए, राइट, जल्द से जल्द पहले डायग्नोस किया जाए फिर इलाज हो उसका, तो इस पर ये काम हो रहा है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं, राइट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि माल न्यूट्रिशन और इस प्रकार की स्थिति जो है वो सही हो, राइट, कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो नरिश्ड बच्चे हम लोग को देखने को मिले, राइट। और अफगानिस्तान बांग्लादेश जो है यहाँ पर 49% और 46% जो बच्चे हैं 5 साल से कम की उम्र के, जो या तो फिर स्टंट है या वास्टेड है या फिर ओवरवेट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और श्रीलंका और मालदीव्स जो है गाइज ये बेटर परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पर हम लोग को 28% और 32% का रेट जो है वो मतलब अंडर 5 ईयर्स के एज के चिल्ड्रन में देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सामने आई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड। और यूनिसेफ ने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए हैं कि कैसे न्यूट्रिशियस सेफ और अफोर्डेबल डाइट जो है वो बच्चों में रखनी है, तो ये इनके रिकमेंडेशन भी है यूनिसेफ के, क्योंकि यूनिसेफ के का ही ये हम लोग को स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019 देखने को मिली है। तो इनके रिकमेंडेशन देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है कि फैमिलीज को एम्पावर किया जाए और अनहेल्दी फूड की डिमांड को रिड्यूस किया जाए, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आई है कि बच्चों को जो है पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब चीज़ें ना खिलाई जाए। इंसेंटिवाइज फूड सप्लायर्स की, फूड सप्लायर्स जो है उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए कि वो हेल्दी अफोर्डेबल फूड जो है वो प्रोवाइड करें मार्केट में, राइट। और इसके लिए एक 2YUM नाम की आजकल एक चिप्स आ गई है और वो काफ़ी शानदार है, वो मैं भी खाता हूँ 2YUM, तो उसमें फैट जो है वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी अच्छी है। यानी कि जो भी लोग डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं, अच्छा खाना चाहते हैं और उनको अगर चिप्स वगैरह के वो आदि है जैसे कि मैं, तो वो 2YUM नाम की चिप्स खा सकते हैं, या फिर अगर किसी को बर्गर वगैरह खाना है तो मैकडी की जगह आप चले जाओ सबवे वगैरह में, तो वहाँ पर आपको एक हेल्दी जो है वो हॉट डॉग टाइप का कुछ मिल जाएगा, राइट। और क्रिएट एक्यूरेट ईजी टू अंडरस्टैंड लेबलिंग, कि लेबलिंग जो है फूड वगैरह में वो भी इजी टू अंडरस्टैंड क्रिएट करो, कि लोग बाग जो है वो यानी कि मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जो हैं जो इस प्रकार की पैकेजिंग करते हैं, तो वो लेबलिंग ऐसी ही करते हैं जिसकी कि लोगों को समझ में नहीं आए कि ये क्या है भाई, इसमें कितनी क्वांटिटी है फैट की या कितना कैलोरिक इनटेक है या जो कुछ भी, राइट। तो ये लेबलिंग वगैरह भी इसमें ईजी टू अंडरस्टैंड रखी है। और स्केल अप न्यूट्रिशन बाय प्रोटेक्टिंग वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, पानी को प्रोटेक्ट करो, सैनिटेशन सिस्टम को बेटर करो। कलेक्ट एंड एनालाइज क्वालिटी डेट टू ट्रैक प्रोग्रेस, तो रेगुलेटर्स वगैरह जो है गाइस ये प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इनको कुछ टूल्स वगैरह सामने लाने पड़ेंगे, राइट। क्वालिटी डेट्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि प्रोग्रेस पता लगे कि आप कंट्री के अंदर जो है वो प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है या फिर नीचे हम लोग को फिगर ज़्यादा हुआ नज़र आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ ट्रैक करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है यूनिसेफ के जो इनने बताए हैं। अब सेकेंड फेज ऑफ गोल यहाँ पर आ रहा है, गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। तो डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये ट्राइबल वुमेन्स का, जिसको जॉइंटली लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक ने। तो ये वाली चीज़ आप याद रखी है, फेसबुक ने और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलकर इस गोल को लॉन्च किया है। इसका सेकंड फेज अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें इंकरेज किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है और गाइड किया जाता है ट्राइबल वुमेन्स को हमारी पूरे इंडिया की, और इनको जो है वो लिटरेट लीडर्स, डिजिटल लिटरेट लीडर्स बनने के लिए जो है वो फोकस करवाया जाता है। तो देखो, जो एक ट्राइबल महिला जो है गई ये यहाँ पर आई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, इसको डिजिटल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की गई, डिजिटल लिटरेसी इसको प्रोवाइड की गई, और ये एज अ लीडर की तरह उभर कर आएंगी और ये अपनी कम्युनिटी में जाकर यानी कि अपने एरिया में जाकर दूसरी जो वुमेंस है उनको अगेन डिजिटल लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड कराएंगी। और ये प्रोग्राम जो है गई ये टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज वुमेन को, राइट, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से आगे जो है वो प्रोग्रेस कर पाएँ और अपने लाइवलीहुड को सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन कर पाए, राइट, अच्छी इनकम वगैरह अर्न कर पाए और डिजिटल लिटरेट जो है वो बन सकें। और लीडर्स बनने का मकसद ये है कि ये एक बार यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करके फिर अपने कम्युनिटी में अगेन जो फॉरवर्ड करें अपने जो भी ट्रेनिंग है उसको अलग अपनी कम्युनिटीज़ में दूसरी अलग अलग वुमेंस को, राइट, समझ रहे हो बात को। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई। अब टीबी के केसेस जो है, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस के केसेस हम लोग को इंडिया के अंदर डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं, और ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2019 एडिशन ऑफ ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस की रिपोर्ट में देखने को मिला है। इसमें बताया जा रहा है कि 2017 में इंडिया के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के टोटल इंसिडेंस थे 27.4 लाख, यानी कि 27,40,000 केसेस थे, ये घटकर 26.9 लाख केसेस हो गए हैं, राइट। और इसमें टीबी के इंसिडेंस पर
1 लाख पॉपुलेशन, यानी कि हर 1 लाख पॉपुलेशन में 2017 में 204 लोगों को टीबी हुआ करता था, अब ये 2018 में 1 लाख लोगों में से मात्र 199 लोगों को टीबी होता है। तो यानी कि केसेस जो है वो इसके रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सामने आई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है कि ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। न्यू ब्रेक्सिट डील की यहाँ पर बात हो रही है गाइस। तो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जो है एक नई ब्रेक्सिट डील जो है वो सामने ला रहे हैं। ब्रेक्सिट का मतलब क्या है? ब्रिटेन एग्जिट। इसके बारे में, ब्रेक्सिट के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक क्लास ली थी जो कि आई थिंक 20-25 मिनट का वो लेक्चर था। अच्छा खासा एक इंडिविजुअल लेक्चर नहीं था, वो डेली लेक्चर में ही एक टॉपिक था जो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो जिन लोग को नहीं पता है प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए, या फिर ब्रेक्सिट के बारे में अच्छे से पता करिए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी हाइप में है और काफ़ी दो एक सालों से ये टॉपिक काफ़ी हाइप में हम लोग को देखने को मिला है। तो ब्रिटेन एग्जिट की यहाँ पर बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रिटेन जो है वो एग्जिट करना चाहता है, तो उसको लेकर एक नई ब्रेक्सिट डील जो है वो सामने आ रही है। और ये अगर अप्रूव हो जाती है फाइनली, तो फिर ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन से। और इस नई डील के एलिमेंट्स क्या क्या है गाइस? तो इसमें यूरोपियन यूनियन के रूल्स को, यूनाइटेड किंगडम को, यानी कि ब्रिटेन को जो है वो ऑनर करना पड़ेगा 2020 तक, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसको फॉलो करने पड़ेंगे यूरोपियन यूनियन के रूल्स को 2020 तक। और यूरोप, यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन जो है, इसको 39 मिलियन पाउंड्स जो है वो पे करना पड़ेगा एज अ डिवोर्स बिल के तौर पर। किसको? यूरोपियन यूनियन को। और जो यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स जो कि ब्रिटेन में रह रहे हैं, और साथ ही साथ ब्रिटेन के सिटीजन्स जो कि यूरोपियन यूनियन में रह रहे हैं, इनके राइट्स जो हैं गाइस वो गारंटी किए जाएंगे, यानी कि इनके राइट्स जो है उनको हानि नहीं पहुँचाई जाएगी, इनको राइट्स जो है वो अपने मिलेंगे जैसे कि इनको पहले मिल रहे थे। और नदर आयरलैंड जो है गाइस, ये यूरोपियन यूनियन के साथ अलाय करेगा, और यहाँ पर सिंगल मार्केट जो है वो यूरोपियन यूनियन का नदर आइलैंड को प्रोवाइड किया जाएगा गुड्स के लिए, हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि कस्टम बॉर्डर्स जो हैं ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरिश आइलैंड के बीच में देखने को मिलेगा। और यही दो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो है गाइस, इसी के कारण काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हम लोग को ब्रेक्सिट में देखने को मिली थी, राइट? तो अभी एक नई डील आई है यहाँ पर, अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है इससे रिलेटेड। बाकी ब्रेक्सिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड की पहली ग्रेजुएट लेवल रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि यूएई में सेटअप की जाएगी। यूएई के गाइस जो प्रिंस हैं, अबू धाबी के जो प्रिंस हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, तो उन्हीं के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो ये यूनिवर्सिटी जो है गाइज, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है गाइज और गवर्नमेंट जो है, बिजनेसेस जो है गाइज, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एडवांसमेंट प्रोवाइड कराने पर काम करेंगे। तो ये पहली ग्रेजुएट लेवल रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी हम लोग को यूएई में देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी शानदार चीज़ जो है वो यूएई हम लोग को देखने को मिल रही है यूएई के अंदर, राइट? अब देखिए, नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी क्वालिटी सर्वे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है गाइस, इन्होंने रिलीज किया है सर्वे को, नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी क्वालिटी सर्वे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिल्क सैंपल, जो दूध जो है गाइस जो हमारे घर में आता है, तो उसका सैंपल लिया है तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से, केरला से। और यहाँ पर बताया गया है कि इन तीन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन है, यानी कि दूध में मिलावट है। और क्वालिटी के मामले में 7% जो टोटल सैंपल है गाइस प्रोसेस्ड मिल्क का, ये क्वालिटी पैरामीटर्स से कंप्लाई नहीं कर रहा है, यानी कि क्वालिटी के मामले में भी जो FSSAI का जो क्वालिटी पैरामीटर्स है उससे कंप्लाई नहीं कर रहा है टोटल 7% सैंपल। तो ये वाली बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फैट्स, मेल्टोडेक्सट्रिन और शुगर जैसे कंटामिनेंट्स जो है इसमें मौजूद है, और ये परमिसेबल लिमिट से काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर सेफ्टी पैरामीटर्स की बात करें तो 4% टोटल प्रोसेस्ड मिल्क के सैंपल जो हैं, यानी कि लगभग 2600 मिल्क के सैंपल जो हैं गाइस, ये FSSAI के नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक जहरीला पदार्थ है जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन M1। और कहा जाता है कि एफ्लाटॉक्सिन M1 को लंबे समय तक लेने के लिए अगर कोई लेता है तो उसका लीवर डैमेज हो सकता है, और उसको लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज़ जो है वो भी हो सकती है, यानी कि उसका लीवर वगैरह डैमेज हो सकता है। एफ्लाटॉक्सिन की अगर हम लोग बात करें, एफ्लाटॉक्सिन M1 की, तो ये केमिकल कंपाउंड है गाइस जो कि प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट को कंटामिनेट करता है, यानी कि जहरीला जहर प्रोवाइड कराता है। और ये मिल्क में आता है फीड और फोडर के थ्रू, यानी कि जो गाय भैंसों को जो चारा चराया जाता है तो उसी के थ्रू यहाँ पर ये इसमें हम लोग को मिल्क में देखने को मिल जाता है, यानी कि जो गाय भैंस जो खाती हैं, फिर उसके बाद फिर उनका दूध निकाला जाता है, मिल्क निकाला जाता है, तो उसके थ्रू ये मिल्क में आ जाता है। और जो कि अगर ह्यूमन इसको लंबे समय तक कंज्यूम करेंगे तो ये इनके लिवर को डैमेज कर सकता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग जो
केमिकल कंपाउंड जो है एफ्लाटॉक्सिन M1 ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इसी के कारण जो सेफ्टी पैरामीटर में इतने गिरावट हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है दूध के अंदर, राइट। और जो प्रॉब्लम है एफ्लाटॉक्सिन M1 की, तो ये प्रोसेस्ड मिल्क में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू रॉ मिल्क। तो जो दूध का पैकेट, जो प्रोसेस मिल्क जो हमारे घर में पैकेट में जो दूध आता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल जो दूध वाले भैया इस प्रकार से हमारे घर पे जो दूध लेके आते हैं उसके कंपैरिजन में, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इससे रिलेटेड ध्यान में रखनी है क्योंकि ये न्यूज में थी। अब वेनेजुएला जो है गाइज, इसको यूनाइटेड नेशन राइट काउंसिल की सीट जो है वो मिल गई है, ह्यूमन राइट काउंसिल की, सॉरी इसमें ह्यूमन नहीं लिखा है। तो वेनेजुएला को मिल गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की सीट, वेनेजुएला ने जीत ली है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की सीट को। और करीब 50 ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी कंट्रीज जो है वो अपोज कर रही थी निकोलास मदुरो की गवर्नमेंट को, यानी कि वेनेजुएला को अपोज किया जा रहा था कि इसकी जो गवर्नमेंट जो है ये बर्बाद कर देगी, यानी कि ये सही डिसीजन नहीं लेगी, और अपोज किया जा रहा था इसके ऊपर। बावजूद उसके ये जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की सीट जो है वो जीत गई है। और दो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं गाइस, ब्राज़ील जिसने टॉप किया है 153 वोट्स इसको आए हैं, और उसके बाद फिर वेनेजुएला ने 105 वोट से सेकंड पोजीशन हासिल कर ली, और दो सीट जो है वो लैटिन अमेरिका की ये मिल गई है ब्राज़ील और वेनेजुएला को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। मेन चीज़ है आपके लिए जानना कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है। तो इसका फाउंडेशन हुआ था 2006 में, इसने रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को, UNCRH को, और CHR को सॉरी। और क्योंकि इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये क्या कर रही थी, ये ऐसी कंट्रीज को अलाउ कर रही थी सीट में, यानी कि ऐसी कंट्रीज को मौका दे रही थी कि ये इस बोर्ड में आकर शामिल हों, अपना रिप्रेजेंटेशन रखें, जो पुअर ह्यूमन राइट्स जो है जहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं पुअर ह्यूमन राइट्स, राइट। तो जिस कंट्री के अंदर पुअर ह्यूमन राइट्स हैं वो कंट्री भी अगर आकर बोर्ड में शामिल हो जाएंगी तो क्या होगा कि वो प्रॉपर सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगी ह्यूमन राइट्स को टैकल करने के लिए, राइट, या फिर ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए। अब काउंसिल जो है इसके 47 मेंबर हैं, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और काउंसिल की मेंबरशिप जो होती है वो इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पर यानी कि पूरे जो पूरा वर्ल्ड है उसमें जैसे कि ये लैटिन अमेरिका की दो सीट्स हम लोग को देखने को मिली, वैसे ही अलग अलग एशिया रीजन की कुछ अलग सीट्स हम लोग को देखने को मिलती है, यूरोपियन रीजन की अलग सीट्स देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अलग अलग रीजन की कुछ कुछ सीट्स जो है वो डिसाइड की गई हैं, जिससे कि पूरा जो ग्लोब है गाइस उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह यहां पर रखा गया, यानी कि इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है कि इस बोर्ड के अंदर या फिर इस काउंसिल के अंदर, इस कमीशन के अंदर सभी रीजन के, सभी ज्योग्राफिकल रीजन के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शामिल हो जाएं। तो इस हिसाब से जो इसकी मेंबरशिप जो है वो रखी जाती है, और मेंबरशिप जो होती है उसकी काउंसिल की गाइज ये 3 सालों की होती है, यानी कि 3 सालों के लिए एक मेंबर जो है वो यहां पर एज अ मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, राइट। और ये इमीडिएट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता, यानी कि दोबारा से अगर री इलेक्शन होता है तो दोबारा से, अब जैसे कि अगला जब इलेक्शन होगा इसका तो वेनेजुएला या फिर ब्राज़ील ये दोबारा से री इलेक्ट नहीं हो पाएगी, राइट, लगातार दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को सर्व करने के बाद। जैसे कि अभी वेनेजुएला ने इसमें सर्व किया, नेक्स्ट ईयर फिर ये सर्व कर सकती है, फिर दो बार सर्व करने के बाद ये अगेन फिर से री इलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। जून 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने छोड़ दिया था UNHRC को, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को, इसको छोड़ दिया था इसने, राइट। और इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको बोला गया था यूनाइटेड स्टेट्स ने कि ये जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती है, और इसके जो डिसीजन जो होते हैं वो सेल्फ सर्विंग टाइप के होते हैं, यानी कि खुद ब खुद ही अपने हिसाब से डिसीजन ले लेती है और सही तरीके से काम नहीं कर रही है, मतलब ये बोला गया है। और इंडिया जो है गाइस ये पहले भी इलेक्ट हो चुकी है इस कमीशन में 2011 से लेकर 14 के टेन्योर में, और 14 से लेकर 2017 के टेन्योर में। तो अब देखो इंडिया दो लगातार टर्म्स के लिए इलेक्ट हो गई है, तो अब ये तीसरे टर्म्स के लिए इंडिया इलेक्ट नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये वाली चीज़ भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम प्रहारी के बारे में बात हो रही है, तो इस स्कीम को दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, प्रहारी, ठीक है। तो ये देखो ये इस सिस्टम के अंदर या फिर इस स्कीम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो चौकीदार्स होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं गाइस, तो उनको एम्पावर किया जा रहा है कि वो क्या करें, पुलिस के आंख और कान बन सकें, कि पुलिस को वो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा सके। तो इसके लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई। बट देखो जनरली याद रखना कि कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम अगर आती है प्रहारी, तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है स्कीम दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को और मेंटेन करने के लिए और क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। और जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ काम करते हुए पुलिस को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सके और पुलिस का वर्कफोर्स जो है वो बढ़ सके, एक तरह से कि आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस को ऐसा ट्रेन किया जा, सिक्योरिटी गार्ड को और जो चौकीदार्स हैं उनको ऐसा ट्रेन किया जा रहा है कि पुलिस के ऑपरेशंस में भी वो उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा पूरा जीएस पेपर टू के पूरे टॉपिक्स जो कि अभी इस हफ्ते में हम लोग को देखने को मिले थे. अब जीएस पेपर थ्री के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं. सो गाइस, पेपर थ्री की पहली न्यूज में बात हो रही है ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में. तो अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है गाइस, एक ग्रेट निकोबार आइलैंड जहां पर काफी सारी प्रिमिटिव ट्राइब्स जो है वो इंडिया की रहती हैं, जैसे कि शॉम्पेंस नाम की एक ट्राइब है. इससे पहले न्यूज में आया था एक सेंटिनल ट्राइब के बारे में. सेंटिनल आइलैंड में एक सेंटिनलीज ट्राइब रहती हैं गाइस, जो कि बिल्कुल ही यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड जो है उससे परे है वो, और वो यानी कि उसने मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स को अपने पास उसने रखा ही नहीं, एंटर करने ही नहीं दिया. तो जैसे आज की डेट में हमारे पास डिवाइसेस वगैरह हैं, और आप कहीं पर भी चले जाओ पूरी दुनिया भर में, कहीं पर भी लोगों के पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है, बट यहाँ पर सेंटिनल ट्राइब्स के पास ऐसा कुछ नहीं. यानी कि यहाँ पर ऐसे ह्यूमंस रहते हैं जो अर्ली मैंस की तरह, जो ह्यूमंस रहा करते थे ना, अर्ली मैन जैसे रहा करते थे, उसी प्रकार के ह्यूमंस यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं. और ये किसी को भी अपने पास नहीं आने देते सेंटिनल ट्राइब्स, और अगर कोई इनके पास आता है तो उनको ये मार देते हैं. जैसे कि अभी कुछ समय पहले हुआ था, एक अमेरिकन को इन्होंने मार दिया था, आपको याद आ रहा होगा. तो राइट, वो इनके पास गया था, कुछ मछुआरे जो थे हमारे इंडियन फिशरमैन्स, तो उनको ब्राइब करके ये गया था, कि उनको बोल के गया था कि आप बस मुझे दूर तक छोड़ दो वहाँ पर. और फिर ये उनके पास गया, फिर इसकी डेड बॉडी मिल गई, और मिली भी नहीं, कि शायद नहीं मिली, मेरे ख्याल से इसकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली, इसके कुछ पार्ट्स वगैरह मिले थे, ऐसा कुछ कहने को आया था. तो एनीवेज, तो ये है अंडमान एंड निकोबार के कुछ आइलैंड्स, और जिनमें से ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये न्यूज़ में है. अब ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर फॉरेन प्लास्टिक्स कलेक्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा. फॉरेन प्लास्टिक्स का मतलब दूसरी कंट्री के प्लास्टिक जो है वो इस आइलैंड में आकर कलेक्ट हो गए. तो ऐसा कैसे हुआ? तो गाइस, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो अपने साथ काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर आती है. तो बीच में अगर समुद्र की लहरें बीचेस में आती हैं तो वो अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कई बार लेकर आ जाती हैं. तो ऐसे ही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो है दूसरी कंट्री के, ये समुद्र की लहरें लेकर आई, और ये लहरें जो है वो ग्रेट निकोबार पर प्लास्टिक्स को छोड़कर चली गई. तो ऐसे ही फॉरेन प्लास्टिक्स जो है वो इस प्रकार से कलेक्ट हो गया है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था. ग्रेट निकोबार आइलैंड पर दो तीन चीज़ें याद रखिएगा. यहाँ पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि गालाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क से मिलकर बनता है ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. तो देखो, ये नेशनल पार्क्स के नाम याद रखना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस प्रकार की चीज़ें, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी लोकेशन अक्सर आ जाती है पेपर वन में. अब बात हो रही है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में. तो 13 अक्टूबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है. पहले ये दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता था अक्टूबर के सेकंड वेनसडे को. तो 1989 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था एक रेजोल्यूशन के थ्रू कि इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन जो है ये ऑब्जर्व किया जाएगा अक्टूबर के सेकंड वेनसडे को. फिर बाद में 2009 में दिसंबर 21 को एक और नया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि 13 अक्टूबर को अब ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन. राइट, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि कैसे लोग बाग जो है वो अपने एक्शंस के थ्रू डिजास्टर्स के रिस्क को रिड्यूस कर सकें. और इसी को लेकर एक पहले एक ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो है वो हम लोग को देखने को मिला था 2005 और 15 के बीच में, यानी कि 15 साल का एक एक्शन था जो कि फोकस कर रहा था कि कैसे डिजास्टर्स वगैरह को रिड्यूस किया जाए. अब ये 2015 के बाद फिर एक और नई समिट हम लोग को देखने को मिली थी, थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन देखने को मिला था सेंडाई जापान में मार्च 2015 में. और उसी समय सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 2030 जो है वो, यानी कि अनदर 15 ईयर्स का प्लान जो है फिर से अडॉप्ट कर लिया गया. राइट, और ये सेंडाई फ्रेमवर्क है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, और ये फोकस करता है कि कैसे डिजास्टर से होने वाले रिस्क को रिड्यूस किया जाए. और 2019 की थीम है रिड्यूस डिजास्टर डैमेज, डैमेज जो होता है डिजास्टर के कारण उसको रिड्यूस किया जाए, टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज. कि जहां कहीं भी डिजास्टर होता है तो बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो गिर जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, तो दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रिकवर करना है तो इस पर फोकस किया जाए. और सेकेंडली जो बेसिक सर्विसेज जो जिसमें डिसरप्शन हो जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन की सर्विसेज, उसमें डिसरप्शन हो जाता है, कहीं पर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन पूरी तरह से हार्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए बोला गया कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जो कि डिजास्टर्स वगैरह को भी झेल जाए, या फिर हम लोग को रिकवर करने में आसानी हो जाए. यानी कि डिजास्टर के होने के बाद जब चीज़ें तहस महस हो जाती है तो उसको दोबारा से जल्द रिकवर किया जा सके. ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली. अब एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 की बात हो रही है, जिसको पब्लिश किया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ESCAP के द्वारा और UNCTAD के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा. इस
पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया है कि जो NTM है, नॉन टैरिफ मेजर्स जो है गाइज, उनके इफेक्ट क्या है. तो ये नॉन टैरिफ मेजर्स जो है गाइज वो पिछले 20 सालों में यानी कि दो डिकेड्स में जो है वो इंक्रीज हुए हैं और जिसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है गाइज ये अफेक्ट हुए हैं एशियन कंट्रीज के. तो ये वाली चीज यहां पर आ रही है. और ये जो नॉन टैरिफ मेजर्स जो है गाइज ये 58% जो ट्रेड है एशिया पैसिफिक रीजन का उसको हार्म कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं. और जो ये नॉन टैरिफ मेजर्स जो है गाइज ये इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है ट्रेडिंग पार्टनर्स के परफॉर्मेंस में और साथ ही साथ इसका इंपैक्ट हम लोग को हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट क्लाइमेट पब्लिक सिक्योरिटी पीस जैसे सेक्टर्स पे भी देखने को मिल रहा है राइट. और इसमें बताया जा रहा है कि अराउंड जो आधी से ज़्यादा पैसिफिक एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज वगैरह हैं यहाँ पर एक जो हम लोग को नॉन टैरिफ मेजर्स देखने को मिल रहा है जो कि एनर्जी और वाटर एफिशिएंसी को एड्रेस कर रहा है और मात्र 10% ऐसे मेजर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग्स और इलीगल टिम्बर ट्रेड को मेजर करना है. तो यानी कि बेसिकली इसका फायदा जो है ये नॉन टैरिफ मेजर्स का ये बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है बल्कि इसका उल्टा नुकसान हम लोग को एशिया पैसिफिक रीजन पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो कि इस रिपोर्ट के थ्रू पता लगा है राइट. अब लोटस एचआर प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर. तो ये सेकेंड फेज है लोटस एचआर प्रोजेक्ट का. लोटस एचआर का फुल फॉर्म है लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज. कि अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स हैं जो गटर वगैरह जो है गाइस अर्बन एरियाज में तो उसको ट्रीट किया जाए हेल्दी रीयूज के लिए. तो ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली दिल्ली में हम लोग को देखने को मिला है इसका सेकेंड फेज. और ये प्रोजेक्ट जो है इसको जॉइंटली सपोर्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है और नीदरलैंड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा. तो ये दोनों मिलकर इस मतलब प्रोजेक्ट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं. साथ ही साथ इसका एम यही है कि जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अप्रोच जो है गाइस उसको सामने लेकर आना और क्लीन वाटर को प्रोड्यूस करना और जो ड्रेनेज जो वाटर है गाइस यानी कि गटर नाली का जो पानी है उसको दोबारा से रीयूजेबल पर्पस के लिए बना देना कि आप उसको दोबारा से रीयूज करें उसको बहाने की जगह राइट. तो इस प्रकार की कुछ टेक्नोलॉजी पर ये जो है काम किया जा रहा है लोकल ट्रीटमेंट अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है हेल्दी रीयूज पर्पस वगैरह के लिए. तो ये प्रोग्राम था. अब गाइस फेसबुक की लिब्रा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. फेसबुक की लिब्रा जो कि फेसबुक की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइंस वगैरह उसी के मॉडल के ऊपर उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मॉडल के ऊपर बेस्ड ये लिब्रा जो है वो बनाई है फेसबुक ने कि फेसबुक के यूज़र जो है वो इस करेंसी के ऊपर जो है वो डील कर सकें ट्रेड कर सकें. और यहाँ पर खासियत यह है इस करेंसी की गाइस कि हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे कि डॉलर्स हैं रुपीस वगैरह हैं ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं करेंसी में फ्लक्चुएशन हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. यानी कि अगर आप बोलो कि एक समय पर एक डॉलर जो है वो 60 रुपये हुआ करता था तो आने वाले समय पर एक डॉलर 70 रुपये हो गया, इससे पहले एक डॉलर 50 रुपये का हुआ करता था राइट. तो ये डॉलर्स में जो फ्लक्चुएशन होता था यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस का फ्लक्चुएशन होता था तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये लिब्रा जो है वो फेसबुक लेकर आ गई है. तो इसके बारे में पहले मैं आपको काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं और बट आप देखो मेन तौर पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखो कि फेसबुक ने ऑफिशियली लॉन्च करी है अपनी लिब्रा जो कि लिब्रा एक क्रिप्टो करेंसी है फेसबुक की. ये ग्लोबल करेंसी एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल रही है या फिर एक डिजिटल एसेट है जिसको फेसबुक ने बनाया है डिजिटल ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए राइट. तो ये चीज आप याद रखिएगा और इसको गवर्न किया जा रहा है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है लिब्रा एसोसिएशन राइट. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें हम लोग गाइस तो इसमें इंडिया पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि चाइना के साथ टाई कर रही है. यानी कि इंडिया और चाइना आज की डेट में दुनिया की वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन जो है वो 6.1% का हम लोग को देखने को मिला है करंट फिस्कल ईयर के लिए और ऑलमोस्ट 1% कट हम लोग को फोरकास्ट का देखने को मिला है. यानी कि पहले जो बताया गया था 7.1% की ग्रोथ जो है वो इंडिया में देखने को मिलेगी बट अब इसको 1% से डाउन कर दिया है कट कर दिया है. और इवन आपको याद आ रहा होगा कि आरबीआई ने भी इस प्रकार का चेंजेस जो है वो किया था जिसमें हम लोग को देखने को मिला था कि ग्रोथ रेट जो है उसको रिड्यूस कर दिया था आरबीआई ने प्रोजेक्शन को देखते हुए. और इंडिया की इकोनॉमी जो है गाइस वो प्रोजेक्ट की जा रही है कि ये आने वाले समय में ग्रो करेगी और 2020 फिस्कल ईयर में 7% की दर से ग्रोथ हम लोग को इंडिया की इकोनॉमी की देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट. क्वेश्चन देखो बेसिकली क्वेश्चन ये आ सकता है प्रीलिम्स में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है पब्लिश की जाती है तो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा. बाकी मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है.
और हमारे इंडिया के अंदर ग्रोथ रेट जो है उसमें गिरावट क्यों आई है गाइस, तो उसमें हम लोग को देखने को मिला है कि सेक्टर स्पेसिफिक वीकनेस देखने को मिली है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आई है काफ़ी तेज़ी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह जो है, एनपीए वगैरह के कारण, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण इनमें स्लो डाउन देखने को मिला है। अब इसमें स्पेशली जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है, उसका रीजन ये है गाइस कि देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो इकलौता ऐसा सेक्टर है कि जो पूरे जो अदर सेक्टर्स हैं उनको भी हार्म पहुंचा सकता है कि अगर इसमें स्लो डाउन होता है तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग बाग गाड़ियां लेना अगर बंद कर दें राइट, तो उसका इंपैक्ट जो है वो ना ही सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पड़ेगा बाकी और भी काफ़ी सारे सेक्टर में पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि गाइस गाड़ी में देखो आप सीट जो होती है वो लेदर की होती है, तो जो सीट बनाने वाली जो कंपनी होती है, लेदर बनाने वाली कंपनी होती है या लेदर सेक्टर जो होता है उसको एकदम नुकसान पहुंचता है। टायर की बात करें, गाड़ी नहीं बिकेगी तो टायर्स नहीं बिकेंगे, तो टायर बनाने वाली कंपनीज को नुकसान होता है। इसमें इंजन होता है गाइस, तो इंजन बनाने वाली कंपनी को नुकसान होता है। इसमें ग्लासेस होते हैं तो ग्लासेस वाली कंपनी को नुकसान होता है। तो एक अगर आप एक कार के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो इसमें आपको काफ़ी सारे सेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक ऑटोमोबाइल कार व्हीकल बनाने के लिए, समझ रहे हो आप बातों को। तो इसलिए एक ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हजारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जॉब ऑफर करता है, और अगर इस सेक्टर में गिरावट होती है और इस सेक्टर के थ्रू लोगों की नौकरियां जाने लगती है तो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स में भी इंपैक्ट इक्विवेलेंट पड़ता है राइट। तो इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे पहले नंबर पर प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है जब अगर ग्रोथ की बात आती है तो राइट, कि ग्रोथ जो में जो गिरावट हुई है इंडिया में उसका मेन वजह जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बताई जा रही है। साथ ही साथ कॉरपोरेट और एनवायरमेंटल रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिली है, और डोमेस्टिक डिमांड जो है इसमें भी गिरावट है, लोग बाग जो है वो खर्चा नहीं कर रहे, चीज़ों को परचेज नहीं कर रहे हैं, मार्केट में पैसे का रोटेशन जो है वो रुक गया है, इसलिए स्लो डाउन की स्थिति डेवलप हो रही है इंडिया में। अब इसको कैसे इंडिया की ग्रोथ को दोबारा से रिवाइव किया जाए, तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग करना है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई की पॉलिसीज होती हैं गाइस, जिसमें वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीएलआर, तो ये सब जो रेट्स होते हैं आरबीआई की, ये इस रेट को रिड्यूस करके या इस रेट को बढ़ाकर इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करती है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का बेहतर तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ फिस्कल कंसोलिडेशन की यहाँ पर बात हो रही है गाइस, यानी कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से पैसे खर्चा करती है तो बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट को पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। सब्सिडी स्पेंडिंग को रैशनलाइज करना पड़ेगा, टैक्स बेस को एनहेंस करना पड़ेगा, तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। पब्लिक सेक्टर रोल को रिड्यूस करना पड़ेगा फाइनेंशियल सिस्टम में, तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो कि आप जो है वो याद रख सकते हैं। और पूरी दुनिया भर की अगर बात करें तो गाइस पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो मात्र 3% की देखने को मिली है, तो आप कह सकते हो कि स्लो डाउन ना ही सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, और इसके बारे में मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। और आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर जो हो गए वो 3.4% की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगी, तो सिंक्रनाइज स्लो डाउन जो है वो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, ना ही सिर्फ इंडिया में। और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है गाइस इसमें भी स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है, अगले साल 5.8% का स्लो डाउन जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकता है चाइना में। और यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मात्र 1.2% का प्रोजेक्शन बताया जा रहा है, अगले साल 1.4% का प्रोजेक्शन रखा गया है, जिसमें से जर्मन इकोनॉमी जो है, जर्मनी जो है गाइस ये 0.5% की ग्रोथ से जो है वो बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें गाइस, तो यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ा बेटर कर रही है, स्लाइट बेटर 2.1% की ग्रोथ से, फिर नेक्स्ट ईयर 2.4% की ग्रोथ से जो है ये बढ़ेगी आगे। और स्लो डाउन के रीज़न जो है वो ट्रेड बैरियर्स हैं, चाइना और यूएसए के बीच में जो वॉर हम लोग को, ट्रेड वॉर देखने को मिला है, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर बताई जा रही है। ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रोथ और एजिंग पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर बताई जा रही है, कि जो पॉपुलेशन जो है गाइज वो एज हो रही है, यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ पॉपुलेशन जो है गाइज, जो कि मैक्सिमम वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो काफ़ी कम हो गई हैं और एजेड पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था कि ये बोला गया है कि फिस्कल कंसोलिडेशन को बेहतर तरीके से करना है राइट, कि अगर सरकार कुछ खर्चा कर रही है तो उसको सोच समझ के करना है कि उसको कहाँ पर खर्चा करना है राइट, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें आ रही हैं, सरकार के ऊपर भी बर्डन हो रहा है क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि बुढ़ापे वाली यानी कि सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन बढ़ रही है राइट। तो ये सब चीज़ें के कारण जो है वो ग्लोबली स्लो डाउन नोटिस किया गया, बट ग्लोबल स्लो डाउन में मेन कारण जो है वो यूएसए और चाइना का वॉर हम लोग को देखने को मिला, यानी कि ट्रेड वॉर हम लोग को देखने को मिला यूएसए और चाइना के बीच में। अब माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है,
तो ये एक डिवाइस है गाइस जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के थ्रू. तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, ये देखो आप, ये सेल जो है ये एक डिवाइस है. तो ये सेल जो है ये इंस्टॉल किया गया है लंदन के एक जू में, और इस सेल की मदद से यानी कि इस डिवाइस की मदद से एक प्लांट ने पहली सेल्फी ली है, यानी कि बॉटनिकल वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फी जो है वो ली गई है इस सेल के थ्रू, यानी कि एक प्लांट ने अपनी खुद की सेल्फी ली है इस सेल के थ्रू, राइट. और ये कैसे काम करती है, तो सनलाइट के अंदर आप जानते हो गाइस कि पेड़ जो है उसको चाहिए होती है सूर्य की किरणें, और उसी से वो अपना खाना बनाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जहां पर प्लांट शुगर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से. और शुगर जो होता है गाइस ये लीव्स में फिर फर्दर जाता है. तो आपने ये देखा होगा कि रूट्स से कैसे पानी और पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है प्लांट्स में, और फिर लीव्स जो है उससे जो पूरा जो भी फूड बनाता है, यानी कि ये शुगर वगैरह जो बनाता है प्लांट, तो ये फिर फर्दर अपने दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कैसे ट्रांसफर करता है. तो ये आपने पढ़ा होगा 10th और 12th की NCERT बायोलॉजी में, राइट. तो ये इस प्रकार की प्रोसेस होती है. तो ये जो पूरा जो मूवमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, राइट, तो ये हम लोग को एज इट इज विजिबल नहीं होता, बट क्या होता है कि इस मूवमेंट के चलते प्लांट जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालता है. कई सारे इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार प्लांट की अगर आप किसी प्लांट्स के नीचे से जाते हैं और बारिश भी नहीं होती, बट देन टू कभी कभी आपको प्लांट के ऊपर से एक आधी बूंद गिर के आपके ऊपर पड़ जाती है, तो वो जो पानी की जो बूंद होती है वो क्वाइट पॉसिबल वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है. इसके अलावा कई सारे पेड़ों में आपने गम्स वगैरह देखे होंगे, गम्स वगैरह लगे रहते हैं पेड़ों के अंदर, या फिर कई बार ऐसी लीफ वगैरह जो होती है वो ऑटोमेटिकली गिर जाती हैं सूख कर, राइट. तो ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर हम लोग को कुछ देखने को मिलता है. तो ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो फिर फर्दर रिलीज होते हैं सॉइल वगैरह में, और सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं गाइस जो कि इनके इस वेस्ट प्रोडक्ट को खाते हैं, राइट. यानी कि उससे उनको एनर्जी मिलती है इस प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट से, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में जनरली जानते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट. जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं गाइस, तो ये बेसिकली इनको प्लांट से हेल्प मिलती है और प्लांट को इन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हेल्प मिलती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में. आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट. फिर क्या होता है कि जो एनर्जी जो कैप्चर होती है गाइस, तो ये एनोड यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स और कैथोड यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स, तो इसके थ्रू एनर्जी जो है वो कैप्चर होती है. और जैसे ही फिर फर्दर जो सुपर कैपेसिटर में यानी कि यहाँ पर ये एनर्जी जो है ये कैप्चर होती है, और सुपर कैपेसिटर जैसे ही फुल हो जाता है तो पावर जो होती है वो डिस्चार्ज होती है, पावर रिलीज होती है और फोटो जो है वो खिंच जाती है. तो ये कुछ नहीं होता, जो प्लांट के अंदर जो पूरी एक्टिविटी होती है, जो मूवमेंट होता है गाइस, तो उस मूवमेंट को जो है ये ट्रैक करता है, और उस मूवमेंट के थ्रू ही ये डिवाइस जो है वो अपने अंदर एनर्जी जो है वो सीक करता है. और जैसे ही पूरी एनर्जी इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर फुल हो जाती है, यानी कि इसके सुपर कैपेसिटर के अंदर जैसे ही फुल एनर्जी हो जाती है, तो एकदम से ये फोटो खींच लेता है. तो ये कुछ नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना है हालांकि आप लोगों को, बट देन टू माइक्रोबियल फ्यूल सेल के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़ आखिर. तो ये एक प्रकार की डिवाइस है जो कि प्लांट की सेल्फी ले लेती है. अब देखो, मैरीटाइम स्टेट्स डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है, तो ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने की हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसका मेजर एम ये है कि ये इंश्योर करना कि जितने भी मेजर और नॉन मेजर मेजर पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाए, उनका डेवलपमेंट हो. और ये बॉडी को बनाया था 1997 मई में, राइट. तो इसकी 17वीं मीटिंग हम लोग को अभी रिसेंटली देखने को मिली है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है. तो जनरल याद रखो कि देखो, नाम सीजन में आ रहा है कि डेवलपमेंट काउंसिल है, और मैरीटाइम डेवलपमेंट काउंसिल की अगर बात हो रही है तो पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, और चाहे वो मेजर पोर्ट हो या माइनर पोर्ट हो, तो उसको डेवलप करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए ये बॉडी जो है ये काम करती है. तो ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने की. दोस्तों, थर्ड इंडिया एनर्जी फोरम की यहाँ पर बात हो रही है, तो सेरा वीक न्यू दिल्ली में हम लोग को ये थर्ड इंडिया एनर्जी फोरम देखने को मिला था. यहाँ पर इंडिया मिनिस्टेरियल डायलॉग भी कंडक्ट किया गया था, और यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो मौजूद थे, राइट. और हम लोग को देखने को मिला था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ये फोरम जो है वो कंडक्ट किया जाता है. तो यहाँ पर किस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि इंडिया के अंदर जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि हम लोग जिस प्रकार से पावर को जनरेट करने के लिए जो कोल और पेट्रोलियम और इस प्रकार के जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसको जनरेट कर रहे हैं, यानी कि उसको यूज़ करते हुए जो पावर को जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो निकालें, राइट. जैसे कि इजी तौर पर समझाऊं तो कम से कम गाड़ी में पेट्रोल डालें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका माइलेज जो है वो गाड़ी निकाल सके, इस पर यहाँ पर टारगेट किया जाता है. अब देखो, गाड़ी से इसको रिलेट मत करना, ये हर चीज़ से रिलेट किया जाता है जहाँ जहाँ पर हम लोग एनर्जी को जनरेट करने पर जो है वो
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का उपयोग करते हैं। आप देखो गाइस, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा पल्यूट करते हैं, और एनर्जी की डिमांड जो है वो आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती आ रही है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो एनर्जी की कंजम्पशन के मामले में इंडिया जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है उसकी की ड्राइवर भी हमारी कंट्री इंडिया देखने को मिलेगी, राइट। और इतनी ह्यूज डिमांड जो है एनर्जी की, वो आने वाले समय पर मीट करने के लिए हम लोग को कुछ तरीके जो है वो निकालने पड़ेंगे, जो कि इस फोरम में डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि गाइस आप जानते हो कि ग्लोबली जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का रिजर्व जो है वो काफ़ी कम है, और इवन आपने अगर NCERT गौर से पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है कि आने वाले 40 सालों में पूरी तरह से कोल, पेट्रोलियम जो है वो, डीजल्स वगैरह जो है वो पूरी तरह से, यानी कि जो क्रूड ऑयल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, राइट, वैनिश हो जाएंगे पूरी दुनिया भर में से। तो 40 सालों का ही रिजर्व है, तो उसको हम लोग को सस्टेनेबल तरीके से इसका उपयोग करना है, इन पर्टिकुलर रिजर्व का। तो यहाँ पर इस फोरम में फोकस किया जाता है कि कैसे हम लोग एनर्जी को जनरेट करें, पावर को जनरेट करें, कम से कम जो है वो मतलब जो सोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करके, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर उसका आउटपुट निकाल कर। तो ये सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हेल्दी मिक्सेस के बारे में बात की जाती है, हेल्दी मिक्सेस जैसे कि पेट्रोल के साथ हम लोग एथेनॉल को मिक्स करें, राइट, और इसके अलावा जो है वो हम लोग डीजल के साथ इथेनॉल को मिक्स करें, जिससे कि कम से कम पेट्रोल लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हम लोग को एज इट इज़ देखने को मिले, राइट। तो इस पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से एनर्जी जो है गाइज उसको कैसे क्रिएट करना है, और कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर एनर्जी फोरम में देखने को मिलती है, ठीक है। और रिन्यूएबल का शेयर जो है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के मामले में इंडिया का, वो 22% जो है वो ग्रो कर रहा है, राइट। जब ये 2014 और 15 में 10% था, अब ये 22% हो गया, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं हमारी फेम स्कीम के थ्रू। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, रेगुलर व्यूअर्स को मैंने फेम स्कीम के बारे में पढ़ाया है। तो फेम स्कीम के थ्रू हम लोग फोकस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स जो है वो उसको उतारे मार्केट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करें एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही साथ यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, जो हेल्दी मिक्स जो है गाइस, जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जाती है कि पेट्रोल के साथ जो है वो इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है उसकी बढ़ा दी जाए, और कम से कम हम लोग पेट्रोल का उपयोग करें। 95% से ज़्यादा हाउस होल्ड्स में LPG का एक्सेस जो है वो अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले लोग घरों में लकड़ियाँ जलाकर, कंडे जलाकर खाना पकाया करते थे, आज की डेट में LPG का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि जब लकड़ियाँ जलती है, कंडे जलते हैं, तो स्मोक निकलती है, राइट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी काफ़ी खतरनाक है, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। तो ये LPG कनेक्शन जो है वो लगाए गए हैं, किस स्कीम के थ्रू, उज्ज्वल स्कीम के थ्रू। तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है, राइट। और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इंडियन एनर्जी सेक्टर के ऊपर कि मोबिलिटी, अर्बनाइजेशन और पावर जनरेशन, तो ये तीन क्रिटिकल ट्रांजिशंस हैं जिनको एड्रेस करने के लिए ये फोरम जो है वो काम करती है, राइट। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। और इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन है कोल का, ये 1/10 है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, बट देन टू इंडिया फोकस कर रही है क्लीनर टेक्नोलॉजी के ऊपर इस फोरम के थ्रू, और फोकस कर रही है कि आने वाले समय में हम लोग लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर जो है वो क्रिएट करें, डेवलप करें, राइट, कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर टारगेट करें, फोकस करें, राइट। और इंडिया प्लान कर रही है कि इंडिया पूरी तरह से गैस इकोनॉमी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, राइट। तो इस पर इंडिया का फोकस है, काम है। और जहाँ पर नेचुरल गैस की बात की जा रही है, और नेचुरल गैस जो है ये बैलेंसिंग फ्यूल का एक ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ये फ्यूल की तरह ही होता है, और ये रिन्यूएबल को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, राइट, यानी कि उसको, उसकी जगह आप जो है वो नेचुरल गैस का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचे, और कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो जनरेट किया जा सके। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कॉन्ट्रीब्यूशन से, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के कॉन्ट्रीब्यूशन से हम लोग को देखने को मिलता है कि क्लाइमेट के साथ जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है, और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया जा सकता है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है इस फोरम के थ्रू, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। अब सेरा वीक क्या है, इसको भी समझ लो आप। तो सेरा वीक जो है वो IHS मार्केट के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है, इसको सेरा वीक बाय IHS मार्केट बोला जाता है। ये वर्ल्ड की प्रीमियर इवेंट, एनर्जी इवेंट है, वर्ल्ड की प्रीमियम एनर्जी इवेंट। जैसे कि अभी हमने बात करी कि इंडिया एनर्जी फोरम है, जो भी चीज़ इंडिया एनर्जी फोरम पे होती है वो इंडिया लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है, तो ग्लोबल लेवल के लिए एक सेरा वीक जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और 1983 में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स जो है, जिसका फुल फॉर्म है सेरा, तो इसका फाउंडेशन हुआ था कैम्ब्रिज में। और हर साल सेरा के क्लाइंट्स जो होते हैं गाइस, वो कुछ दिनों के लिए
टेक्सास में, हाउस्टन टेक्सास में इकट्ठे होते हैं और ये फोकस करते हैं फ्यूचर एनर्जी के ऊपर कि कैसे क्लीनर एनर्जी और क्लीन और ग्रीन एनर्जी जो है वो कैसे क्रिएट की जाए और कैसे कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का उपयोग किया जाए। तो इस पर यहाँ पर डिस्कशन होता है और ये प्रोग्राम जो है गाइज अब ये 5 दिनों के लिए एक्सपेंड हो गया। अब ये 5 दिनों का प्रोग्राम होता है और इसी को सेरा वीक जो है वो बोला जाता है, राइट, कि एक हफ्ते का ये प्रोग्राम है, फाइव डेज का ये प्रोग्राम है। और ये अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में हम लोग को देखने को मिला था सेरा वीक, और यहीं पर ही थर्ड इंडिया एनर्जी फोरम जो है वो कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, राइट। 35वां राइजिंग डे सेरेमनी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की हम लोग को देखने को मिल रही है, 35th राइजिंग डे सेरेमनी। और यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स जो है आप देख सकते हैं अमित शाह जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो गाइज इन्होंने सेलिब्रेट करी है ये 35वीं राइजिंग डे सेरेमनी एनएसजी की, और एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है मनेसर गुरगांव, सॉरी मनेसर गुरुग्राम हरियाणा में। तो यहाँ पर ये एनएसजी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है और यहीं पर ही 35वीं राइजिंग डे सेरेमनी जो है वो ऑब्जर्व की गई है। अब देखो गाइज ये ब्लैक कमांडोज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये इनके कई सारे ऑपरेशन हैं एनएसजी के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो कि गोल्डन टेंपल में जब टेररिस्ट वगैरह घुस गए थे अमृतसर के अंदर, तो उस समय ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है वो कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन अश्वमेध जब इंडियन एयरलाइन फ्लाइट जो है IC427 जिसको हाईजैक कर लिया था टेररिस्ट ने 1993 में, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी इस पर्टिकुलर हाईजैक के ऊपर, बॉलीवुड मूवी, काफ़ी पुरानी मूवी बनी थी। इसके अलावा ऑपरेशन थंडरबोल्ट जिसको वज्र शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, तो गुजरात के अंदर टेंपल के अंदर अक्षरधाम टेंपल के अंदर अटैक किया गया था, टेररिस्ट अटैक हम लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नाडो, तो ये मुंबई ब्लास्ट जब हुआ था 2008 में, तो उस समय एनएसजी ने ये सब ऑपरेशन किए थे। तो ये फेमस ऑपरेशन हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, राइट, पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए गाइस डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिलीज करी है 20th लाइव स्टॉक सेंसस को, राइट। तो ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस हम लोग को देखने को मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो गाय की जो बोविन जो है गाइस, यानी कि जो गाय और भैंस हैं, तो इनकी जो इंडिजीनियस ब्रीड जो है गाइस, इसमें हम लोग को मार्जिनल राइज देखने को मिला, यानी कि बहुत ही कम ग्रोथ जो है, बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। और इसमें बताया गया है कि 4.85 करोड़ नेटिव या फिर देसी मिल्च काउज हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू 4.81 करोड़ पॉपुलेशन पिछले सेंसस में, यानी कि 2012 में 4.81 करोड़ जो है वो गाय हुआ करती थी हमारी कंट्री में, और इसमें बहुत ही कम बढ़ोतरी ग्रोथ जो है वो इस साल की देखने को मिली है इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउज में, या फिर मिल्च काउज या फिर देसी गाय भी इसको बोलते हैं। तो 1% से भी कम की ग्रोथ जो है वो हम लोग को देखने को मिली है। और दूसरी तरफ जो मिल्च पॉपुलेशन है एग्जॉटिक की या फिर क्रॉस ब्रीड कैटल की, जैसे जिसमें जर्सी गाय आती हैं और होलिस्टीन आती हैं, जिसको जर्सी गाय के नाम से जनरली हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो इसमें 32% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 7 सालों में, 32% की ग्रोथ। तो आप कह सकते हो कि क्रॉस ब्रीड गाय और जो जर्सी गाय वगैरह जो होती हैं, जैसे एग्जॉटिक गाय वगैरह, तो इनकी ब्रीड्स में जो है वो बढ़ोतरी हुई है एज कम्पेयर टू इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउज, राइट। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है, जिसको बीजेपी ने लॉन्च किया था 2014 में, जिसका एम ये था कि हमारी देसी ब्रीड्स जो है इंडिया की, यानी कि देसी गाय की ब्रीड्स जो है उसको प्रमोट करना, तो इसका ये मेजर एम था। और जो टोटल पॉपुलेशन है गाइस इंडिजीनियस कैटल की, इंडिजीनियस देसी ब्रीड्स की, तो मेल और फीमेल की दोनों की, और जिसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग और नॉन प्रोड्यूसिंग वाली जो गाय है, नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग वाली गाय, तो इसमें एक्चुअल में ड्रॉप देखने को मिला है 14.5 या आप कह सकते हो लगभग 14 करोड़ जो गाय हैं गाइस, उसमें गिरावट देखने को मिली है, राइट। और इसमें ओवरऑल ग्रोथ 27% की देखने को मिली है, या फिर 5 करोड़ जानवरों की, एनिमल्स की देखने को मिली है एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड कैटल की। तो आप कह सकते हो कि जो टारगेट था राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाया है अचीव, क्योंकि इसका उल्टा ही हो गया कि ये मिशन जो है वो 2014 में लॉन्च किया गया था कि हम इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउज जो है उसको उसकी ग्रोथ करेंगे, तो बल्कि उल्टा ही हो गया, और जो क्रॉस ब्रीड पॉपुलेशन थी काउज वगैरह की, या फिर जो जर्सी गाय वगैरह थी, तो उनकी पॉपुलेशन उल्टे तौर पर जो है वो बढ़ गई है, 5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सामने आई है, ठीक है। तो ये आप जो है वो, हालांकि इतना मेंस वगैरह में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, बट यस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में,
और ये मिशन जो है वो क्या है इसके बारे में पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. और इवन इस मिशन के फेलियर होने का कारण ये था कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जा पा रहा था, राइट. गायों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा था. इवन कुछ समय पहले एक न्यूज़ ये भी आई थी कि जो जहाँ पर जो शेल्टर होम्स है काउज वगैरह के, उसको बेचने तक की बात की जा रही थी क्योंकि उसको मैनेज नहीं किया जा पा रहा था, राइट. तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली. तो ये एज अ फेलियर के तौर पर हम लोग को राष्ट्रीय गोकुल मिशन देखने को मिल गया है. अब सोली चिप के बारे में यहाँ पर बात करेंगे गाइस. तो जो भी लोग गूगल पिक्सल 4 खरीदना चाहते हैं तो वो अपना सपना छोड़ दें, क्योंकि इंडिया में गूगल पिक्सल 4 जो है वो रिलीज नहीं होने वाला है. तो आप बोलोगे सर ये वाली न्यूज़ तो यूपीएससी के लिए बिल्कुल काम की नहीं है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल काम की नहीं है. तो यस गाइस, ये वाली न्यूज़ तो काम की नहीं है गूगल वाली, बट सोली चिप हमारे काम का है. तो रिसेंटली गूगल पिक्सल 4 जो है गाइस उसको लॉन्च होने की खबर आई थी, जिसके अंदर रडार बेस्ड सोली चिप मौजूद थी. अब ये इसके अंदर एक ऐसी चिप थी जो कि आप जैसे कोई भी जेस्चर करते हो, यानी कि मोबाइल के ऊपर से अगर कोई भी सिग्नल देते हो, कोई भी हाथ फेरते हो उसके ऊपर, तो मोबाइल को समझ में आ जाता है कि आप अपना क्या कमांड देना चाहते हो. जैसे कि आपने मोबाइल के ऊपर से मोबाइल को दिखाकर चुटकी बजाई तो वो कुछ आपके कॉन्टैक्ट्स खोल देगा या पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करना शुरू कर देगा. तो ऐसी जो टचलेस जेस्चर बेस्ड कंट्रोल जो है ये हम लोग को इस सोली चिप के थ्रू देखने को मिलता है, जो कि इंट्रोड्यूस किया है गूगल पिक्सल 4 में गूगल के द्वारा, राइट. तो इंडिया में इसको लॉन्च नहीं किया जा रहा है सोली चिप को, क्योंकि इस सोली रडार चिप जो है ये 60 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, और जो कि हमारे इंडिया में कमर्शियली यूजेबल नहीं है. कि 60 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को कमर्शियली आप यूज़ नहीं कर सकते हो, और इसको यूज़ करने के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता पड़ती है. और इसीलिए फिर गूगल ने ये चूज़ कर लिया कि ये गूगल पिक्सल 4 को इंडिया में लॉन्च नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया में 60 गीगाहर्ट्ज की टेक्नोलॉजी या स्पेक्ट्रम के ऊपर या फिर इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर लाइसेंस की आवश्यकता होती है और इसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते हो इंडिया में, राइट. तो ये एक वजह थी. और बाकी ये जेस्चर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा आप याद रखिएगा कि ये सोली चिप जो है ये इस प्रकार की जेस्चर टेक्नोलॉजी है कि आप फ़ोन के ऊपर हाथ दिखाकर या फ़ोन के ऊपर कुछ एक्शंस करके फ़ोन को बता सकते हो कि आप क्या चाह रहे हो, तो वो फ़ोन आपको समझ जाएगा. तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है. तो 60 गीगाहर्ट्ज बैंड जो है, जिसको वी बैंड या फिर विग गिग बैंड वाईफाई एट 60 गीगाहर्ट्ज बैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, जो IEEE 802.11AD प्रोटोकॉल पर काम करती है, राइट. तो ये वाली चीज़ आप इतना डिटेल में मत याद रखो, बट ये सोली चिप के बारे में इन जनरल आपको ये वाली चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, और ये गूगल पिक्सल 4 का थोड़ी बहुत चीज़ें जनरल पता होनी चाहिए कि इनके इस इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया तो यू शुड बी एबल टू स्पीक कि ये क्या है. दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया जो है गाइस उसने अच्छा परफॉर्म किया है. वैसे ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में हम लोग देखेंगे कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या हुई है. बट देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था. हमने बात करी थी कि लगातार इंडिया की रैंकिंग जो है इनोवेशन के मामले में वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है. आप देख सकते हो गाइस कि इंडिया की रैंक जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. 5 प्लेसेस जो है वो पिछले साल के मुकाबले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया ने जो है वो इम्प्रूव किया है. अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जो है गाइस रिलीज करी है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 को, जिसका एम ये है कि ये एक होलिस्टिक टूल क्रिएट करती है पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि पॉलिसी मेकर्स को पता लगे कि इंडिया में कौन सी स्टेट हैं या फिर कौन सी पर्टिकुलर रीजन है जहां पर इनोवेशन में कमी नज़र आ रही है. और फिर साथ ही साथ ये रिकमेंडेशन भी देती है कि कैसे इनोवेशन को इम्प्रूव करना है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर. तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, और इनोवेशन की मदद से इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसीज जो है वो बना सकेंगे हमारे पॉलिसी मेकर्स, और ये चैलेंजेस वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. और इसी के लिए ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये हेल्पफुल होती है पॉलिसी मेकर्स के लिए. अब ये इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके दो डायमेंशन होते हैं. एक होता है इनेबलर, दूसरा होता है परफॉर्मेंस. इनेबलर का मतलब होता है कि इनेबल यानी कि एक इंडिविजुअल, इनेबलर यानी कि आप बोल सकते हो कि फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि इनोवेटिव कैपेसिटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल. एक ह्यूमन होगा गाइस, अगर ह्यूमन का इंटरेस्ट होगा किसी चीज़ को इनोवेट करने के लिए तभी तो इनोवेशन हो पाएगा. अगर ह्यूमन ही नहीं चाहेगा इनोवेशन के लिए तो कैसे हो पाएगा, राइट. जैसे कि अगर आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की पे जाना है, आप पैदल चल के नहीं जा सकते, तो आपके पास होनी चाहिए गाड़ी, और गाड़ी बनाने के लिए होनी चाहिए ह्यूमन. अगर ह्यूमन ही गाड़ी नहीं बनाएगा तो आप गाड़ी मतलब कैसे बन के आएगी, और आप कैसे फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे. तो कहानी सिर्फ यही वाली है हम लोग को देखने को मिलता है इसमें. इनेबलर का मतलब वो लोग जो हेल्प करते हैं इनोवेशन को अचीव करने के लिए. तो ह्यूमन कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया. अगर किसी इन्वेस्टर को, स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे प्रोजेक्ट अपना कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट. तीसरा हो गया नॉलेज वर्कर्स. चौथा बिजनेस एनवायरनमेंट. पांचवा सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट. तो ये 5 फैक्टर्स हैं
जो कि इनेबलर्स के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं. तो इसको कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सी स्टेट में ये पर्टिकुलर फैक्टर्स पर काम किया जा रहा है, राइट. फिर उसके अलावा परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस में आता है नॉलेज आउटपुट और फिर नॉलेज डिफ्यूजन की उस पर्टिकुलर इनोवेशन से फर्दर क्या फायदा मिला है. तो ये वाली चीज़ हम लोग को फिर बाद में देखने को मिलती है. तो पहला जो इनिशियल स्टेज होती है वो इनेबलर्स की होती है, फिर परफॉर्मेंस की नेक्स्ट स्टेज होती है कि उसकी फिर जो इनोवेशन हुआ है उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और उसको कैसे अडॉप्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा या फिर वो कैसे हेल्प कर रही है सोसाइटी के अंदर, राइट. और इसमें टॉप 10 मेजर स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि ज़्यादातर स्टेट जो है वो सदर्न और वेस्टर्न रीजन के सामने आए हैं, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश. तो ये टॉप 10 स्टेट्स हैं गाइज जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनोवेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें कर्नाटक जो है वो सबसे मोस्ट इनोवेटिव मेजर स्टेट इन इंडिया के तौर पर हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है. और सिक्किम और न्यू दिल्ली जो है गाइज ये अगर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, सिटीज, सिटी स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स के बारे में अगर बात करें तो सिक्किम और दिल्ली जो है वो टॉप नंबर वन पर है. तो ये क्या करती है गाइस, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है तो ये ऑल ओवर जितनी भी कंट्री हैं गाइस उनको कैलकुलेट करती है पूरे दुनिया भर की, राइट. फिर ये रिपोर्ट रिलीज करती है. तो वैसे ही ये नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये मिलकर इंडिया की कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सा रीजन है, कहाँ कहाँ पर कितना इनोवेशन हो रहा है, तो उसको मेजर करके फिर ये रिपोर्ट रिलीज करती है, जिससे कि पॉलिसी मेकर जो है वो फिर फर्दर उस पर काम कर सकें और जहाँ पर भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पर भी कमियाँ आ रही हैं उसको फुलफिल कर पाएँ, राइट. तो ये वाली चीज़ देखने को मिलती है. अब एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 5 के बारे में बात हो रही है, तो ये बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है, ये इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ओमान के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट. तो ये एक्सरसाइज जो है ये ओमान में कंडक्ट की गई थी 17 से 26 अक्टूबर के बीच में हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है ये न्यूज़ में. तो याद रखना कि ओमान और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, ओमान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 5 जो है वो कंडक्ट की जाती है. अक्यूट फ्लैसिड माइलिटिस के बारे में बात हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात पे. AFM के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो AFM जो है गाइज ये पोलियो लाइक कंडीशन की तरह इसको रेफर किया जाता है, जैसे कि पोलियो के अंदर एक इंडिविजुअल जो है गाइज उनके लिम्स वगैरह जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो जो इंसान जिस इंसान को पोलियो होता है गाइज तो उसके हाथ पैर बहुत ही आप देखते होंगे कि उसकी बॉडी के लिम्स जो होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं पूरी तरह से. तो ये बिल्कुल ही पोलियो जैसी ही कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है इसकी. जिन लोगों को पोलियो नेगेटिव होता है, यानी कि पोलियो पॉजिटिव जिनको नहीं होता है, देन टू उनको ये वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, राइट. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा बताया गया है. AFM एक्यूट फ्लैसिड माइलिटिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, तो ये नर्व्स वगैरह जो है उसको डैमेज करती है, ये पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाते हैं या फिर लिम्स जो होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं या पैरालिसिस हो जाता है उनमें, और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फ्लेमेट भी करती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड में भी देखने को मिलता है कि रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर जो होता है वो लोगों का चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, राइट, इस कंडीशन में. और AFM के सिम्टम्स की बात करेंगे इस, तो ये हाथ पैर जो है वो वीक होने लगते हैं, जैसे कि पोलियो में हम लोग को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ उसी की तरह ही इसके भी सिम्टम्स होते हैं. बट CDS का कहना है, यानी कि ये जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, इसका कहना ये है कि इस एक्यूट फ्लैसिड माइलिटिस के पीछे कोई ना कोई वायरस ज़रूर इन्वॉल्व है, राइट. और तो अभी वायरस जो है वो सामने नहीं आया है, बट इस पर जो है वो खोज चल रही है. तो एक ये डिजीज़ का नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा, AFM. अब सहारन सिल्वर आंट के बारे में बात की जा रही है, ये चींटी आप देख रहे हो, तो ये सहारन सिल्वर आंट है गाइस, और ये बहुत ही तेज चलने वाली चींटी है, और दुनिया में टोटल 12,000 चींटियों की स्पीशीज है, आंट की स्पीशीज है, उनमें से ये एक लौती ऐसी स्पीशीज है जो बहुत तेज चलती है, राइट. और 855 मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये चलती है, आप कह सकते हो कि लगभग 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये भागती है. तो सबसे तेज चलने वाली चींटी जो है ये सहारन सिल्वर आंट बताई जा रही है, और 108 टाइम्स ज़्यादा अपनी खुद की बॉडी, यानी कि ये जितनी ये चींटी है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 108 से, यानी कि 108 के फिगर से, यानी कि जितनी बड़ी ये है फिर इतना बड़ा ये, फिर इतना बड़ा ये, तो इतने डिस्टेंस को जो है ये कवर कर लेती है एक सेकंड के अंदर. आप ये कह सकते हो कि जितना इसकी बॉडी की जो लेंथ है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 108 के, तो एक सेकंड के अंदर उतनी तेज उतनी दूर तक जो है ये चली जाएगी, भाग जाएगी. तो ये बहुत तेज चलती है चींटी गाइस, रॉकेट की स्पीड पे हम लोग को देखने को मिलती है. अब देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो ये रिपीटेड न्यूज़ है, हालांकि पहले मैं इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, बट देन टू आई है, फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अच्छे से याद नहीं आ रहा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में क्लियर किया था कि नहीं किया था, तो मैं फिर से इसको देख लेता हूं. तो देखो ये एक प्रकार का टूल है गाइस जो कि एयर क्वालिटी को जो है वो पता लगाता है, ये टूल एयर क्वालिटी का, और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि उनके यहाँ पर, यानी कि उनके रीजन पर एयर क्वालिटी जो है वो कैसी है, राइट. जैसे कि आपके सिटी वगैरह में आपने देखा होगा गाइस, कई सारे ऐसे बोर्ड्स लगे हुए जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना होगा,
राइट, और वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी सिटी के अंदर पॉल्यूशन जो है वो कितना है और आपकी नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं वहां पर पॉल्यूशन कितना है, राइट. जैसे कि मैं रहता हूँ भोपाल में, तो भोपाल में इस प्रकार के बोर्ड्स बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाते हैं. तो आपने भी ऐसा कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स का बोर्ड देखा होगा अपने घर के आसपास, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिएगा, राइट. और 6 एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरी होती है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर. तो आप देख सकते हो ये हजार्डरस, वेरी अनहेल्दी, अनहेल्दी, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, राइट, मॉडरेट, गुड. तो ये इस प्रकार का इसका कुछ इंडेक्स होता है, राइट. तो ये ओजोन का है, बाकी ये नॉर्मल जो इंडेक्स है जो हमारे इसकी अगर हम लोग बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें आसपास की, तो उसका यहाँ पर ये देखने को मिलता है. तो ये एयर क्वालिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाए तो उससे रिलेटेड ये टूल जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग को देखने को मिलता है. तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और NH3 और PB. तो इस प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, 8 पॉल्यूटेंट्स, तो उनको ये डिटेक्ट करता है और फिर लोगों के बीच लोगों तक जो है वो इन पॉल्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. दिल्ली के अंदर ऑड इवन रूल जो है वो शुरू हो गया है. तो आप देख सकते हैं गाइस, अभी जैसे देखो दिवाली आने वाली है, तो उससे पहले ही ऑड इवन रूल जो है वो शुरू कर दिया है. ऑड इवन रूल के बारे में आपको पता होगा गाइस कि जो नंबर प्लेट होती है, तो अगर जिस नंबर प्लेट जो है गाइस उसमें एंड में अगर 2 है तो ये कौन सा नंबर हो गया, इवन हो गया, राइट. तो ये वाली एक दिन जो है वो ये इवन नंबर चलेगा और एक दिन जो होगी वो ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, राइट. तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है ऑड इवन रूल के थ्रू. तो ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है, एक मेजर है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर शुरू कर दिया गया है. अब व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में गिरावट देखने को मिली है सितंबर में, 12.9% गिरावट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पे देखने को मिली है. और ये डेटा आया है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा और वाहन की हेल्प के थ्रू ये डेटा हम लोग को देखने को मिला है. तो देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बताया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के गिरने के कारण कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो ये उसी चीज़ के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक गाड़ी जो होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं और एक गाड़ी जो होती है यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर इसमें गिरावट होती है तो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में भी इक्विवेलेंट गिरावट नोटिस की जाती है. तो ये इकोनॉमी में एक बड़ा झटका ऑटोमोबाइल सेक्टर की गिरावट के कारण पड़ जाता है. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताया था ना, दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा मैं. ठीक है, सुन लो, अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है, अगर बीच से ये वीडियो देख रहे हो तो पीछे जाकर पूरा वीडियो देखो. अब देखो, वाहन की बात करें तो वाहन की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, वाहन जो है ये एक डिजिटल नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री पोर्टल है. यहाँ पर व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो रजिस्टर की जाती है और वाहन जो है ये इस पोर्टल, इस वेबसाइट जो है ये अलाउ करती है सभी डिटेल्स को, यानी कि इस व्हीकल से रिलेटेड सभी डिटेल्स इस वेबसाइट पर मिल जाती हैं. उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस, इंजन नंबर, बॉडी, फ्यूल टाइप, कलर, मैन्युफैक्चरर्स और मॉडल नंबर क्या है उसका, राइट. और ये पूरी चीज़ें जो है वो इसमें मिल जाती है और ये ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर करती है सिटीजन्स को. जैसे कि कई अलग अलग पोर्टल्स होते हैं जिसमें आप जैसे अगर व्हीकल का नंबर डालो उस पोर्टल में तो आपको उस व्हीकल के ओनर की जानकारी मिल जाती है और इस व्हीकल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो ऐसे सिटीजन्स के लिए पोर्टल बनाए जाते हैं, उसमें से एक पोर्टल वाहन हम लोग को पोर्टल देखने को मिलता है. और ड्राइविंग लाइसेंस और उससे रिलेटेड डेटा के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन है जिसका नाम है सारथी. ठीक है, तो याद रखना आप कि ये वाहन जो है वो एक डिजिटल पोर्टल है जो कि रोड से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सिटीजन्स तक पहुंचाता है. ठीक है, अब बात हो रही है MDR के बारे में, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में. तो देखो ये है क्या, इसको ईजी तरीके से समझो. बहुत देखो गाइस, आप कहीं पर भी किसी भी के पास भी जाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गए, जैसे कि आप एक पेट्रोल पंप पे गए. ठीक है, पेट्रोल पंप पे आपने स्वैप किया, जैसे आपने 100 रुपये का पेट्रोल डलाया तो आपने 100 रुपये स्वैप कर दिए, राइट. तो उसमें क्या होता है गाइस कि 100 रुपये में से मान के चलो कि 1 रुपये जो है वो अगर 1% मर्चेंट डिस्काउंट रेट है तो 1 रुपये जो है वो बैंक ले लेगी और 99 रुपये जो है वो पेट्रोल पंप वाले को मिलेंगे. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि पेट्रोल पंप का नुकसान हो रहा है. तो ये जब ये मशीन के ऊपर, यानी कि स्वैपिंग मशीन के ऊपर जो चार्जेस जो होते हैं गाइस, जो कि बैंक चार्ज करती है, तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है. ठीक है, ये किससे चार्ज किए जाते हैं, ये इस इंडिविजुअल से, यानी कि जो कंपनी वाला होता है उससे चार्ज किए जाते हैं. तो यूनियन गवर्नमेंट ने सभी बैंक को और सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को कह दिया है कि ये कोई भी पैसा जो है वो इम्पोज नहीं करेंगे या फिर कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट इम्पोज नहीं करेंगे कस्टमर के ऊपर, और या फिर जो मर्चेंट्स जो होते हैं जो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह करवाते हैं तो उनके ऊपर नहीं करेंगे जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम का होगा. यानी कि जिस पर्टिकुलर जो मर्चेंट है गाइस, यानी कि जो सेलर जो है उसका अगर एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम का होगा तो उसके ऊपर कोई भी MDR चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, राइट. तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही. तो 1 नवंबर से इसको मैंडेटरी करने की बात करी है MDR को, तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक था.
और MDR जो होती है वो फीस चार्ज की जाती है मर्चेंट से और एक बैंक के द्वारा जब वो पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो आपको आप कार्ड स्वैप नहीं करते, आप बोलते हो कि चलो हमारे पास कैश नहीं है कार्ड स्वैप कर लो हमारा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो वैसे ही जो कार्ड जब स्वैप किया जाता है तो उसमें से कुछ परसेंट जो है एज अ फीस के तौर पर बैंक चार्ज कर लेती है ये उस मर्चेंट को ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इस प्रकार की, ठीक है। और इस जो जो ये इफेक्ट जो हो रहा है MDR को जो रिड्यूस करने की जो बात करती है, रिड्यूस नहीं यानी कि खत्म करने की बात करती है गवर्नमेंट ने, कि जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ से कम का होगा राइट, तो उनके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर MDR चार्जेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और ये इस ये अमेंड किया गया है इनकम टैक्स एक्ट को और साथ ही साथ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को, और उसके बाद फिर ये MDR का रूल हम लोग को देखने को मिल गया है। अब देखो डैंक्स 2019 की बात करें, डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2019 की, तो रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार कमांड ने कंडक्ट किया है सेकेंड एडिशन डैंक्स 2019 का। यहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और कई सारे स्पेशल फोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली बनाए गए हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, तो इन्होंने इस एक्सरसाइज में जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो डैंक्स एक्सरसाइज जो है गाइज ये किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं होती है, ये आपस की अंडमान एंड निकोबार कमांड हम लोग को देखने को मिलती है और इसका सेकंड एडिशन हुआ है, और जिसमें हमारी जो फोर्सेस जो होती हैं हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस तो वो यहाँ पर मौजूद होती हैं और भी कई सारी स्पेशल फोर्सेस वो एक साथ यहाँ पर एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं राइट। अब देखो बताया जा रहा है कि दुनिया की पहली फीमेल स्पेस वॉकिंग टीम हम लोग को देखने को मिली है जिसने 18 अक्टूबर को हिस्ट्री बना दी है। देखो गाइस ये आपको दो ये जो स्पेस वॉकर्स देखने को मिल रही हैं या फिर दो एस्ट्रोनॉट्स आपको देखने को मिल रही हैं जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच और जेसिका मियर, तो इन्होंने गाइस बिना किसी मेल यानी कि बिना किसी मेल की हेल्प के ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर गई और इन्होंने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ खराबी थी तो उसको सही कर दी राइट। तो बिना किसी मेल क्रूमेट के ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर निकलकर जो भी ब्रोकन पार्ट था पावर नेटवर्क का उनके, तो उसको उन्होंने रिपेयर कर दिया। तो ये इन्होंने हिस्ट्री बना दी कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो अकेली फीमेल जो है फीमेल की टीम यानी कि वुमेन की टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बाहर गई है स्पेस में और उन्होंने स्पेस वॉक करी हो राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मैं बोलूँगा आपको कि एक बार इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यूट्यूब में वीडियो है जैसे आप देख रहे हो ना ये इस प्रकार से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये जो वुमेन है गाइस ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर है, एक बार वो वीडियो देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। जिसको वीडियो नहीं मिल रहा है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सर वीडियो भी दे दो मुझे, तो मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, बहुत ही शानदार वीडियो है, उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे टॉयलेट का यूज़ करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर तो ग्रेविटी नहीं है, वो हवा में फ्लोट करते रहते हैं, तो इवन वहां पर वो अपनी कि उनकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो वहां पर एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें वहां पर बताई गई है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक मेरे ख्याल से डिस्कवरी चैनल का है या फिर किसी किसी ने किसी नासा के एस्ट्रोनॉट ने प्राइवेट इस वीडियो को बना दिया, पता नहीं अब जो भी है बट आप देख लेना वाला वीडियो को, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, ठीक है। तो ऐसे ही ये दुनिया की पहली फीमेल स्पेस वॉकिंग टीम जो है ये हम लोग को देखने को मिल गई है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर निकलकर स्पेस में दोनों जाकर जो है वो कुछ रिपेयर किया। देखो इनके हाथ में कुछ रिपेयर करने की डिवाइस भी है ना, तो ये याद रखिएगा आप। तो चलो इसी के साथ जीएस पेपर 3 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, बट रुक जाओ अभी जाना नहीं है, अभी मैं आपको कुछ ऐसे जनरल स्टडीज के टॉपिक्स बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है यानी कि स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स हैं जिसको आपको खुद से प्रिपेयर करना है और ये आप लोगों का होमवर्क है राइट। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख देना है कि सर होमवर्क डन। देखो पहली चीज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में पढ़ी है, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये अभी टॉपिक न्यूज में था इसीलिए, और अभी आज के ट्यूटोरियल में भी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। पोस्टल बैलेट्स क्या होते हैं इसका मैंने आपको एक आइडिया दिया है, बट प्रॉपर तरीके से इस पोस्टल बैलेट क्या होते हैं उसको पढ़िएगा। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़िए, स्पेशली इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़िएगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी, क्योंकि ये पूछ ली जा सकती है। मूरल पेंटिंग्स क्या होती है ये पढ़िए क्योंकि इससे रिलेटेड प्रिलिम्स वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं राइट। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होने की क्या आवश्यकता है, और क्यों इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबरशिप चाह रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये तीन क्वेश्चन डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए, ये प्री और मेंस दोनों में आपके लिए काम में आएंगे राइट। और इससे रिलेटेड मैं आपको पहले भी प्रिपेयर करवा चुका हूँ। और अभी क्या हुआ है, इंडिया और सेरा लियोन ने जो है ये एक कंट्री है, तो ये एक दूसरे के साथ बायलेटरल रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं और ये फोकस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म के ऊपर यानी कि पुश करने के लिए दोनों मिलकर।
एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है ये इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 190 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसके थ्रू राजस्थान जो स्टेट है वहां पर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है उसको अपग्रेड करने पर काम करवाने के लिए, यानी कि ये लोन जो है वो राजस्थान के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है उसको अपग्रेड करेंगे इस लोन लेकर, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है इसको थोड़ा पढ़िएगा। अच्छा ये रिपीट हो गया, सॉरी तो ये हटा दीजिएगा, इसको रिपीट हो गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है इसके बारे में रीड कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने आज ग्रे डार्क ग्रे लिस्ट के बारे में बात करी है, पहले मैंने आपको ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और कई बार हम लोग एफएटीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा आप, इससे रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। और फेसबुक ने नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है लिब्रा, मैंने आपको पढ़ाया भी है अभी इसके बारे में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट। और पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस जो है ये कौन सी पोस्ट है इसके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे में अभी रिसेंटली हमने देखा था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाएगी, और ये जो पोस्ट होगी ये हमारी जो तीनों आर्म फोर्सेज हैं, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवल फोर्स और इंडियन आर्मी, तो ये तीनों फोर्सेज को आपस में इंटीग्रेट करेगी ये पर्टिकुलर पोस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट, राइट। और जिससे कि जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी जो इश्यूज होते हैं वो जल्द से जल्द टैकल किए जाएं, या फिर जितना भी एडवांसमेंट होता है डिफेंस में हमारे इंडिया के अंदर, तो ये तीनों जो सर्विसेज हैं उनको कोलैबोरेट करते हुए एडवांसमेंट जो है वो जल्द से जल्द किया जा सके, राइट। और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा, राइट। और ब्रेक्सिट के बारे में डेफिनेटली पढ़िएगा, तो ये आपके 12 नहीं 11 हैं, क्योंकि 11 क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये 11 क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, जिसको आपको फिनिश करके नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बता देना है कि सर होमवर्क इज डन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का पूरा लेक्चर, और साथ ही साथ फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, और जहाँ पर हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं एग्जामिनेशन की, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस यहाँ पर समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन जो है ये ऐसे दिखती है, टेलीग्राम की एप्लीकेशन सर्च कर लीजिएगा गूगल स्टोर या प्ले स्टोर पर, तो टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूज़र नेम को सर्च करोगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, टाटा।